बायोजोग्राफी में कल फर्स्ट कंपोनेंट कर लिया था सोइल्स, आज सेकंड कंपोनेंट करेंगे फॉरेस्ट, और जो थर्ड है वो सोशल फॉरेस्ट्री। तो देखो फॉरेस्ट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट बाय द FAO, फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। तो बताओ कि कितना आपका फॉरेस्ट कवर कर रहा है? अराउंड 31% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज द फॉरेस्ट। एक डेटा दे दिया आपने स्टार्टिंग में, है ना। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ओनली 5 कंट्री। इसलिए देते हैं कि मैप अगर आप दिखाओ, कभी दिखा रहा हूँ, तो मेजरली जो फॉरेस्ट आप दिखा सकते हो तो ब्राजील में, कैनेडा, चाइना, रशिया एंड USA, तो ये एरिया जहाँ पे मेजरली फॉरेस्ट है आपके। यूजेज ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। अब देखो इसमें दो तरीके थे, एक तो ये पहले बताता हूँ, फिर दूसरा आप लोग बताना जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, है ना। फॉरेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ मेनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे वुड, टिम्बर, है ना। अबाउट 1.5 बिलियन डिपेंड्स ऑन द फ्यूल। फॉरेस्ट कैन प्रोवाइड फूड, फाइबर, एडिबल ऑयल्स, ड्रग्स। फॉरेस्ट लैंड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रेजिंग। तो बेसिक इकोनॉमिक पर्पस हो गया कमर्शियल यूज। फिर कुछ इकोलॉजिकल यूजेस भी हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी, उनको सपोर्ट करना, रेगुलेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। ये हो गया आपके इकोलॉजिकल जो इसके यूज, पॉल्यूशन प्योरीफायर, सॉयल कंजर्वेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये टर्म्स आनी चाहिए आपकी, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पढ़ना है कि कुछ कमर्शियल यूजेज है, टिम्बर, फ्यूल, एग्रीकल्चर, कुछ आपके इकोलॉजिकल यूजेज है आपके इकोसिस्टम में, पॉल्यूशन में, उन सब में, ठीक है। फिर कुछ इसके एस्थेटिक वैल्यू है जो टूरिज्म में और इन सब में होती है ना, एस्थेटिक वैल्यू होती है फॉरेस्ट की, देखने में अच्छा लगता है सब चीज़ें, और रिसर्च में। अब दूसरा तरीका आप लोग मेरे को बताओगे, एक तो तरीका ये है कि जैसे हम फॉरेस्ट के यूजेस को बता सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है बताओ। ठीक है, और इसके अलावा यही कोई नहीं यार, मैंने बताया था RPSC, देखते याद रखना चाहिए। जो भी इकोसिस्टम आ जाए उनके चारों यूज ये बता दो। मैं तो तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। कुछ ना कुछ उसके रेगुलेटिंग यूज होंगे, जो रेगुलेट कर रहा होगा क्लाइमेट को, प्रेसिपिटेशन को, टेम्परेचर, रेगुलेटिंग यूज। कुछ उसके प्रोविजनिंग होंगे, ये तो इकोसिस्टम सर्विस पढ़ते हैं एनवायरमेंट के अंदर, पढ़े हैं ना सबने, पहले भी करवाया था इकोसिस्टम सर्विसेज, RPSC कोड याद करवाया था, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन तेरे को, है ना। तो रेगुलेटिंग कुछ पर्पसेज होंगे, कुछ प्रोविजनिंग होंगे, प्रोविजनिंग में सारे इकोनॉमिकल यूज आते हैं उसके, ठीक है। और एस से क्या थे इसके, सपोर्टिंग, कुछ सपोर्ट कर रहा होगा, जैसे सॉयल कंजर्वेशन हो गया, कुछ उसके सपोर्टिंग रोल होंगे। और लास्ट क्या इसका, कल्चरल वैल्यू जो ये कह रहे थे, एस्थेटिक और ये सारी चीजें। तो ऐसे डिवाइड कर लो इस चीज को, RPSC, कोई भी इकोसिस्टम आ जाए उसके RPSC में ब्रेक कर दो उसको, स्टैंडर्ड वर्ड्स आ जाएंगे आपके पास, ऑर्गेनाइज हो जाएगा आंसर, ये है, ठीक है ना। आपको याद आ गया था, नहीं बताया तो नहीं, याद नहीं आया, लेकिन आना चाहिए याद। रेगुलेटिंग, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग और कल्चरल, इकोनॉमिक्स, जो भी इकोनॉमिक्स है, टिम्बर विम्बर हो गया, किसी भी इकोसिस्टम का जो इकोनॉमिक जो उसका यूज होता है, दैट कम्स इन द प्रोविजनिंग। रेगुलेटिंग जो क्लाइमेट व्लाइमेट इन रिलेटेड हुआ, ठीक है, सपोर्टिंग जो सपोर्ट कर रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन, है ना, ये सब चीज हो गया, और फ्लड कंट्रोल, है ना। और कल्चरल में क्या हो गया आपका, जैसे एस्थेटिक और ये टूरिज्म, ये हो गया, ये इसमें ऐसे डिवाइड कर लिया करो RPSC। देखो प्रोविजनिंग में, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आओ फॉरेस्ट, ये देखो मेरा पर ये पढ़ तो आप लेते ही सारे, लेकिन पर्पस अगेन क्या, दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना, कुछ याद करवाना, है ना। पढ़ तो रखा है हमने, पर हमें याद कभी नहीं होती थी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं सारी। अब तुम इकोनॉमिक जब भी किसी भी इकोसिस्टम का बेनिफिट करना होगा तो तुम कर लोगे, वन फॉर द ऑल सेटल होगी चीजें, RPSC खत्म बात। अब उसके अकॉर्डिंग उसमें डाल देना किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये फॉरेस्ट देख लो, कुछ फॉरेस्ट याद कर लो ऐसे, ये मैं क्यों दिखाता हूँ पिक्चर्स, पिक्चर से दिमाग में बैठ जाती है, और जब आंसर लिखना होगा तो आप एक डायमेंशन में नहीं जाओगे केवल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, आप 4-5 डायमेंशन बताओगे उसमें कि सर वहां पे ये दिक्कत आया, वहां पे ये दिक्कत है, उसका ये फायदा है, उसका ये फायदा है। भाई एक फॉरेस्ट यूज के ऊपर क्वेश्चन आ गया या फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन पे आ गया, तो एक बंदा तो केवल अमेजन फॉरेस्ट की बात कर रहा है, एक बंदे को अगर 4-5 फॉरेस्ट याद है तो सब अल्पाइन फॉरेस्ट की बात भी कर रहा है, एक डेसिड्यूस में सर ये दिक्कत है, लिटोरल में ये दिक्कत है, मैनग्रोव में ये दिक्कत है, उसको 5 एग्जाम्पल पता है, तो कितना डाइवर्सिफाइड आंसर हो गया, ये बात समझो ना। तो इसलिए मैं फोटोज दिखा रहा हूँ, इसलिए बस मैं कीवर्ड याद करवा रहा हूँ, एग्जाम की अप्रोच अलग है जो मैं करना है ना, समझ आ रही बात को। आप देखते हो कि मैं खुद ही जब आंसर लिखता हूँ केवल अमेजन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऊपर उठ ही नहीं पाते थे डिफॉरेस्टेशन के अंदर, ज्यादा ज्यादा कोई इंडिया का डेसिडस लिख दिया, भाई ये तो कोई नहीं लिखता था कि अल्पाइन में ये दिक्कत है ना, मैनग्रोव में ये दिक्कत है, मतलब इतना 4-5 डायमेंशन, वो जाना जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, सब वही 2 डायमेंशन लिख रहे हो, तुम 5 डायमेंशन लिख के आ रहे हो, तभी तो डिफ्रेंशिएट करोगे। ये अब देख लो, बस देखना, ये पता सबको, ये बस नजर में आ जाएगा, हाँ भाई कुछ टेम्परेट फॉरेस्ट है,
ठीक है, ये क्लास इग्नोर हो गया। कुछ सब एल्पाइन या एल्पाइन फॉरेस्ट है। सेकेंडरी फॉरेस्ट ग्रोथ क्या होती है, एक बार कुछ आग वाग लगी या डिस्ट्रॉय, उसके बाद जो सेकंड ग्रोथ है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ फॉरेस्ट हो गया, सक्सेशन वाला पार्ट हो गया। देखो पिट स्वैम्प हमने बात किया था, ये पूरा वाटर लॉग्ड है यहाँ पे, तो अब आपको चीजें कल की क्लास से रिलेट कर पाओगे। तो कुछ पिट्टी फॉरेस्ट हो गए है ना, बोरियल एक साथ सारे बोरियल या टाइगा वाले फॉरेस्ट हो गए है ना, फिर मैनग्रोव कोस्टल एरिया में मैनग्रोव जहाँ पे एस्टुरीन वाटर है या दोनों सलाइन वाटर है वहां पे मैनग्रोव होता है। एनवायरमेंट सारी कंडीशन कराऊंगा मैनग्रोव में क्या क्या होती है, फ्रेश वाटर स्वैम्प ठीक है, यहाँ पे स्वैम्स हो गए। ज्योग्राफी में पढ़ाने का पर्पस है कि लोकेशन बदल जाए, जो डीप होता है कंडीशंस होते हैं फ्लो वो सब करते हैं एनवायरमेंट के अंदर। हालांकि करवाता हूं मैं एनवायरमेंट में, यहाँ भी इसलिए करा रहा हूँ लोकेशन और एक स्ट्रक्चर तो बने दिमाग में, क्योंकि वहां पे इतना हम जाते नहीं टेम्परेचर कंडीशन पे और उस पे लोकेशन पे, वहां पे केवल फ्लोरा फाउना देखते हैं और बाकी चीजें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे आप इनको देखो, तो हर एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है अपने। अब आओ डिफरेंट फॉरेस्ट जो है, तो पहला कौन सा है, टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट। टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट इज अ टेरेस्ट्रियल बायोम फाउंड इन द टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड बेसिक ठीक है। दिस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन यूएसए कनाडा, क्योंकि ऊपर वाले एरिया में मिलेंगे टेम्परेट वाले है ना। मैं बस ये करवा भी रहा हूँ, ये स्पीशीज पूछ लेता है, स्पीशीज याद कर ले रहा हूँ। टेम्परेट आपको पता है ऊपर मिलेंगे है ना, कनाडा यूएसए साइबेरिया वो सब हो गया। अब कौन कौन सी स्पीशीज है जो टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलती है, इसमें आपके सिडार, सिप्रस, डगलस फर, फर, जूनिपर, पाइन, पोडोसेप्रस, स्प्रूस, रेडवुड एंड ये, बस ये स्पीशीज देखनी है अपने को इसमें। अब अगला आगे एक एक दो तो लाइन लिखी है, अल्पाइन या सब अल्पाइन कोनीफेरस फॉरेस्ट, ये मिडल या अपर एलिवेशन मिलते हैं। देखो आगे भी मैं बताऊंगा आपको, एक होता है आपका आर्कटिक फॉरेस्ट ठीक है, जो लेटीट्यूड के ऊपर होता है कि भाई 60-70 degrees लेटीट्यूड पे जो होंगे आर्कटिक फॉरेस्ट। एक होता है अल्पाइन फॉरेस्ट, होते दोनों ठंडे फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है दोनों, पर वो डिपेंड करेगा हाइट के ऊपर कि चाहे वो इक्वेटर पे भी हो सकते हैं किलिमंजारो माउंटेन्स है ठीक है ना, चाहे वो ट्रॉपिक्स पे भी हो सकते हैं, पर वो हाइट पे मिलेंगे काफी, क्योंकि विद हाइट भी क्या होता है टेम्परेचर कम होता जाता है। तो एक अल्पाइन हो गया और लैटिट्यूड के साथ तो टेम्परेचर कम हो गया ही, तो वो आर्कटिक फॉरेस्ट हो गया, बोरियल फॉरेस्ट हो गया। तो ये जो दे रखा है सब अल्पाइन या अल्पाइन फॉरेस्ट, ये हाइट के बेसिस पे है, क्योंकि ऊपर जाएंगे ठंडा होगा, जैसे हाइट पे जाएंगे तो वहां भी ऐसी स्पीशीज मिलेंगी ठंडे फॉरेस्ट वाली ठीक है ना। तो ये कैसे है विद हाइट, भले ही मिडल और अपर एलिवेशन से मिल जाए, जैसे मिडल हिमालयाज हो गया, अब हिमालयाज है तो ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में है, पर वहां पे फिर भी ठंडे फॉरेस्ट मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाइट, दे आर नोन एज एल्पाइन फॉरेस्ट। और वही फॉरेस्ट टेम्परेट ग्रास फॉरेस्ट होंगे जो हाइट पे लैटिट्यूड पे मिलेंगे, तो उनको बोल देते हैं बोरियल फॉरेस्ट ठीक है, या फिर आर्कटिक फॉरेस्ट और ऊपर। फिर ये कुछ फ्रेश वाटर स्वैम्स है ठीक है, दे आर नॉर्मली इन द लोअर रीचेस अराउंड द रिवर एंड फ्रेश वाटर, कहाँ कहाँ मिलते हैं, बस वही डायग्राम है इंडिया की ज्योग्राफी में करेंगे। उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इंडिया की स्पीशीज से पूछता है, वो मैं आज करा दूंगा। हाँ तो मुझे पता है वो क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं वो चार्ट करा दूंगा आपको आज है ना, वो मैं करा दूंगा। हाँ लेकिन इंडिया में जब इंडियन, क्योंकि इंडिया की वेजिटेशन अलग से कराता हूँ तो उसमें पूरा इंडिया की वेजिटेशन रहेगा, ये चीज यहाँ पे फास्ट निकालने वाली है कि ब्रॉड आ जाए, क्वेश्चन कम आते हैं इससे, इंडिया से ज्यादा आते हैं, तो इसका इंडिया का चार्ट मैंने फिर भी डाल दिया यहाँ पे, वहां पर भी कराऊंगा। इक्वेटोरियल एवरग्रीन, यहाँ पे हाई रेनफॉल होगा है ना, बस ये बात याद रखनी है। These forests occur in the belt around equator with the largest areas of the Amazon basin, so South America, Congo basin and Malay archipelago. अभी हम जब ecosystem को करेंगे ना biomes, उसमें सारा डिटेल में करेंगे, क्योंकि biomes का एक पार्ट है फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट यहाँ पे है, उसके अंदर फिर फ्लोरा भी आएगा, फाउना भी आएगा, सॉइल भी आएगी, सारी जाएंगे biomes के अंदर। फिर ये सेकेंडरी फॉरेस्ट क्या होते हैं, जैसे मान लो एक फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर जो वापस रीग्रोन हो रहा है मे बी आफ्टर फायर और इंसेक्ट इंफेस्टेशन या टिम्बर हार्वेस्ट करने के बाद, जब दोबारा फॉरेस्ट ग्रोथ होता है बोलते हैं सेकंड ग्रोथ, सेकंड फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको बताया गया था, श्रब और स्मॉल ट्रीज दैट ग्रो इन द कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर। मैनग्रोव्स आर द सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज, ये याद रखनी है, दे आर कॉल्ड हेलोफाइट्स एंड आर एडवेटेड टू लाइफ इन द लिव इन द हार्श क्लाइमेट। इसकी और भी बहुत प्रॉपर्टीज है, वीवी पैरिटी है ना, वो सब चीजें एनवायरमेंट में करेंगे। ये सब तो बस आपको बता रहा हूँ कौन कौन से फॉरेस्ट हो सकते हैं, कहाँ बोरियल या फिर टाइगा फॉरेस्ट, ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट, इज अ बायोम कैरेक्टराइज्ड बाय कोनीफेरस फॉरेस्ट होंगे, कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, इसमें ट्रीज देख लो कौन कौन से, पाइन्स, स्प्रूस एंड लार्चेस। ये एक अच्छी लाइन है, द टाइगा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोम अपार्ट फ्रॉम द ओशियंस। तो सबसे बड़ा बायोम तो ओशियंस ही आते हैं, मरीन वाला, मरीन बायोम, उसके बाद जो सबसे बड़ा बायोम, बायोम सेकंड नंबर कौन सा आपका, टाइगा। कंटिन्यूस बेल्ट भी दिखाऊंगा ऊपर टाइगा के ऊपर पूरा है ना, हायर लैटिट्यूड्स पे, तो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोम अपार्ट फ्रॉम द ओशियंस। इन नॉर्थ अमेरिका इट कवर मोस्ट ऑफ द इनलैंड कनाडा एंड अलास्का एज वेल एज द पार्ट्स ऑफ एक्सट्रीम नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट ऑफ द यूएसए। पिट और स्वैम्प्स, जहां पे पुअर ड्रेनेज होगा वाटर लोग, पिट और स्वैम्प्स बन जाएंगे।
ओवर द टाइम दिस क्रिएट्स अ थिक लेयर ऑफ एसिडिक पिट. अब देखो, अब आप रिलेट कर पा रहे हो, कल मैंने क्लास में बताया था जब बारिश होती है, जब पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे कैसे हो जाती है, एसिडिक हो जाती है. तो पिट में आप अगर वहां पे लाइन भी आती है तो आप लिख देते एसिडिक. पेडोकैल पेडोल सब कर रखे थे ना, जहां पे पानी कम था वहां पे सेलेनाइजेशन हो रहा था, जब पानी ज्यादा था वहां पे एसिडिफिकेशन हो रहा था. तो पिट में वाटर लो गए तो कैसा हो जाएगा, पिटी सॉइल एसिडिक हो जाएगा, फॉरेस्ट कैसे हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. तो ऐसे कॉन्सेप्ट रिलेट करने हैं. ये तो चलो मैंने लाइन लिख दी यहाँ पे और आपकी दोबारा रिविजन, लेकिन एग्जाम में भी आती तो ये दो तरीके के बच्चे, एक तो होता बिल्कुल से वो जो पढ़ा है वही, वो तो कहते सर आपने कराया नहीं तो नहीं आया कोई बात पेपर में, आप दूसरा कहते हैं कम से कम इतना तो बताया था सर ने, जब पानी है वहां पर एसिडिक कंडीशन रहती है तो वो उसको अप्लाई करता, और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है. क्लास में जो पढ़ा है उसको अप्लाई कौन करेगा, ये तो चलो इतना मैं रिसर्च करके लाता हूँ, इसलिए मैं ये लाइन भी चेप दी मैंने, तो कोशिश कम है कि इससे बाहर तुम्हें, लेकिन फिर भी एग्जामिनर तो और दो कदम ऊपर जाएगा ना, वो तो और उसमें चीजें निकालेगा. अब तुम जो पढ़ाया है क्लास में कॉन्सेप्ट उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो वो तुम्हारा गेम है ऊपर. वो कैसे आएगा, मैक्सिमम रिविजन से, अंडरस्टैंडिंग से. इतना मैंने कर दिया, कट शॉर्ट कर दी बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, पढ़ना इसी पेपर, इसको बार बार पढ़ना है, इसको इम्बाइब करना है एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज बार बार बार, पीवाई की हो गए चाहे टेस्ट सीरीज हो गई प्रैक्टिस. तो उसमें जो भी एंगल लग रहा है, मतलब ज्योग्राफी में मैं श्योरिटी कर रहा हूँ जो तुमने मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाहर फिर कर लोगे उसी को अप्लाई, तो कॉन्फिडेंस आएगा उस टॉपिक्स के अंदर, उसको अप्लाई करो. नहीं आ रहा तो सर ये रह गया था, इसको नोट डाउन करो साइड में. ऐसे करना है ठीक है ना, कि जो जो सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे आई आर में भी मैं श्योर हूँ, इतनी तुम्हारी डिटेल में क्लास हुई तो मैक्सिमम चीजें आई आर की भी कर लोगे. तो जो जो क्लास होती जा रही है उनको श्योर करो ठीक है, ऐसे करना है काम. चलो अब इसमें अगले महीने इंश्योर करेंगे अपन इकोनॉमिक्स का भी, कि एक राउंड लग गया इकोनॉमिक्स का फिर बचना नहीं चाहिए कुछ भी ठीक है. The peat swamps forest on the Borneo island. अब देखो ये भी होगा, peat swamps से example दे रहा हूँ Borneo island ना. ये जो आप कह रहे थे different, मैंने एक table दे दी है, इसको देख लेते हैं ठीक है, कि इंडिया में कौन कौन से जैसे moist evergreen forest ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे rainfall 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, more than 20 moist evergreen. ये स्पीसी पूछी हुई थी क्वेश्चन जो आते भी, कौन कौन सी स्पीसी होती है ना, इसको चाहे एवरग्रीन बोल लो, इक्वेटोरियल एवरग्रीन बोलो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलो, मॉइस्ट एवरग्रीन बोलो इन फॉरेस्ट को. तो यहाँ पे महागनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है. महागनी, रोजवुड, बैम्बू, सिनोना, रबर, जैक फ्रूट आया हुआ था, जैक फ्रूट, बीटल नट, पाम, जामुन, मैंगो एंड होलोक, ये सारी स्पीशीज है आपकी मॉइस्ट एवरग्रीन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है. कहाँ कहाँ मिलेंगे इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये तीन है जहाँ पे मॉइस्ट एवरग्रीन मिलते हैं. ये स्पीशीज याद कर लेना, महोगनी, दोनों महोगनी से भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी आ चुका है, जैक फ्रूट से भी आ चुका है ठीक है, और रोजवुड से भी, ये तीनों स्पीशीज आ चुके हैं, करना है इसको अच्छे से. महागनी, रोजवुड, बैम्बू, सिनोना, रबर, जैक फ्रूट, बीटल नट, पाम एंड जामुन, मैंगो एंड होलोक ठीक है. फिर उसके अलावा सेमी एवरग्रीन, तो जहां मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस, मेन स्पीसीज आर व्हाइट सिडार, होलोक एंड केन. तो पूरी एवरग्रीन नहीं है, सेमी एवरग्रीन है, तो हिमालयन रीजन वहां मिलेगा थोड़ा. देखो वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार एंड ईस्टर्न हिमालय की साइड. फिर आओ ड्राई एवरग्रीन ठीक है. अब ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय की वेजिटेशन वो भी डिफरेंट है, तो वो सब इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, वहां कराऊंगा, यहां तो एक आइडिया दे रहा हूं बस आपको मैं ठीक है. ड्राई एवरग्रीन, अब देखो ड्राई एवरग्रीन का आपका यूजुअली है प्रोलॉन्ग हॉट एंड ड्राई सीजन एंड अ कोल्ड विंटर. इसमें क्या होता है, पोमग्रेनेट, ऑरेंज, शिवालिक हिल्स, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक. इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, एक जो ड्राई एवरग्रीन है ना, मे बी इंडिया के टाइम हम देखेंगे, जो तमिलनाडु कोस्ट होती है ना वहाँ पे ड्राई एवरग्रीन मिलता है आपको, क्योंकि रिट्रीटिंग मॉनसून आता है ना, जो वापस आता है मॉनसून, तो वहाँ पे बारिश करते हैं, वो मैं एक बार उससे वहाँ पे कंफर्म करके बताऊंगा आपको. तो इसको हम नोट करेंगे, बट ड्राई एवरग्रीन तमिलनाडु को भी पर लिख लेना वहाँ पे. ट्रॉपिकल डेसिडुअस ठीक है, तो डेसिडुअस ये क्वेश्चन एक तो उस पे आया था इक्वेटोरियल वाले पे एवरग्रीन पे, और दूसरा क्वेश्चन इस पे आया था अगले साल कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस की वेजिटेशन कौन कौन सी है. टीक, साल, सिसम, हुर्रा, महुआ, आमला, सेमूल, कुसुम एंड सैंडलवुड, ये भी याद रखना है, दोनों पे आ चुके क्वेश्चन. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होंगे फुटहिल्स ऑफ हिमालय, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ओडिशा. ड्राई डेसिडुअस ठीक है, तो ड्राई डेसिडुअस और रेनफॉल कम हो जाएगी, रेनफॉल दिखा रखी है 70-100 सेंटीमीटर. तेंदू, पलास, अमलतस, बेल, खैर, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, टेबल एक बार जरूर देखनी है ना. थॉर्नी फॉरेस्ट जहां पे डेजर्ट है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब उस साइड मिलेगा थोड़ा. ट्री कौन से, बबूल, अकेशिया, खैर, खेजरी ठीक है, नीम, पलास. माउंटेन, वेट, टेम्परेट फॉरेस्ट, तो थोड़ा हाइट पे मिल जाएगा, माउंटेन आ गया ना, 150-300 सेंटीमीटर. वेट भी है तो सर रेनफॉल भी अच्छी होगी, इसके नाम से पता चल जाएगा, माउंटेन पे भी है, वेट भी है, टेम्परेट भी है, थोड़ा हाई लैटिट्यूड ठीक है. यूकलिप्टस, रोडोडेंड्रोन, चंपा, कहाँ पे मिलेगा, ईस्ट ऑफ नेपाल इंटू अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी हिल्स एंड हाई रीचेस ऑफ केरला, तो हाइट पे मिल रहे हैं. माउंटेन हो गया, वेट भी हो गया ठीक है ना.
माउंटेन सब ट्रॉपिकल, तो ये थोड़ा नीचे की सब ट्रॉपिकल एरिया, तो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में आ गया, ठीक है, एक्सेप्ट लद्दाख एंड कश्मीर, हिमाचल इधर, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, 100 to 200 centimeters ऑफ रेनफॉल, चिरपाइन इज द मेन ट्री, बट ओक, जामुन एंड रोडोडेंड्रोन ऑल्सो फाउंड, ठीक है। देखो एक इसमें ये बड़ा चलता भी दिखाता हूँ अलग ही। अगला है लिटोरल स्वैम्प्स, तो लिटोरल स्वैम्प कोस्टल रीजन मिलेगा आपको, ठीक है, हाँ, डिफोरेस्टेशन। एक हिमालयन इकोसिस्टम में पाइन और ओक वेजिटेशन चलता है काफी, है ना, तो ये एनवायरमेंट में कराऊंगा। हालांकि पहले जो नेचुरल वेजिटेशन थी वो क्या थी, वहां पे ओक थी, अब ओक को ब्रिटिशर ने उस टाइम पे रिप्लेस कर दिया पाइन से, ठीक है। अब पाइन के दो तीन नुकसान होते हैं, एक तो उसकी लीव्स पतली होती है, तो सीधा जो बारिश का पानी आता है नीचे सॉइल इरोजन करता है, इन्फिल्ट्रेट। दूसरा होता है बहुत वे जो कहते हैं ना बहुत सूखा उसमें निकलता है, तो फॉरेस्ट फायर बहुत कैच करता है पाइन के साथ, तो ये दो तीन दिक्कत थी जो नेचुरल वहां पे चेंज की एनवायरमेंट में डील करेंगे, ठीक है। चलो क्या बाद में बताऊंगा, एनवायरमेंट तो ऐसे बताया, पहले ओक था पाइन में हो गया, तो पाइन देखे। डिफोरेस्टेशन, तो अगेन पहले हमने फॉरेस्ट किया डिफरेंट, है ना, इंडिया की वेजिटेशन देखी, इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट दो तीन आपको याद रखने हैं, एक तो एवरग्रीन जो वो थे आपके मॉइस्ट वाले थे, फिर एक और नीचे ड्राई डेसिडुअस भी थे, ठीक है, और हाँ चार पांच अलग अलग कैटेगरी के, तो एक कौन कौन से, रेनफॉल इतना मैटर नहीं करता, समझ में आ जाएगा, मैंने उनकी वैरायटीज देख लेना, दो तीन क्वेश्चन आ चुका है इंडिकेशन से। डिफोरेस्टेशन डिस्क्राइब एज द रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन टू द पॉइंट वेर इट नो लॉन्गर सस्टेन्स द फॉरेस्ट नेटिव फ्लोरा एंड फाउना। बस दूसरी बात क्या है, आप लोग लिखते हो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, ये थोड़ी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी कि ऐसे पॉइंट तक उसके बाद फिर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा नेटिव फ्लोरा फाउना, इसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, तो एक कंप्लीट डेफिनेशन होगी। इट रेफर्स टू द ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया दैट आर सेक्रीफाइज टू द अदर यूजेस लाइक अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर और माइनिंग ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखो ये मैं दिखाना चाहता हूँ, जब मैंने ऊपर फॉरेस्ट पढ़ा रहा था तो मैंने एफएओ की डेफिनेशन देखी कितना प्रेजेंट है फॉरेस्ट, अब डिफोरेस्टेशन होगा तो मैं ये बताऊंगा कितना फॉरेस्ट कट गया है, तो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा लिखना होता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन। ये क्या कह रहा है, एफएओ ऑफ द यूएन कैलकुलेट्स अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ द फॉरेस्ट आर लॉस्ट ईच ईयर, तो ऐसा नहीं कि अलग से कभी लास्ट में कोई आपको जड़ी बूटी मिलेगी, सारे इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही मिलते जाएंगे। अब डिफोरेस्टेशन का इंट्रोडक्शन हो गया, फॉरेस्ट का हो गया, कल मैंने सॉइल का दे दिया था, तो टॉपिक के साथ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपकी, कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्योंकि प्री के बाद इतना टाइम नहीं हो पाता कि तुम अलग से मेल्स पढ़ोगे, उस टाइम फिर आंसर राइटिंग करनी है, तो अभी साथ साथ कुछ जितनी हो जाए चीजें कर लो साथ साथ ही। द मेन कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक, ये चीजें इसलिए मैं खुद बनाता हूँ, आपसे बनाता हूँ आपको, ताकि एग्जाम में आपको याद रहे बार बार की, केवल लिखना ही नहीं है मेरे को, ऐसे बना के आने बॉक्स कि नेचुरल कॉजेज होंगे, पता सभी आपको कि क्लाइमेट चेंज के कारण, ड्रॉट के कारण डिफोरेस्टेशन हो रहा होगा, ठीक है, फ्लड्स आ जाती हैं, हरिकेन आ जाते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स हो जाती है, कैटल पेस्चर, ठीक है ना, क्योंकि भाई ओवर ग्रेजिंग होती है उससे सारा, ठीक है। और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या, एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, डिमांड फॉर फायरवुड, वुड फॉर इंडस्ट्री एंड कमर्शियल यूज, ओवर ग्रेजिंग, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। चलो एग्रीकल्चर, ये सब तो आपको पता ही है ना, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ डिफोरेस्टेशन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्लियरिंग ऑफ द मोर फॉरेस्ट हो रहे, इसके कारण एग्रीकल्चर मतलब उसमें डिफोरेस्टेशन कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है और आपका डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल भी हो रहा है, फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, बस ये तो आपको पता ही है कि भाई पेड़ काट के एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, स्लैशनमेंट, हम डिफरेंट स्लैशनमेंट नाम भी उनका पढ़ चुके हैं सारों का। अब ये देखना है बस कि कितना एक एरिया, फॉर दिस काइंड ऑफ कल्टिवेशन रफली 5 lakh hectares ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर ईच ईयर, तो ये डेटा आ गया आपके पास, ये डेटा नोट करना है कि लगभग 5 lakh hectares फॉरेस्ट हर साल क्लियर हो रहा है। डिमांड फॉर फायरवुड, इसमें मैंने आपको डेटा दे दिया कि द वर्ल्ड्स नीड फॉर फ्यूल आर मेट बाय और 44% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वुड्स प्रोड्यूस ग्लोबली, बेसिक नीड ऑफ द कंट्रीज पूरेस्ट। अब ये देखो अच्छी बात है, इंडियाज यूजेस अराउंड 135 to 170 million metric tons ऑफ फायरवुड एनुअली एंड 10 to 15 hectares ऑफ फॉरेस्ट आर बींग क्लियर टू सप्लाई द बेसिक फ्यूल नीड्स ऑफ द कंट्रीज पुअर अर्बन एंड रूरल रेजिडेंट्स। क्यों कह रहा हूँ, एक पोर्ट आती है पॉवर्टी इज द क्या कहते हैं ना, पॉवर्टी इज द वर्स्ट पॉल्यूटर, तो गरीबी के कारण पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, अब वो गरीब है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है तब वो पेड़ काट रहा है, तो उसके लिए ये कह रहा हूँ, तो ये क्या कह रहा है, जो पुअरेस्ट लोग हैं चाहे अर्बन एरिया में चाहे रूरल एरिया में, वो फिर पेड़ को क्लियर करते हैं ईंधन के लिए, है ना, तो पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉल्यूटर, ठीक है, तो पॉवर्टी के कारण ही पॉल्यूशन होता है। अगर ऐसा कुछ रिलेशन आया तो अब ये डेटा काम आएगा कि कितना 10 से 15 hectares ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड इन इंडिया,
इस तरीके से डेटा डाल दो और सुधाओ टू मीट द रूरल अर्बन की उनकी नीड्स के लिए। तो जब क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स आते हैं ना उससे रिलेट करके आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें भी कहेंगे पॉवर्टी के कारण क्या क्या हो रहा है ना। तो आप इवन क्लाइमेट चेंज को भी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लिंक करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट से पॉवर्टी के साथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ। अगर वो चीजें का ध्यान रख लोगे तो क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है लाइनें। अरे कर रहे हो इतना लिंक आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है? नहीं ठीक है चलो। वुड फॉर इंडस्ट्री एंड कमर्शियल, कुछ सोच के देखो ना यार, कोई जनरल ऊपर डेफिनेशन में देख लो। फॉरेस्ट में एक डिफोरेस्टेशन, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, वो ही लिखते हैं। एक आपने एक लाइन और ऐड कर दी कि बियॉन्ड उसके रिकवरी के हो रहा है, तो ऐसे ये छोटे छोटे पॉइंट इंप्रूव करेंगे। फिर आपने पॉवर्टी को लिंक कर दिया पॉल्यूशन से, खत्म बात। वुड फॉर इंडस्ट्री एंड कमर्शियल यूज, तो वुड को अलग अलग यूज के लिए करते हैं, ठीक है, मैच बॉक्स, पैकिंग, इन सब के लिए। तो इसके लिए क्या हो रहा है, फिर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वुड काट के पेपर, पल्प। Forest degradation is most caused by the unchecked commercial exploitation of timber and other wood products. For instance, Himalayan, अब देखो even apple के लिए भी जो बाग बाग कैसे बनाएंगे, obviously clear नहीं बनाएंगे, तो ये भी आप case study दे सकते हो। ये case study आ गई कि Himalaya apple industry has caused the extension of fir and other tree species in order to produce the wooden boxes need to carry the apples. ये भी कर लिया सोचो, काट काट के उनका wooden box बनाने के लिए। Similar plywoods, क्रेट्स वर यूज टू प्रोड्यूस द पैकेज, जो कैरेट्स बनते हैं ना, क्रेट्स बनते हैं उसके लिए, फॉर द टी, ठीक है। तो टी की पैकिंग के लिए, एप्पल के लिए, उनके लिए भी पेड़ वेड़ काटे जा रहे हैं। ये आप अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिया और देखो आपने कि उस जगह पे ये हो रहा है। और कई लोग तो मैप बना के आएंगे इंडिया का, ऊपर हिमालय में दिखाएंगे कि यहाँ पे हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट में टी के लिए दिखा देंगे, तो उनका एक नंबर और बढ़िया हो जाएगा। भाई लिख तो सुन तो लिया, उसको ड्रॉ भी कर दो फिर साथ साथ। तो ये एक एडवांस लेवल की चीज हो रही है, तो तुम्हें उठाएगा लेवल ऊपर। डिफोरेस्ट क्वेश्चन सिंपल ही आएगा पेपर थ्री में और वन में, अच्छी बात है क्या है, यूपीएससी में क्वेश्चन सिंपल ही आता है ज्योग्राफी में खासकर और उधर इकोनॉमिक्स में। लेकिन उसमें कौन कितना अच्छा लिख पाएगा वो है ना फिर कंपटीशन। तो भाई डिफोरेस्टेशन थीम है उस पर आएगा क्वेश्चन, लैंड डिग्रेडेशन थीम है उस पर आएगा क्वेश्चन। तो थीम तो तुम्हें पता ही है, अब बच्चे जनरल लिख के आएंगे, तुम स्पेसिफिक लिख के आ रहे हो चीज को, तो उसके नंबर थोड़े ज्यादा आते हैं। इसलिए उनमें क्वेश्चन सिंपल आते हैं, कलाकारी है कि कंटेंट किसका कितना अच्छा प्रेजेंटेबल और किसने काम की बात हिट की है। इंक्लूसिव ग्रोथ आना है यार, जो साल आता है टॉपिक उसमें नहीं बदलते ज्यादा, वन और थ्री स्टैटिक है, टू और फोर में, तो फोर में थोड़ी अपनी एक्सप्रेशन हो जाती है, कई चीजें होती है, टू में थोड़ा करंट का भी आता है, ठीक है, थ्री में भी आता है करंट का, लेकिन थीम वही रहती है लगभग। तो उसमें तुम्हारी अब देखो कितनी अच्छी है ये, देखो ये भी लिखाएगा कि भाई उसने ये भी बता दिया कि डिफोरेस्टेशन का रीजन स्पेशल एंगल से हिमाचल में ये हो रहा है टी और उसके एप्पल के लिए, अच्छा हो गया काम अपना कुछ, ठीक है, ऊपर आपने डेटा दे दिया था। इस तरीके से करना चाहिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में कर रहा हूँ सारी चीज़ आपको। अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ना, तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स, डैम, इनके कारण भी आपका क्लियर होता है फॉरेस्टिंग। कई लोग फिर वो भी कर सकते हैं, इनको बोलते हैं जो स्ट्रेट लाइन में प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे रेलवेज हो गया, पावर ट्रांसमिशन लाइन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण भी फॉरेस्ट कई बार क्लियर करना पड़ता है, ठीक है ना। कई बार कैनाल भी बनाते हैं उसके कारण भी। ओवर ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग विच लीड्स टू द वाइड स्प्रेड डिटेरियरेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट इफ नॉट आउटराइट इरेडिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट। According to WWF, the annual release of 3.4 of the world's current carbon emission is into the atmosphere is caused by livestock related deforestation. तो ये बताया आपने कि कैसे grazing से भी कितना आपका forest deteriorate हो रहा है, एक data और दे दिया। Consequence क्या होंगे इसके भाई, जब forest erode होंगे तो आपका soil erosion होगा, flash floods आएंगी, ठीक है। In addition to preventing landslide and erosion, forest also lessen the severity of floods and droughts. अब देखो, according to Gadgil और Kasturirangan Committee on the Western Ghats, deforestation has compounding impacts on the Western Ghats, which are one of the most crucial bio. Again, आपने सबने पढ़ा है, दो कमेटीज बनी थी, एक तो Kasturirangan Committee और दूसरा माधव Gadgil Committee. तो Gadgil Committee, Kasturirangan Committee, आपको पता है उन्होंने destruction के बारे में बताया, तो लास्ट में कंक्लूड कर दो भाई, मैं नहीं कह रहा, वो कमेटी कह रही थी कि उसके अगर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो जो वेस्टर्न घाट जैसा इकोसिस्टम है उसके इको क्या करेगा, काफी उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, इसी बात, ठीक है। बाकी पढ़ लेना, इसमें कोई सिंपल बात है सारी, बस पॉइंट पॉइंट देखना मेरे को। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, पेड़ कटेंगे, ठीक है, CO2 ऑब्वियसली सिंक, कार्बन सिंक कम हो रहा है ना, पेड़ों को कार्बन सिंक कहते हैं, सिंक कम होगा, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगी, तो सब क्लाइमेट चेंज में होगा सारी बात, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जब उनका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी, जो फूड फ्यूल जो लोगों को मिल रहा था उन पे, तो लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगी, ठीक है। ओजोन लेयर पे भी दिक्कत पड़ती है, डिफोरेस्टेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द ऑक्सीजन साइकिल, तो मैंने कहा ना ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगी,
कम होगी ना, फॉरेस्ट कम, ऑक्सीजन कम बढ़ी, तो फिर वो ऑक्सीजन साइकिल पे इंपैक्ट होके ओजोन लेयर, अब ये प्री का पॉइंट हो गया। मतलब बहुत कम बच्चे सोच पाएंगे कि डिफॉरेस्टेशन का ओजोन पे इंपैक्ट, हालांकि कई लगाने वाले लगाएंगे है ना, लेकिन ठीक है उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन साइकिल पे इंपैक्ट होता है, एज द अर्थ ओजोन लेयर नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव, O3 होता है ना तो ऑक्सीजन जी होता है, तो ऑक्सीजन साइकिल पे इंपैक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन के कारण, तो ओजोन लेयर पे भी इंपैक्ट होगा, तो वहां पे 1, 2, 3, 4 पॉइंट में ओजोन लेयर का भी इंपैक्ट था, तो आपको करके आना है, इंपैक्ट होगा बिकॉज इट इंपैक्ट्स द ऑक्सीजन साइकिल, ये रीजनिंग होगी इसकी। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा अलग से ऐड किया मैंने इसको, तो समझ रहे हो, एक बेसिक से टॉपिक्स के अंदर भी कैसे अपने को जान डालनी है, वो चीज करनी है अपने को, टॉपिक वही है बेसिक, उसमें दो तीन चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई, वो जान है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, उनको याद रखना बस आपको, बेसिक तो आप कर लोगे है ना। अब इन्हीं को दिखा दिया भाई, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होएगा, सॉइल इरोजन होएगा, ओजोन लेयर पे इंपैक्ट पड़ेगा, फोटो से आपको याद रह जाएगा, वाइल्ड लाइफ पे इंपैक्ट पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी पे, ओशन एसिडिफिकेशन होगा, क्योंकि जब CO2 ज्यादा होगी तो क्या होता है, ओशन एब्जॉर्ब करता है CO2, और ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द ओशन, तो ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ जाएगा और ड्रॉट्स होंगे, ये सब हो गए आपके इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। एक और कोई बच्चा समझदार होगा और ज्यादा मेहनत करेगा, वो वर्ल्ड मैप बना के दिखा देगा कि सर यहाँ यहाँ पे हो रहा है सबसे ज्यादा मेजर डिफॉरेस्टेशन, तो जो रेड एरिया है कम से कम उनको जरूर दिखा देना, तो अमेजोन में होगा देखोगा यहाँ पे हो गया, ये आपका सेंट्रल, क्योंकि मोस्टली क्या है, एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल है एवरग्रीन, तो वहीं पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, ये देखो, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है प्लांटेशन के लिए, वेजिटेशन उन सब के लिए, तो ये सारा रीजन दिखाना रेड पे, जो कि क्या है सबसे ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क पे है रेड वाला, इनको जरूर दिखा देना। उसके सराउंड करता हुआ फिर और थोड़ा देखो, उसके सराउंड ही ऑरेंज वाला है ना, तो ऐसे इंटेंसिटी कम हो रही, कुछ कुछ एरिया दिखा देना, कोई क्रॉस दिखा देना, कोई डॉट्स दिखा देना कि ये हाईली इंपैक्टेड है, ये मीडियमली इंपैक्टेड है, लो, तीन लेवल में दिखा देना, ये आपको ऐसे हेल्प कर देगा डिफॉरेस्टेशन के अंदर। तो अगेन एक एडवांटेज और आ गई, मैप बना दिया वर्ल्ड लेवल पे, अगर पेपर 1 में आ रहा है जो GS में, ठीक है ना, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये दिखा रखे ऊपर डायग्राम, ये है। अब कंजर्वेशन मेजर कैसे करेंगे, पहली बात तो जो भी बिजनेस के लिए रूथलेस कटिंग हो रही है उन सबको रोको, गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आए, ठीक है ना, दिस टास्क कैन बी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लेके आए उससे पब्लिक इंटरेस्ट में। थर्ड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें हम देखेंगे चिपको मूवमेंट का एग्जाम्पल, सबको पता ही चिपको मूवमेंट का एग्जाम्पल है ना, जहाँ पे क्या हुआ था, जब कॉन्ट्रैक्टर्स पेड़ काटने आए थे तो वीमेन दे हक द ट्रीज ताकि उनको काट बस, वो एग्जाम्पल है, तो चिपको मूवमेंट हो गया, बस ये बताओ ना जी कब हुआ था, द लैंडमार्क इवेंट इन द स्ट्रगल टुक प्लेस इन द मार्च 26, 1974 व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीजेंट वुमेन इन द रेनी विलेज, ठीक है, हेमलवती घाटी इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट और ये गांव याद रख लेना, उत्तराखंड, इंडिया एक्टेड टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड रिक्लेम द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स, तो अपने ट्रेडिशनल राइट्स को रिक्लेम किया और प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज। मैं इसलिए करवा रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये लिखो आप चिपको मूवमेंट, वो पूछेगा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शो करो, या फिर कैसे एनवायरमेंट मूवमेंट्स ने इन्फ्लुएंस किया बाकी मूवमेंट्स को, चिपको मूवमेंट ने या बाकी अर्ली 1970s की ऐसे डालते हैं वो कि 1970 जो एनवायरमेंटलिज्म था दैट इन्फ्लुएंस्ड करंट डे, आज तक भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसके आगे आप उसको कनेक्ट करोगे भाई, इससे इन्फ्लुएंस होकर छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने किया है, इससे इन्फ्लुएंस होकर कर्नाटका भी लोगों ने किया है, तो ऐसे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे मेंस के आंसर के अंदर, तब बेस पता होगा तभी आप करोगे। तो चिपको मूवमेंट ने इन्फ्लुएंस किया बाकी और मूवमेंट्स को इंडिया के अंदर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, ठीक है ना, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एग्जांपल आया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में, तब डाल देना, वैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आया तब भी आप चिपको मूवमेंट डाल सकते हो, और उसके बाद ये जो ये तो चिपको तो आपको कराई दिया मैंने चिपको मूवमेंट, ठीक है, देखो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि देयर एक्शन इंस्पायर्ड हंड्रेड्स ऑफ सच एक्शंस एट द ग्रास रूट लेवल थ्रू आउट द रीजन, बाय 1980s मूवमेंट हैड स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पीपल सेंसिटिव फॉरेस्ट पॉलिसीज विच हैज, तो ये भी बता सकते हो कि कैसे फॉरेस्ट पॉलिसी इवोल्यूशन में लोगों का रोल हो गया, ये भी देखिए हर लाइन, ठीक है, विच हैज पुट स्टॉप टू द ओपन फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द रीजन एज फार रीचिंग इन द विंध्यास एंड वेस्टर्न घाट्स, तो वहां तक इसका इंपैक्ट पड़ा है, कहां पे होता है चिपको मूवमेंट, चमोली डिस्ट्रिक्ट रेनी विलेज है ना, ठीक है। अब देखो केस स्टडी छत्तीसगढ़ की है, रिक्रिएट चिपको मूवमेंट टू सेव हसदेव अरण्य, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, ठीक है ना, हसदेव पता है ना छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, रिवर भी है, पढ़ाऊंगा सारी। Women in the Surajpur district in Chhattisgarh recreated Chipko movement when activists claimed that more than 2 lakh trees spread across 841 hectares of the forest will be chopped down for the mining projects planned in the area. The authorities went back during the day when they saw the local community protesting. तो वहां पे भी लगभग 2 लाख ट्रीज काटे जाने थे तो लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट करके इनको बचा लिया। एक एग्जाम्पल और होगा आपका हसदेव वाला, हसदेव फॉरेस्ट का छत्तीसगढ़ के अंदर।
और हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल डिफोरेस्टेशन को, सर्कुलर इकोनॉमी को करो प्रोड्यूस। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही कम होगी तो आप कम ही ना उसी को रीयूज कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, तो ये सब चीजें जब आप कर लोगे, रिफ्यूज करोगे, पहले यूज ही कम करोगे, रिफॉर्म करोगे, कुछ डिजाइन से एफिशिएंसी जनरेट कर लोगे कम ताकि मटेरियल यूज हो, ठीक है, रिड्यूस करोगे अपने कंजप्शन को, रीयूज कर लिया उसी को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेस्ट कम जनरेट होगा और वो जो जनरेट हो रहा है उसको हम वापस रीयूज कर पाएंगे, तो फिर उससे क्या होगा आपकी डिमांड कम होगी चीजों की और फिर कम पेड़ कटे जाएंगे। ये एक तरीका है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल से चल भी रहा है ना, गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, तो मे बी पेपर 3 में पूछ सकता है सर्कुलर इकोनॉमी, पता कुछ नहीं चलता, पेपर 1 के अंदर पूछ लेगा, यूज तो आप कहीं भी कर, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको बोलते हैं फोडर मटेरियल, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो सर्कुलर इकोनॉमी, है ना, ग्रीन जीडीपी, इनको पता होना चाहिए आपको ये। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, अच्छा नहीं टॉपिक नहीं, उसी के अंदर है, और कैसे एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन प्रमोट करोगे, सोशल फॉरेस्ट्री से अर्बन फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट, ये हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन कैंप एक्ट है जो, है ना, हाँ, इंडस्ट्रीज अगर आपने कहीं डिस्ट्रॉय किया तो आपको कंपेंसेटरी फॉरेस्ट लगाना है, तो दैट इज कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन। माइनिंग एजेंसीज, अगर कोई इंडस्ट्री है माइनिंग कर रहा है, उन्होंने जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, तो दे हैव टू कंपनसेट बाय रीप्लांटिंग द ट्री, रीफॉरेस्टेशन करके, ठीक है, कौन सा एक्ट है, कैंप एक्ट, ठीक है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट जो है। ये लास्ट में आपका कंक्लूजन, वी कैन मेक अ डिफरेंस बाय अडॉप्टिंग प्रिवेंटिव स्टेप्स सच एज लोअरिंग अवर डिमांड, वही सर्कुलर इकोनॉमी आ गया कि डिमांड को कम करें, ठीक है, फ्रॉम इलीगली हार्वेस्टेड वुड, पिकिंग अप वुड आइटम्स प्रोड्यूस एथिकली एंड सपोर्टिंग रिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी, टुगेदर वी कैन डू, ठीक है, जिसमें हम कम्युनिटी एफर्ट्स दिखा सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक भी हमारा कवर हो गया, दैट इज योर फॉरेस्ट। थर्ड टॉपिक करेंगे बायोम्स। बायोम्स इंपॉर्टेंट है हर एक बेसिक, देखो तो आपको पता ही, अभी फिगर देखकर समझ में आ जाएगा आपको, तो एक बार दिमाग में बिठा लेना कौन कौन से बायोम कहाँ पे, फिर उसमें हम सेट करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे फ्रेमवर्क, फिर उसमें डालेंगे फिलर्स, क्या क्या फिलर्स है। तो देखो बायोम में अभी तक ये तो चलो पहले बता देता हूँ, स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट डाल दिया मैंने। द वर्ड बायोम वाज सजेस्टेड बाय एन इकोलॉजिस्ट, नाम क्या था इनका, फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स, ये याद रखना है। तो बायोम जो टर्म है उससे सर्च की थी फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स इन 1916। अब बायोम इज अ रीजन ऑफ द प्लांट सर्फेस दैट मे बी आइडेंटिफाई विद द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इनहेबिटेड। अब बायोम में हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई एरिया है तो वहां पे कौन कौन से फ्लोरा है, क्या फाउना है, ठीक है, और वो बायोम डेवलप कैसे होता है उसके मांगे टेम्परेचर से, रेनफॉल से और सॉइल कंडीशन से। तो 5 चीज जरूर याद रखनी है बायोम के अंदर, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल कैसी है वहां पे, और थर्ड फोर्थ क्या था, फ्लोरा एंड फाउना, ये दो बातें लिखी इसके अंदर, टेम्परेचर, सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ लाइट, सनलाइट हो गया, ठीक है ना, एंड द वॉटर हेल्प्स टू डिटरमाइन बट लाइफ एग्जिस्ट इन द बायोम। तो जो वहां पे टेम्परेचर है, जो रेनफॉल है, जो सॉइल है, वही डिटरमाइन करेगी कैसी वेजिटेशन होगी, कैसी वहां पे लाइफ होगी। तो ये 3 फैक्टर से होता है आपका बायोम जनरेट। और बायोम में हम क्या पढ़ेंगे, कैसा वहां फ्लोरा, कैसा फाउना है, कैसे प्लांट से, कैसे एनिमल्स है। बायोम मूव एज द क्लाइमेट चेंजेस, तो अगर आज कुछ क्लाइमेट है तो यहाँ पे लाइफ कुछ और होगी, अगर कल वहां पे क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ और क्लाइमेट होगा, तो लाइफ फिर चेंज हो जाएगी। तो बायोम चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट। ये बता रहा है कैसे सारा में, नॉर्थ अफ्रीका में जो सारा है डेजर्ट है, वहां पे कैसे जब एक टाइम पे पानी होता था, नदियां होती, तो वहां पे हिपोपोटामस मिलते थे, तो अब तो कहां डेजर्ट में हिपोपोटामस मिलेगा। तो देखो 10,000 ईयर्स अगो द नॉर्थ अफ्रीका वर लश लैंडस्केप कट फ्लोइंग बाय द फ्लोइंग रिवर्स, हिप्पोस, जिराफ्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव्ड अमिड अबंडेंट ट्रीज, ग्रेजुअली द क्लाइमेट ड्राइड अप एंड टुडे दिस रीजन इज अ पार्ट ऑफ द सारा डेजर्ट। तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ वहां पे, वैसे ही वहां पे आपका फ्लोरा फाउना भी चेंज हो गया, तो बायोम भी चेंज हो जाता है डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। ये देखो बस ये फिर दिमाग में रखना है, काम हो जाएगा बायोम का। तो ये इधर क्या है, वेटनेस, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, ये एक फिगर ढंग से, तो फ्रेमवर्क अगर दिमाग में बैठ गया ढंग से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या है, वेटनेस, तो यहां पे मानो क्या है आपकी बारिश, ठीक है, इधर क्या है आपका ड्राई हो रहा है, इधर से बारिश कम होगी इधर, और इधर क्या हो रहा है आपका सूरज है, ठीक है, और ऊपर बढ़ेंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो बारिश ज्यादा है और सूरज भी है यहाँ पे, तो जब बारिश ज्यादा है, सूरज ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब सूरज तो ज्यादा, मतलब टेम्परेचर तो ज्यादा ही है, ये उस पूरी लाइन में टेम्परेचर ज्यादा है, पर धीरे धीरे बारिश कम होती जा रही है। अब हम इस तरह बढ़ेंगे तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से अगला बायोम कौन सा आएगा, ट्रॉपिकल डेसीडुअस रेन फॉरेस्ट, क्या होता है डेसीडुअस, मैंने ऊपर बताया था वेजिटेशन में याद रखना है अपने को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन कौन सी है इंडिया में, डेसीडुअस कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सवाना, फिर अगला बायोम कौन सा आएगा, सवाना।
तो आप कुछ सोचो, जब आपने इसका याद रख लिया कि भाई 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, इसमें 150 कर देना, इसमें 50 कर देना, मतलब 170 कर देना, थोड़ा और कम कर देना, इसमें बिल्कुल 50 से 25 कर देना, तो फिर तो आप कर ही लोगे ना मैनेज। आपको एक याद करना है, इसमें अगर टेम्परेचर यहाँ पे आप बता रहे हो इस एरिया में लगभग 25 से 40 ऊपर कम कर देना, 15 से 20 कर देना, थोड़ा एक आइडिया से लगाना होता है, एग्जैक्ट कोई नहीं लिखा रहा टेम्परेचर आपसे, बस एक आइडिया लग जाएगा अपने को कि इस एरिया में इस रेंज में आएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बाद और कम होगी बारिश तो कौन सा आएगा आपका, सवाना, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ऊपर टेम्परेचर तो लगाएंगे, ट्रॉपिकल ही चल रहा है सारा, पर सवाना के बाद अगला कौन सा आता है आपका, लास्ट में डेजर्ट आता है, बस ठीक है। फिर अगर ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है, तो हम कौन से रीजन में आ गए, ट्रॉपिकल के बाद आ गए हम टेम्परेट रीजन में, तो इधर बारिश कम है थोड़ी, ठीक है, मतलब ज्यादा है, तो इधर कौन सा होगा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर डेसिडुअस के बाद क्या होंगे, ग्रासलैंड आएंगे, और बारिश कम होगी, यहाँ बारिश ज्यादा है उसके बाद कम होगी बारिश, तो प्रेरी या फिर स्टेपी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टिनेंट, है ना भाई, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी है और यूरोप में स्टेपी आ जाएगा, और मैंने बताया था प्रेरी में घास ज्यादा बड़ी होती है कंपेयर टू द स्टेपी, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि और कम होगी आपकी बारिश। फिर ऊपर जाएंगे तो बोरियल या फिर टाइगा बोल लो इसको, ठीक है, और ऊपर जा रहे हैं लैटिट्यूड में तो टुंड्रा और फिर पोलर, तो ऐसे बायोम याद रहेंगे आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, सवाना, ग्रासलैंड और वार्म डेजर्ट। फिर आ जाओ टेम्परेट डेसिडुअस या ग्रासलैंड वाला आ गया स्टेपी, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, फिर आपका कोल्ड डेजर्ट, फिर टाइगा, टुंड्रा, पोलर, ये दूसरा तरीका यही है। यहाँ पे भी क्या है आपका, अगर देखो रेनफॉल, तो रेनफॉल ज्यादा है और ये टेम्परेचर ज्यादा है, तो कौन सा मिल रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेनफॉल कम कर दो और टेम्परेचर बढ़ा दो तो कौन सा मिलेगा, डेजर्ट। कहीं भी देख लो आप, रेनफॉल कम कर दो, टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो, कॉनिफेरस, टेम्परेचर और कम कर दो आपका, सॉरी बढ़ा दो तो टेम्परेट है, और कम कर देंगे कॉनिफेरस आ गया, और कम कर दो टेम्परेचर आर्कटिक आ गया, भाई नीचे टेम्परेचर कम हो रहा है इधर, तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है ना। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, अब तो फटाफट निकल जाएंगे, आपका आइडिया हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो एक यही बेल्ट है ना, इक्वेटर से आपका 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, याद रखना है। तो यहां पे अमेजोन फॉरेस्ट हो गया, ये कोंगो बेसिन हो गया आपका, ये इंडो मलाय पेनिनसुला एरिया हो गया, ठीक है, तो बस 10 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के 10 डिग्री साउथ, और इसको ऑप्टिमम बायोम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्टिमम बायोम क्यों बोलते हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ पे सफिशियंट रेनफॉल है, सफिशियंट सनलाइट है, उससे क्या होता है, बहुत डाइवर्सिटी होती है वेजिटेशन की भी और एनिमल्स की भी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम बायोम बिकॉज ऑफ द हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, अमेजोन बेसिन, कोंगो बेसिन और इंडो मलेशिया रीजन, याद रखना बस, एवरेज रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर, ठीक है, टेम्परेचर 20 से ज्यादा रहेगा। सॉइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इट्स क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बायोम, हम क्या पढ़ेंगे, फ्लोरा पढ़ेंगे, फाउना पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, रेनफॉल पढ़ेंगे और सॉइल पढ़ेंगे, पांच चीजें ढंग से पढ़ेंगे। इट इज रेडिश इन कलर ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट, तो यहाँ पे आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है इसलिए रेडिश कलर होती है आपकी। कौन सी सॉल बताई थी मैंने कल, ऑक्सीसॉल, है ना, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द सॉइल इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे सॉइल क्या रहती है, डेफिशिएंट रहती है न्यूट्रिएंट्स में बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो वॉश हो जाते हैं बाय द हैवी रेनफॉल, दैट्स इट। न्यूट्रिएंट्स आर क्विकली फ्लश्ड आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हॉट मॉइस्ट एटमोस्फेयर एंड ऑल द डेड पार्टिकल प्लांट मटेरियल क्रिएट द परफेक्ट कंडीशन इन विच द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव, दिस कैन लीड टू द रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ लीफ मैटर। ये देखो जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, आपके इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो यहां पे मान लो लीफ होगी तो सरफेस के ऊपर पेड़ से काफी लीफ तो आई है ना, क्योंकि ग्रीन है, ठीक है, और या कुछ मान लो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्टिविटी इतनी होती है, जैसे वो नीचे आते हैं डिकम्पोज करके खा जाते हैं उसको सारा, तो लीफ लिटर मिलता नहीं है ग्राउंड के ऊपर। यही कहना चाह रहा है कि इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम्स हॉट एंड मॉइस्ट एटमोस्फेयर एंड ऑल द डेड प्लांट, जो भी प्लांट डेड प्लांट गिरा नीचे, ठीक है, मटेरियल क्रिएट द परफेक्ट कंडीशन इन विच बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, दिस लीड टू द रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ द लीफ लिटर मटेरियल, जो भी लीफ मटेरियल डेड प्लांट नीचे गिरता है उसको फटाफट उसको डिकम्पोज करके साफ कर देते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ काफी ज्यादा है यहाँ पे, बैक्टीरिया नीचे काफी ज्यादा है, ठीक है। और दूसरे का याद रखना था, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे कैन वॉश अवे बाय द हैवी रेनफॉल, तो जो सॉइल होती है दैट इज पुअर इन द न्यूट्रिएंट, दो बातें इसमें याद रखनी है सॉइल की।
स्पीशीज कैसे मिलेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज, देर इज अ वाइड रेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ द प्लांट्स, काफी अलग अलग स्पीशीज मिलती है यहाँ पे, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द ट्री, तो यहाँ पे ट्री बहुत मिलेंगे, ग्रास नहीं मिलती, ट्री ज्यादा मिलती है. ठीक है, तो ये बड़ी याद रखना है, वहां पे लाइन आई थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द ट्री, तो ट्री सबसे ज्यादा मिलते हैं. देयर डाइवर्सिटी इज सो हाई दैट 400 to 100 ट्री स्पीशीज कैन बी फाउंड इन 1 हेक्टेयर ऑफ द लैंड इन द इक्वेटोरियल रीजन. ठीक है, तो एक मतलब हेक्टेयर है, चलो 40 to 100 डिफरेंट वैरायटी मिल जाएंगे ट्री की, ट्री की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे. देयर आर क्लाइंबर स्पीशीज ऑफ द ट्री इन द बायोम विच इज आर एज फॉलोस. दूसरा क्या याद रखना है आपको, पहले तो ट्री है, दूसरा क्या है क्लाइंबर्स, तो अलग अलग टाइप के क्लाइंबर्स हैं. पहला बोलते हैं लियानास, ये क्वेश्चन भी आ चुका है. दूसरे होते हैं एफिफाइट्स, तो ये पूछते हैं कहां पे क्या है. ठीक है ना, द लॉन्ग वुडी क्लाइंबर ऐसे मिलेंगे जिसपे मोगली घूमता है. ठीक है ना, टारजन और मोगली, ये वाले लंबे लंबे, वो तो ये क्या होते हैं आपके पेड़ के साथ ट्रंक पे लगे रहते हैं. ठीक है ना, लॉन्ग वुडी क्लाइंबर्स नोन एज लियानास, दीज आर वुडी वाइन्स दैट हैव अंडरग्राउंड रूट्स येट दे असेंड टू द ट्रीज टू द सन. अब क्या होता है देखो, दो टाइप के होते हैं, देयर ब्लॉसम्स एंड दूसरे, ये जो है ना आपका पेड़ है, तो इनकी मान लो अंडरग्राउंड रूट्स तो अंडरग्राउंड होगी, पर पेड़ के ऐसे लग के ऊपर तक जाते हैं ताकि सन के लिए, और जो इनके फ्लावरिंग होती है ब्लॉसम्स होते हैं वो ऊपर ही होते हैं कैनेपी में. और दूसरे जो आपके होते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके एपिफाइट्स, उनकी जो रूट्स वो तो क्या होते हैं ट्रंक के ऊपर ही रहते हैं, इनकी तो नीचे थी पर ये क्लाइंब करके ऊपर से लगे, दे आर नोन एज लियानास. और दूसरे वाले जो ट्रंक के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं एपिफाइट्स, और दोनों है क्लाइंबर्स ही. ये देखो एफिफाइट्स, देखा आपको, बस यहाँ पे स्टार्ट हुआ यहीं पे लग गया, ये एफिफाइट्स है. तो एफिफाइट्स विच डू नॉट हैव देयर रूट्स इन द ग्राउंड सरफेस, रादर दीज आर इवॉल्व्ड ऑन द ट्रंक स्टेम्स ब्रांचेस ऑफ द ट्री. वो ये नहीं पूछेगा कौन क्या हो रहा है, वो ये पूछेगा कि एफिफाइट्स लियानास कौन से इको बायो में मिलते हैं, आपको बता दीजिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये बताना चाहिए, इसलिए मैं टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. वाली प्लांट स्पीशीज हैव ऑल्सो एडेप्टेड टू द रेन फॉरेस्ट कंडीशन सच एज ट्रीज, प्लांट्स विद द शैलो रीचिंग रूट्स दैट टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल्स थिन फर्टाइल. ऊपर की थोड़ी सी लेयर, नीचे मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते नहीं है, तो जो रूट्स होती है वो ज्यादा क्या होती है डीप नहीं होती. तो एक बात देखो ये भी ध्यान रखना है, जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे जो रूट्स होंगी वो जैसे ट्री है ना, तो बहुत ब्रॉड रूट्स होंगी ऐसे, मतलब जो ट्रंक होगा फैला होगा, डीप ज्यादा नहीं होती रूट्स. ठीक है, क्योंकि पानी इनको ऊपर ही मिल जाता है. और जो डेजर्ट होगा वहां पे क्या होंगी टैप रूट्स, रूट्स बहुत नीचे रहती है, ज्यादा फैली नहीं होती, ये भी डिफरेंस है ना. तो इक्वेटोरियल रीजन में इसलिए लंबरिंग पॉसिबल नहीं पाती, बहुत बड़े बड़े ट्रंक होते हैं, छोटे छोटे काटना मुश्किल होता है, गाड़ी ले जाना मुश्किल होता है, ये भी रीजन है. ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं रूट्स, काफी ज्यादा डीप नहीं है और वाइड है ट्रंक पूरा, और यहाँ पे क्या डेजर्ट में क्या आपकी डीप रूट्स होती है ताकि पानी नीचे है, नीचे रहे. तो क्लाइमेट प्लांट्स कैसे अडेप्ट करते हैं, डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट. देखो ट्री ट्रंक्स दीज आर टॉल एंड स्लेंडर सो दैट दे कैन, और काफी टॉल और लंबे होंगे ट्रंक्स, पे ऊपर तक ऐसे जाएंगे लंबे, स्लेंडर और टॉल, क्योंकि सनलाइट ऊपर जानी है ना, ऊपर आते हैं यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती है, भी दिखाऊंगा आपको. तो ट्रंक्स होंगे ट्री के क्या होंगे स्लेंडर पतले और ऊपर तक लंबे, रूट से होंगे ज्यादा डीप नहीं होंगी. ये देखो नंबर ऑफ लेयर्स होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टिपिकली नंबर ऑफ लेयर ईच विद द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एडेप्टेड फॉर द लाइफ इन द पर्टिकुलर रीजन. इसीलिए यहाँ पे फ्लोरा की लाइफ भी डाइवर्सिटी ज्यादा है, फाउना की भी, क्यों, अलग अलग लेयर पे अलग अलग एनिमल मिलेंगे, अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे. तो अगर बात करें सबसे ऊपर क्या मिलते हैं, इमरजेंट ट्रीज हो गए सबसे ऊपर वाले, फिर कैनपी वाले हो गए, ठीक है, फिर आपके अंडर कैनपी हो गए, फिर सब लेयर हो गया या ग्राउंड पे होते हैं. तो अलग अलग तीन चार लेयर होती है ट्रीज की, कुछ नीचे होंगे फिर उससे ऊपर होंगे फिर उससे ऊपर होंगे फिर उससे ऊपर होंगे, तो यहाँ पे तीन चार लेयर मिलती है. तो अलग अलग ट्रीज हो गए, उनपे अलग अलग एनिमल्स भी होते हैं, फाउना भी अलग अलग होता है, तो इसलिए एनिमल की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. एग्जाम्पल इंक्लूड इमरजेंट कैनपी अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट ऑन द फ्लोर, तो ये सारे डिफरेंट आपके लेयर्स में होंगे फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में फॉरेस्ट कैसा होता है आपका लेयरिंग में. फाउना एग्जाम्पल चिंपांजी, गोरिल्ला, बाइसन, अफ्रीकन एलिफेंट, देयर इज अ रेगुलर एंड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ अबंडेंट फूड फॉर द एनिमल्स विच रिजल्ट दैट दे डोंट हैव टू माइग्रेट फॉर द फूड. ऑलरेडी इतना न्यूट्रिशन है वहां पे, क्यों माइग्रेट करेंगे, वो बंदर को खूब मिलता है खाने का, खूब खाते हैं वहां पे आराम से. ठीक है ना, तो ये एक अच्छी लाइन आ जाएगी वहां पे. सवाना में माइग्रेट करते हैं, हार्श कंडीशन है, कभी यहाँ पे जाना कभी वहां करना, इनको कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाते रहते हैं ना, तो ये अच्छी बाकी वहां पे लाइन आ जाएगी ट्रॉपिकल एवरग्रीन में एनिमल्स माइग्रेट, तो माइग्रेट नहीं करते वो, और प्लांट्स करते हैं माइग्रेट.
ट्रॉपिकल में तो करते होंगे, कहीं नहीं करते, कहीं तो करते होंगे प्लांट्स माइग्रेट। मतलब वो ऐसे एक्सेप्शन बोल रहे, लेकिन जनरली बताया होता है प्लांट्स तो स्टेबल होते हैं ना, प्लांट्स कभी माइग्रेट थोड़ी करेंगे, तो मैं उस सेंस से पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। चलो वो तो कुछ, लेकिन प्लांट्स माइग्रेट नहीं करते यार, ठीक है। देर इज अ रेगुलर कन्वर्शन, ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट। ये वही बता रहे हैं कि हर एक लेयर पे अलग कम्युनिटी डेवलप होती है ना, तो इसलिए काफी डाइवर्सिटी है उसके अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी। ये देखो एक और, ग्राउंड एनिमल्स इंक्लूड्स हिडन स्मॉल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ग्रुप ऑफ क्रिप्टोजोइक। ये बात है, अब वहां पे टर्म आ जाएगी क्रिप्टोजोइक, तो आप तो फिर वहां पे बस इतना ही लिखा होगा, क्रिप्टोजोइक एनिमल्स आर या ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एल्पाइन, ग्लेशियल, चार पांच लिखा होगा, बस इतना पकड़ना भाई यहाँ पे होता है। तो जो मैंने बताया था बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स जो आपके इंसेक्ट्स कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड के ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं। ग्राउंड एनिमल्स इंक्लूड्स हिडन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जो कि मान लो किसी लीफ लिटर के अंदर या प्लांट डिके मटेरियल उसके नीचे छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, जैसे मान लो कोई पत्ता है उसके नीचे बैठे हैं, ट्रंक का कोई टुकड़ा गिर गया, ऐसे उनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजोइक ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स। सच ऑर्गेनिजम्स लीव बीनीथ स्टोन लॉग्स डेड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पार्ट्स ऑफ ट्रीज लीटर्स ऑफ लीव्स एक्सेट्रा, क्रिप्टोजोइक। जैसे एनवायरमेंट क्लास हमने उस टाइम पहले भी किया था, सर ने करवाया था, ट्वाइलाइट वाले एनिमल्स को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी से कुछ था ना वो भी। तो इस तरीके से टर्म याद रख ली अपने को, तो ये क्या हो गया, क्रिप्टोजोइक का मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा आई होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, द हाइएस्ट ऑफ ऑल द बायोम टाइप्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट हैज जस्ट 13% इन द एरिया एंड अकाउंट फॉर 40% ऑफ द टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है ना, वो क्या है, इसकी बहुत हाई है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। क्रेपस्कुलर है ना वो, इसी से याद, ऐसे बस याद होना चाहिए, जिनको ट्वाइलाइट के टाइम पे दिखता है ना, रात के टाइम पे, और ठीक है, मतलब ट्वाइलाइट समझ गए ना बिल्कुल, जहाँ पे दिन डल रहा है और रात स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे दिखता है, जैसे एग्जाम्पल है टाइगर, क्रेपस्कुलर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था आपका, क्रिप्टोजोइक, जो इक्वेटोरियल में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बस इतना याद रखना टर्म्स। तो उस टाइम वहां पे एग्जाम भी नहीं लगे, कहां से आ गया यार ये, तो ये बस वहां पे, क्योंकि जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ना उसके ऑप्शन सीधे आते हैं, ये अच्छी बात होती है, जिसको पता वो कर लेता है, वो खुश हो जाता है। क्योंकि जब मिवाकी आया था तो जब किसको अर्बन फॉरेस्ट में था वो खुश था, दो नंबर आ गए थे बहुत बढ़िया, वो इतना ही सिंपल था। जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा ऑप्शन सीधे आ जाएंगे इसके। अब जब बात करेगा रिवर की तो ऐसे डालेगा कि झेलम यहाँ से गई वहां से गई, तो वैसे जब सुना हुआ टॉपिक आएगा तो ऑप्शन डिफिकल्ट आते हैं, जब टॉपिक सुना हुआ नहीं आता तो ऑप्शन सीधा आते हैं, ठीक है। ये इसके डिफरेंट ह्यूमन इंटरेक्शन है ना, ह्यूमन, क्योंकि मैंने आपको बताया मैक्सिमम डिफोरेस्टेशन हम कहां देख रहे थे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में दिखाया था ना, जहां पे रेड रेड था, कॉन्गो बेसिन के अंदर, इंडो मलाशिया रीजन में, अमेजोन, तो यहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेटिव है ह्यूमन इसका रिलेशन यहाँ पे, ठीक है ना। रैम्पेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, मास डिफोरेस्टेशन, मार्जिनलाइजेशन ऑफ एबोरिजिनीज एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो लोकल ऑब्वियसली काटेंगे उनको, तो वहाँ पे क्या होंगे, मार्जिनलाइजेशन होगा। इवन डैम कंस्ट्रक्शन होता है तब भी उनका रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे सोया प्रोडक्शन के लिए ब्राजील इज कंट्रीब्यूटिंग टू डिफोरेस्टेशन होता, ये काफी देखा गया ब्राजील के अंदर सोया प्रोड्यूस करने के लिए, लाइफ स्टॉक को फीड करने के लिए, ठीक है, सोया कल्टिवेशन के लिए क्या कर रहे हैं, लगातार अमेजन फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं। तो ये केस स्टडी आप दे सकते हो कि डिफोरेस्टेशन का वहाँ पे ब्राजील में सोया प्रोडक्शन इन ब्राजील कंट्रीब्यूटिंग टू डिफोरेस्टेशन ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन दे दिया, घर जाके प्रैक्टिस करना है, आंसर भी मैंने दे रखा है कि कैसे आप अपने आंसर को फ्रेम करोगे, इससे बेटर लिख दोगे आप, देखना जो मैंने आपको बताई ना वो चीज़ों। डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर देयर प्रिवेंशन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन है। तो इनमें क्वेश्चन सीधे ही आते हैं, पर उसको लिख कौन रहा है वो देखना, क्वेश्चन सीधे ही आएगा ऑब्वियसली, अब कौन कितना उसको स्पेसिफिक लिख पा रहा है उसके ऊपर बात। एक डायग्राम भी बना दिया देखो, वही ये उसी का आंसर है। तो पहला बायोम हमारा कंप्लीट हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है ट्रॉपिकल मॉनसून या ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ठीक है, मॉनसून डेसिडुअस या ट्रॉपिकल डेसिडुअस। तो डेसिडुअस में क्या होगा, पत्ते, एवरग्रीन की खासियत क्या थी, वहां पे पत्ते नहीं जड़ते, ऐसा नहीं होता, पत्ते जड़ते हैं, हाँ ये बात है इंपॉर्टेंट। एवरग्रीन का मतलब है मान लो कि एक साथ कभी सीजन ऐसा नहीं आएगा सारे पत्ते जड़ जाएंगे, पत्ते तो जड़ते हैं पर कभी किसी पेड़ के जड़ेंगे कभी किसी कभी किसी, तो हमेशा वो एवरग्रीन टाइप लगते हैं। इसमें क्या होता है डेसिडुअस में एक सीजन आता है पर्टिकुलर, उस टाइम उसे बोलते हैं पतझड़, तो उस टाइम पत्ते आपके जड़ जाते हैं,
और एक टाइम पे आते हैं जहाँ पे सारे एवरग्रीन दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं। तो यहाँ पे सीजनैलिटी का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो लीव तो वो भी करते हैं, उनकी लीव भी जड़ती है, पर कभी किसी कभी तो हमेशा एक ऐसा लगता है एवरग्रीन है, तो ये नहीं उसमें पत्ते जड़ते नहीं है। तो स्टेटमेंट अगर ऐसे आ जाएगी दे डोंट शेड लीव तो रॉन्ग हो जाएगी, शेड तो करते बट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, डेसिडस में एक साथ करते हैं सीजन के हिसाब से, ये फर्क है। तो इक्वेटर से थोड़ा और ऊपर चले जाओ, जैसे इक्वेटर से हम 10 से 10 डिग्री थे ना, 15 के आप चले जाओ, ठीक है। तो थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कौन सा आएगा, डेसिडुअस आ जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। मॉनसून फॉरेस्ट नोन एज ड्राई फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दे आर ओपन वुडलैंड्स इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंड हैव प्रोटेक्टेड ड्राई सीजन फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ इंटेंस रेनफॉल। तो मोस्टली ना एक ड्राई सीजन आएगा फिर रेनफॉल का सीजन है, तो सीजनैलिटी यहाँ पे काफी रोल प्ले करती है। अब ये सब देखो आपने एक कर लिया था, तो आप लैटिट्यूड भी डिफाइन कर सकते हो, रेनफॉल भी एक डिफाइन कर सकते हो कि 150 से 100 कर देना, तो एक बेसिक सा कर लेना आइडिया, 25-27-30 डिग्री टेम्परेचर ग्राउंड, एग्जैक्ट कोई नहीं पूछ रहा, एक आइडिया होना चाहिए, लैटिट्यूड उससे थोड़ा ऊपर कर देना, बस वही है, बाकी एग्जैक्ट मैंने दे रखा है आपको। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज देख लो डेसिडस में, टी साल बैम्बू, ठीक है। लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होंगे, नियोट्रॉपिक्स मेनली इन द वेस्ट इंडीज। नियोट्रॉपिक कौन सा रीजन होता है आपका, साउथ अमेरिका का और सेंट्रल अमेरिका का जो रीजन है उसको बोलते हैं नियोट्रॉपिक्स, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, पूछ लेगा नियोट्रॉपिक्स, वेस्ट इंडीज ही वहीं पड़ता है सेंट्रल अमेरिका की साइड ओशन के, तो उस एरिया में मिलते हैं आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस। इंडो मलेशियन जोन जहाँ पे की ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं है, वहाँ पे उनके अलावा जो बाकी रीजन बच गया वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, और आपका ट्रॉपिकल आपका मॉनसून डेसिडुअस मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एक्सेप्ट द इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेनफॉरेस्ट, उनको एरिया को छोड़ दो, बाकी जगह पे आपका मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ईस्ट अफ्रीका ये सब आपकी कंट्रीज अलग है, ठीक है। इंडिया में क्या मिलता है, अन्नामलाई हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड ट्रॉपिकल आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट दैट ग्रो सीजनली ड्राई एरियाज ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज बाय टू डिस्टिंक्ट सीजन, बताया था ना सीजन होता है यहाँ पे, एक मॉइस्ट सीजन होगा एक ड्राई सीजन होगा। टेम्परेचर देखो वही आ गया, 25 से बोला था मैंने, 27 से 32 लगभग वही है। फिर कई एरिया जब बहुत गर्मी पड़ती है तो मैक्सिमम टेम्परेचर 38 to 48, एनुअल 150, वहां 200 थी थोड़ी कम कर दी, 50 कर दी 100, ठीक है 150। और ये वेरी करती है रेनफॉल, कई एरिया में ज्यादा होगी कई एरिया में कम होगी, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। जो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी ज्यादा होती है, फिर जैसे अंदर आते रहते बारिश कम हो जाती है, तो वो वेरी करेगी रेनफॉल। द सीजनल रेजिम ऑफ द एनुअल मानसून रेनफॉल गिव्स डेसिडुअस कैरेक्टर टू द वेजिटेशन विच शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन विंटर एंड द समर। तो जैसे विंटर से समर की तरफ जाते हैं तो दे शेड देयर लीव्स। फ्लोरा क्या होता है, मिक्स ऑफ डेसिडुअस ट्रीज होंगे, यहाँ पे श्रब्स होंगी, ग्रासेस होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्टिक बैम्बू। फाउना में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एलिफेंट्स, राइनोज, लायन फॉरेस्ट। द बायोम ऑल्सो कैरीज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली इक्वेटोरियल में तो रहेंगे नहीं जाके लोग, वहाँ पे तो हार्श कंडीशन इतनी, और ऊपर टेम्परेट में भी नहीं रहेंगे, सॉरी टुंड्रा में भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलेशन कौन से बायोम में रहती है आपकी, डेसिडुअस मॉनसून, ठीक है, या फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ये मैक्स आप देखो ना, मेजरली इंडिया हो गया है ना ऊपर, अगर तुम चाइना की उस पार्ट है, फिर जो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, तो मोस्टली इसी रीजन में रहते हैं पॉपुलेशन। तो लार्जली ह्यूमन हैबिटेबल रीजन है आपका ट्रॉपिकल या फिर मॉनसून डेसिडुअस। ह्यूमन दे आर द वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम, ठीक है। वहां पे तो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ तो डिस्टर्ब्ड मतलब एनक्रोचमेंट है, ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, ठीक है। जूम कल्टीवेशन होती है यहाँ पर, है ना, और राइनो, टाइगर, लायन से फाउना मिलते हैं, ठीक है, मैनी एंडेंजर्ड स्पीशीज। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन इन द मॉनसून रीजन पर्टिकुलर इंडिया हैज एक्सर्वेटेड द सॉइल लॉस थ्रू द गली एंड रेल इरोजन, रिवर बेड सिल्टेशन एंड रिकरिंग कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग इन द एलुवियल। अब कल मैंने पढ़ा दिया तो आपको सारा पता है कि डिफोरेस्टेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, इरोजन होगा, अलग अलग टाइप के इरोजन पता है आपको, रिल, फिर रिल के बाद गली, रेवाइंस और फिर कैनल्स, तो और आगे देखो। और उसके बाद ये भी बताया था कि अगर हाँ चैम्बल रेवाइंस, उसका अगर इरोजन हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका, सिल्ट इकट्ठा हो रहा है, सिल्ट इकट्ठा हो रहा है तो रिवर बेड की रिवर कैपेसिटी कम हो रही है तो फ्लडिंग भी आएगी उसके कारण, ठीक है ना। रन ऑफ ज्यादा बढ़ जाएगा, वेजिटेशन कटेगी तो एकदम से पानी सारा है, फ्लडिंग हो जाएगी, तो फ्लडिंग का रीजन भी आपको समझ में आ रहा सारा। यूरेशियन स्टेपी ग्रासलैंड, तो पहला कौन सा किया हमने आपका, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेकंड हमने किया मॉनसून या फिर डेसिडुअस, ठीक है, मॉनसून या फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस। थर्ड आ जाओ जो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड होगा, दैट इज द यूरेशियन या स्टेपी ग्रासलैंड बायोम। दे लाई इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, अंदर ही है ना कॉन्टिनेंट के बिल्कुल, ठीक है,
तो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में है तो क्या होता है यहाँ पे बारिश तो होगी नहीं, क्योंकि रेन होगी तो पहले हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया पे, तो यहाँ पे जो विंड्स आती है लार्जली दे आर ड्राई, इसीलिए यहाँ पे ट्री नहीं होते है ना, और इस तो स्टेपी में क्या होंगे ग्रासीज होंगे, इसलिए ग्रासलैंड है बिकॉज दे आर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो दे लाई इन द वेस्टर्ली विंड बेल्ट मिड लैटिट्यूड में होंगे, तो मिड लैटिट्यूड में आपको पता ही है कौन सी विंड बेल्ट होती है मिड लैटिट्यूड में, वेस्टर्ली, क्योंकि ट्रॉपिकल में ईस्टर्ली है, मिड लैटिट्यूड में कौन सी बेल्ट होगी आपकी वेस्टर्लीज। ग्रासलैंड आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, देखो ट्रीलेस है ग्रासलैंड यहाँ पे सवाना में, सॉरी इसमें स्टेपी में, ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी डीप विद इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर रेन बियरिंग विंड डज नॉट रीच, क्योंकि रेन बियरिंग जो रेन आई आपकी वेस्टर्लीज वो सारी उन्होंने कोस्टल एरिया में बारिश करती, अंदर तो सूखी जाती है रेन, तो रेन बियरिंग विंड्स नहीं जा पाती, इसलिए यहाँ पे क्या है प्रैक्टिकली देयर ट्रीलेस बहुत कम मिलते हैं, मोस्टली ग्रासेस ही है स्टेपी में, ग्रासलैंड सारा होगा ठीक है। इन यूरेशिया दे आर कॉल्ड स्टेपी एंड स्ट्रेच ईस्टवर्ड्स फ्रॉम कहां से कहां तक, ब्लैक सी से स्टार्ट होगा आप यहाँ पे ये ठीक है, ब्लैक सी से और कहां तक जा रहा है आपका अल्टाई माउंटेन्स मंगोलिया में ठीक है, वहां तक पूरा जाता है, दे फ्रॉम द ब्लैक सी टू द फुटहिल्स ऑफ द अल्टाई माउंटेन्स इन द मंगोलिया। क्लाइमेट इन इज कॉन्टिनेंटल विद एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि कोस्ट के ऊपर आप देखना मैंने आपको पहले बताया था कोस्ट पे क्या होगा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि पानी की स्पेसिफिकिटी ज्यादा होती है तो बैलेंस कर लेते हैं, प्लस सी ब्रीज चलती रहती है, लेकिन जैसे अंदर जाओगे आप कॉन्टिनेंटल इफेक्ट आता है, तो वहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, रात बहुत ठंडी होगी दिन गर्म होगा, तो यहाँ पे एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होते हैं। Temperature varies significantly between summer and winter. Summers are hot and winters are cold. The steppy type of climate in the southern hemisphere is not severe. ये बताओ, southern hemisphere में severe नहीं है steppy, northern hemisphere में severe है। Land का पानी है, पानी absorb कर लेते हैं अपना, specific ज़्यादा है heat को भी, ठीक है ना? तो इसलिए ये एक line होगी important कि southern hemisphere में steppy में क्या है, extreme of temperature नहीं है, कम है। Annual precipitation 75 maximum होती है, normally इनकी 45 centimeter होती है, ठीक है? The maritime influence in the southern hemisphere causes more rainfall. दूसरी बात क्या है, क्योंकि वहाँ maritime influence है तो southern hemisphere की जो steppe वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है बारिश। Natural vegetation of the steppe climate क्या क्या होगा वहाँ पे, grass होती है मिली तो आपको बताइए, tree तो कमी होते हैं। The steppe's greatest distinction from the tropical savanna is that they are almost entirely devoid of the trees and their grasses are significantly shorter. ये बात याद रखनी है आपको, comparison आ सकता है मेंस में ट्रॉपिकल सवाना और temperate grassland का। तो वहां पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट के कारण क्या होता है, ट्रीलेस प्रैक्टिकली बहुत ही कम होते हैं, ट्री कम होते हैं कंपेयर टू सवाना, सवाना भी कम होते हैं पर थोड़े बहुत होते हैं, वहां तो भी बिल्कुल ही कम है, और ग्रासेस स्टेपी में छोटी है, वहां पे थोड़ी बड़ी ग्रास होती है। ग्रासेस आर टॉल हेल्दी एंड फ्रेश, दिस टाइप ऑफ ग्रास सीन इन द नॉर्थ अमेरिका, और कंपेयर टू स्टेपी ये बता रहा है कि प्रेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रास लैंड है वो थोड़े क्या हेल्दी है, वहां पे ग्रास थोड़ी बड़ी है ठीक है। एज इन द हाई प्लेन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दीज एरियाज आर less ideal for the arable farming and are introduced for the some type of grazing. तो जो steppe है that are, क्योंकि वहाँ पे grass छोटी छोटी है तो they are mostly used for the agriculture purpose. और वहाँ पे grass बड़ी बड़ी है थोड़ी compared to the steppe, तो जो अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रास लैंड है they are mostly used for the pastoral grazing के लिए, ये फर्क होगा, एक difference होगा। इसलिए आपने देखा होगा मैंने steppe को अपन ने कहा था grain bowl of the world, ना कि अपने prairie को नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पे agriculture कम होती है, वहाँ पे grazing ज्यादा होती है, steppe में agriculture ज्यादा होती है, ये भी reason है ना, ऊपर बताया था मैंने आपको कल वाली क्लास में कि ग्रेन बाउल ऑफ द वर्ल्ड को बोला था अपने, स्टेपी को बोला था ना कि प्रेरी को बोला अपन, ये भी याद रखना क्योंकि वहां पे क्या है एग्रीकल्चर हो रही है और प्रेरीज में क्या है ग्रासलैंड से ग्रेजिंग हो रही है। फाउना मोस्टली आपके मैमल्स जैसे है ना, और सॉरी यहाँ पे एक बात और याद रखो, याद करने की जरूरत नहीं है कि ग्रासलैंड है स्टेपी का, तो जब एक जैसा देखो इक्वेटोरियल में क्या था क्लाइमेट ठीक है, बारिश थी और सूरज बढ़ रहा था, फिर आपकी डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट वेजिटेशन थी, तो इसलिए डिफरेंट फौना भी हो गया, यहाँ पर तो एक ही जैसी वेजिटेशन है तो फौना भी एक जैसा मिलेगा, तो घोड़े मिलेंगे बस यहाँ पे घास चरते रहेंगे ठीक है ना, गाय मिल जाएंगी थोड़ी बहुत कैटल जो भी है, तो कहने का मतलब समझो बात को, वहाँ पे एक जैसी घास है तो अपने क्या मिलेगा वही मिलेगा, मैं तो ये समझ रहा था कॉमन वेजिटेशन है वहाँ पे सब जगह एक जैसे यार वो मिलेगा आपको जानवर वैसे मिलेंगे ठीक है ना। डज नॉट हैव मच एनिमल डाइवर्सिटी, हॉर्सेज आर द कॉमन इन द एशियन स्टेपी, तो स्टेपी में हॉर्सेज मिलेंगे ठीक है, घोड़ा क्या खाएगा घास ठीक है क्या ग्रेन बाउल प्रेरीज था इन स्टेपी था ग्रासलैंड हाँ हाँ वो स्टेपी था ठीक है ना।
देखो मैं बताता हूँ उसमें क्या दिक्कत होती है। प्रेरी कई बार ना जनरल टर्म यूज कर लेते हैं ग्रासलैंड के लिए, उस सेंस में होगी होगी वो, है ना। कई बार कई लोग क्या प्रेरी को ग्रासलैंड मान लिया उसको, है ना। है तो सारे ग्रासलैंड ही, पर अलग अलग जगह पे अलग टर्म्स दे रखी है, तो इतना स्पेसिफिक भी नहीं कहते। मान लो पुस्ताज हो गया हंगरी के अंदर, है ना, वेल्ड हो गया, ये सब अलग अलग जगह के अलग नाम है ग्रासलैंड के। प्रेरी एक जनरल टर्म मान लिया उस ग्रासलैंड को, टेम्परेरी ग्रासलैंड को बोल दिया, है ना। तो उस सेंस में अगर कहो तो ठीक है, लेकिन कंपेयर अगर दोनों कंपेयर करना पड़ जाए तो मोस्टली कहाँ पे जाओगे आप, एग्रीकल्चर कहोगे स्टेपी में होगी, और आपके पास्चर और ग्रेजिंग कहाँ पे होगी, प्रेरी होगी, क्योंकि वहां पे ग्रासेस बढ़ी है, बस ये याद रखना है। ठीक है, मे भी हो सकता है वहां पे बर्ड प्रेरी यूज किया होगा कोई बर्ड, ठीक है। क्योंकि बात पता क्या होती है, बहुत सारे राइटर्स होते हैं, बहुत सारे ऑथर, वो अपने हिसाब से, कोई पिछले यूएस वाले लिखा होगा तो प्रेरी बर्ड यूज कर लेगा, अगर यूरोपियन होगा तो स्टेपी बर्ड यूज कर लेगा, ग्रेन माउल होता बर्ड, ठीक है। होती वहां पर भी काफी वीट फार्मिंग ऐसी नहीं, पर कंपेयर अगर करें तो स्टेपी में थोड़ा ज्यादा होता है, बस ये बात। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेपी, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्योंकि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तो वीट और मेज होगा, रेंचिंग होगा, पेस्टोरल फार्मिंग, नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। अगला हमारा सवाना ग्रासलैंड। तो जो हमने पहले क्या किया था आपका स्टेपी, वो थोड़ा ऊपर था लैटिट्यूड में, अब सवाना नीचे आ जाएगा, है ना, ट्रॉपिकल एरिया में आ जाएगा। तो सवाना ग्रासलैंड हो गया आपका यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो सवाना इज अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ आउटकम ऑफ द, अगेन जितने बायो बन रहे हैं, क्लाइमेट, सॉयल, वेजिटेशन सबसे बन रहे हैं, एंड फायर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फायर वर्ड। 2021 में आया था, 22 में कुछ नहीं आया था सवाना, वो दिखाऊंगा लास्ट में। तो फायर कंट्रोल करती है यहाँ पे इसको, बायोम को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इंडिकेटेड बाय एज द ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेन, ठीक है, द ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। The savanna biome is characterized by extensive cover of the grasses with scattered trees. Steppe में mostly they are almost treeless. यहाँ पे क्या है? आपके grasses हैं with the scattered trees, थोड़े बहुत trees भी हैं, ठीक है? Extensive cover with the scattered trees. It is a transitional biome that is dominated forest और grasses के बीच में, एक तो पूरा grasses हो गया और एक forest, उनके बीच का थोड़ा transition biome है। It is a transition biome between those dominated by the forest and those dominated by the grasses. The savanna biome is associated with the क्लाइमेट हैविंग सीजनल प्रेसिपिटेशन अकम्पेनिड विद द सीजनल ड्रॉट। तो कुछ एरिया में कभी कभी बारिश हो जाती है कुछ टाइम पे, और कई बार ड्रॉट्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एक तरफ मान लो पेड़ है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट है, और एक तरफ ग्रासेस है, उनके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है जहाँ पे मोस्टली ग्रासेस है पर कुछ पेड़ भी है, वो एरिया कौन सा आपका सवाना। डिस्ट्रीब्यूशन 10 to 20 degree, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो 10 degree तक तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट थे हमारे, मान लो जो हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उससे ऊपर वाले रेंज में आपके कौन कौन से आगे, इस तरफ आ गए थे आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन तो नीचे था, उसके ऊपर पहले मॉनसून वाले आ गए थे, ड्राई डेसिडुअस, फिर और अपन रेनफॉल कम हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहे हैं, कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहे हैं वेस्ट में, तो फिर सवाना आ गया, ठीक है। 10 to 20 degree नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड इंक्लूड था कोलंबिया, ये सब कंट्री के ऊपर। अब देखो मतलब पूरा एक्सटेंसिव ग्रास लैंड है, बीच में स्कैटर्ड कुछ ट्रीज है, ऐसा दिखेगा सवाना आपको। सवाना बायोम इज द आउट, ये क्वेश्चन आया था, सवाना बायोम इज द आउटकम ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स। कुछ तो क्लाइमेट ऑब्वियसली, जो क्लाइमेट तो है वहां पे, तो कुछ क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ जियोमॉर्फिक हिस्ट्री है वहां की, ठीक है। फिर कुछ नेचुरल फायर्स, फायर कैसे कंट्रोल करती है, अगर फायर होती रहेगी बार बार तो ट्रीज नहीं हो पाते, फिर ट्रीज जल जाते हैं, फिर घास फटाफट हो जाती है, इसलिए वहां पे स्कैटर्ड ग्रास है, तो फायर कंट्रोल करती है सवाना को, उसके बायोम को। फायर्स बर्न्स बैक द फॉरेस्ट एंड स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। इवोल्यूशन ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, तो ग्रेजिंग एनिमल ज्यादा होंगे तो वो सारे पेड़ पत्ते खा जाते हैं, तो वो भी सवाना जो बायोम को कंट्रोल करते हैं, ग्रेजिंग एनिमल, तो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी कंट्रोल करती है सवाना। ग्रेजर और ब्राउजर में क्या फर्क है बताओ सुशांक, ग्रेजर एंड ब्राउजर कौन बताएगा? हाँ भाई, ब्राउजर ग्रेजर, घोड़ा क्या है? ग्रेजर, जो नीचे ही खाते हैं ग्रेजर, जो ऊपर ही बोल पाएगा ब्राउजर, ब्राउजर। हाँ आपको पता था क्या आप गौरव, तो सही मैंने पूछा नहीं, गौरव से नहीं पूछा, क्योंकि तुमने क्लास एंड नहीं ना की थी वाली, ये नहीं, ये तो जनरल है, तो बेसिक है, आप सर क्या पूछ रहे हैं उसको नहीं बताता ना मैंने, इसलिए तेरे को तो पता ही है बेसिक बात। Evolution of grazing animals. ठीक है भाई, सवाना बायोम इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरफेस एंड द मॉडिफिकेशन। एक तो बात क्या होगी, फायर ने किया मॉडिफाई, एक ग्रेजर्स ने किया मॉडिफाई,
सवानों को, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज ने भी, ठीक है ना, लाइक डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ये सबसे भी इन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द रीजन नाउ कंसीडर्ड एज द सवाना रीजन बाय द ह्यूमन इटसेल्फ। तो जो ओरिजिनल वहां पे रीजन था, मानो जहां पेड़ वेड़ होंगे काफी, उसको फिर ग्रेजिंग से, डिफोरेस्टेशन से, तब वो रीजन कन्वर्ट हुआ है किसमें, आपका सवाना। पहले वहां पेड़ वेड़ भी थे, तो मॉडिफाई किस किसने किया है कंट्रोल के सवाना को, फॉरेस्ट फायर्स ने, ठीक है, ग्रेजिंग ने, ठीक है, और ह्यूमंस ने। फॉरेस्ट फायर, ग्रेजिंग, हर्बीवोरस एंड सीजनल रेनफॉल आर द सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट इन द ग्रास लैंड। तो रेनफॉल भी करती है, अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो बारिश हो जाएगी, पेड़ ज्यादा हो जाएंगे, पर इतनी रेनफॉल होती नहीं, सीजनल होती है रेनफॉल, तो ये बस घासीज हो पाती है, ठीक है। कुछ जो घास पेड़ होते हैं वो उनको ब्राउजर खा जाते हैं, फिर कुछ पेड़ होते होंगे तो उनको ह्यूमन काट देता होगा, कुछ और थोड़े बहुत पेड़ होते होंगे तो उनको क्या हो जाता होगा, एक दो चीज और की थी ना हमने, फॉरेस्ट फायर्स, वो ऐसे कंट्रोल हो रहा है सवाना, इससे क्वेश्चन आया। तो इतना डीप हमने पढ़ा तब यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया उस चीज के बारे में, कौन कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर क्या क्या, दे दिया फायर वायर ये सब चीज दे दिया। ग्रेजिंग इंटेंसिटी इज द मेजर रीजन फॉर द टाइप ऑफ सवाना, सो ग्रेजिंग हर्बिवोरस डू कंट्रीब्यूट टू द कीपिंग अ चेक ऑन द फॉरेस्ट। तो ये ग्रेजिंग से कर रहे हैं, देयर इज अ चेक ऑन द फॉरेस्ट। टेम्परेचर रेनफॉल कर लेना 25 से 50 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 20 डिग्री से कम नहीं जाता। वेजिटेशन क्या मिलेगी, एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट ग्रास, ठीक है। अब ऊपर कौन सा किया था हमने, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कौन सी वेजिटेशन वो किया थे, ऑर्गेनिजम्स क्रिप्टो, क्या था, क्रिप्टोजोइक, ठीक है। ये कौन से हो गए आपके, फायरोफाइटिक। सम ऑफ द सवाना ट्रीज आर फायर रेसिस्टेंट, क्योंकि आग लगती है फॉरेस्ट, तो सम ऑफ देम आर द फायर रेसिस्टेंट, क्योंकि पायरो वर्ड आ गया तो आप समझ जाओगे, है ना, फायरोफाइटिक, एज दे हैव अ थिक बार्क एंड थिक बड स्केल। एनिमल कम्युनिटी में अफ्रीकन बफेलो, जेब्रा, जिराफ, ये सब, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन में कंगारू, ये सब आप देख लेना एक बार इसमें ना। सीजनल मोबिलिटी ऑफ एनिमल इज नोटिस इन दिस बायोम, ठीक है। कभी अगर ड्रॉट आ जाता है तो एनिमल्स मूव करते हैं, और प्लांट्स वही, ठीक है, चलो। और इक्वेटोरियल बायोम में एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, नहीं करते, ट्रॉपिकल बायोम इसमें रेन फॉरेस्ट में नहीं करते, सही है, क्योंकि वहां पे अबंडेंट है खाने वाना, कोई दिक्कत नहीं है। द सवाना पर्टिकुलरली इन अफ्रीका इज द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इट इज नोन एज बिग गेम कंट्री। ये पता है ना, बिग गेम कंट्री आ जाए तो अफ्रीकन सवाना को बोलते हैं बिग गेम कंट्री, क्यों, काफी वहां पे हंटिंग होती है, ठीक है ना, बिग गेम कंट्री। एंड थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रैप्ड और किल्ड ईच ईयर बाय पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, तो बिग गेम कंट्री बोलते हैं अफ्रीकन सवाना को। ह्यूमन एंड सवाना एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा है वहां पे, तो सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये बायोम भी खत्म, अगला बायोम है आपका डेजर्ट बायोम। डेजर्ट बायोम किस चीज पे डिफाइन होता है आपका, मतलब क्या फैक्टर है दैट डिटरमाइन, ऐसे कीवर्ड बताओ जी, एक वर्ड ये है लो रेनफॉल, बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये नहीं होगा जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वो डेजर्ट बन जाएगा, लो रेनफॉल इज द कीवर्ड, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर कई जगह पे लो भी होता है, जैसे कोल्ड डेजर्ट में तो वो भी डेजर्ट कहलाता है, बट रेनफॉल लो है, तो रेनफॉल है पैरामीटर डिटरमाइनिंग फैक्टर जो मेन है ना। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर एक मैं कीवर्ड बताता हूँ हमेशा, वो आपको पता हो फिर आप उसको कर लोगे आराम, ठीक है ना। तो रेनफॉल है आपको वर्ड, दो तीन चीजें देख लो पहले, आगे बता ही दूंगा। जो हम जनरल सब पढ़ते हैं सबको पता ही है कि डेजर्ट कहाँ बनते हैं, हमारे वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट और मिड लैटिट्यूड में। तो क्या रीजन है, ये आपका हो गया इक्वेटर, यहाँ पे आपकी होगी ईस्टर्लीज, ऊपर वेस्टर्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे एयर सर्कुलेशन वाला क्या था ना, राइज करती है, ठीक है, ट्रोपोपोज पे स्ट्राइक करके, और यहाँ पे सिंक करती है। तो जो हमारे मिड लैटिट्यूड होता है उस पे क्या होता है, एयर क्या करती है, सिंक करती है। तो एयर सिंक करेगी तो क्या होगा, हाई प्रेशर कंडीशन हो जाएंगी, ऊपर से एयर सिंक करेगी तो हाई प्रेशर कंडीशन होगी ना, हाई प्रेशर कंडीशन होगी तो क्या होगी, रेनफॉल नहीं होगा, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, तो क्या होता है, रेनफॉल नहीं होती। तो मोस्टली डेजर्ट कहाँ मिलेंगे आपको, मिड लैटिट्यूड में। दूसरा रीजन क्या है, जब यहां से विंड जा रही है, ठीक है, तो ये क्या आ रही है आपकी रेन, बारिश यहां पे कर दिया, इधर आते आते वेस्ट साइड में दे बिकम ड्राई, तो ऑफशोर विंड आती है, ऑफशोर पर दे बिकम ड्राई। तो विंड्स कैसी है, ड्राई है, इसलिए वेस्टर्न साइड में आते आते विंड्स आती है ड्राई। तो पहला रीजन हो गया आपका मिड लैटिट्यूड में बनेंगे क्योंकि एयर सिंक कर रही है, दूसरा हो गया विंड्स जो है दे बिकम ड्राई एंड ऑफशोर, ठीक है। थर्ड रीजन क्या है कि जो वेस्टर्न साइड में है, मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे हम्बोल्ट करंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, यहाँ पे कौन सा करंट है,
बेंगुला याद जा रही है। हाँ ठीक है, तो ये जो करंट्स है सारे जो वेस्टर्न साइड में, दे आर कोल्ड करंट्स। तो कोल्ड करंट्स अगर जाएंगे तो ठंडा पानी लेके आएंगे, इवेपोरेशन को कम कर देंगे, फिर बारिश नहीं होगी। तो ये तीन चार फैक्टर है, इसीलिए क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि व्हाई मोस्ट ऑफ द डेजर्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड इन द मिड लैटिट्यूड्स। तो ये रीजन था उसका। ये सारे मैंने लिखे हुए, मैं समझा दिया आपको मैंने। और ये मैपिंग में हम करेंगे, मैं फिर बताता हूँ, ग्रेट बेसिन, चुआवा, मोजाव मुहा, अटाकामा डेजर्ट, पेटागोनिया डेजर्ट, ठीक है, अफ्रीका में सारा, नामीब, कालाहारी, सीरियन, अरेबियन, दस्ते लूट, दस्ते कबीर, ये सारे सऊदी अरेबिया में, ठीक है, गोबी डेजर्ट, काराकुम, थार, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, डिफरेंट डेजर्ट्स है। इतना बेसिक आपको कुछ डेजर्ट पता होना, बाकी डिटेल में मैपिंग में करेंगे। डेजर्ट्स आर वेयर इवेपोरेशन एक्सीड्स द प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन याद होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा। दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट, हॉट डेजर्ट जैसे सारा हो गया, टेम्परेचर एंड टेम्परेट एज द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, जैसे कोल्ड डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट। डेजर्ट बायोम कवर्ड 1/5 ऑफ द अर्थ सर्फेस। दिस बायोम हैज अ लेयर ऑफ सॉइल दैट कैन बी सैंडी, ग्रेवली और इवन स्टोनी, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डेजर्ट। ये करते आ जाता। चलो बता ही दो पहले तुम, फिर हाँ बताओ टाइप्स ऑफ डेजर्ट किस किस को याद है। देखो कुछ होते हैं सैंडी डेजर्ट जहां पे सैंड होगी, कुछ होंगे स्टोनी डेजर्ट जहां पे स्टोन्स होंगे, कुछ होंगे रॉकी डेजर्ट, ठीक है। तो वही कह रहा है डिपेंड अपॉन द ग्रेन साइज, डेजर्ट अलग अलग होते हैं। तो मेरे को बताओ सैंडी डेजर्ट इनका एक एक नाम अलग होता है ना, अलग नाम क्या बोलते हैं सैंडी डेजर्ट को, क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल बता दी तुमने, ठीक है, सारा पूरा नहीं है, कुछ रॉकी भी है, कुछ वो भी है ना। चलो एग्जाम्पल वो टर्म्स पूछना चाह रहा हूँ मैं इनको, अलग अलग टर्म्स बोलते हैं ना, याद है? ऑप्शनल, हाँ भाई, कॉमन सेंस, याद है? नहीं। चलो स्टोनी डेजर्ट, अरे मैं यही, अरे एग्जाम्पल टर्म्स आती है पढ़ी नहीं है, आ चुके क्वेश्चन, हमादा सुने, अर्ग, रेग, अब बताओ कौन सा किसमें है, क्योंकि मैं तो याद करके छोड़ूंगा, ठीक है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ पहले, क्यों फिर कहते सर मेरे को आता था ऐसे टाइम खराब किया मेरा, नहीं आ रहा ना किसी को भी। इसलिए होता ही है बहुत ज्यादा आप, लेकिन आप पढ़ा दूंगा ना उस तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर नहीं भूलेगा, पीछे कितना टाइम हो जाए कब्र तक याद रहेगा तेरे को, ठीक है। चल आ रहा, देखते हैं, डेजर्ट्स हो गया ये, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कि कैसा वहां पे सैंड ज्यादा है, ग्रेवल्स है, स्टोन्स है, रॉक्स है, तो अलग अलग डेजर्ट है। पहला क्या है, अर्ग या फिर सैंडी डेजर्ट। तो मैंने सैंडी जो पूछना चाह रहा था उसको बोलते हैं अर्ग डेजर्ट, मैच द फॉलोइंग आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सी ऑफ सैंड। तो एग्जाम्पल तुम थार रहे थे उसमें सैंडी वाले में, ठीक है। विंड डिपोजिट वास्ट स्ट्रेच ऑफ अंडुलेटिंग सैंड, विंड आया डिपोजिट, वेस्टर्न सारा हो गया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, थार डेजर्ट इन इंडिया। फिर दूसरा है रेग, एक अर्ग था जो था सैंडी डेजर्ट, रेग है आपका स्टोनी डेजर्ट, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिव शीट्स ऑफ एंगुलर पेबल्स। यहाँ पे क्योंकि ये क्या है स्टोन है, तो यहाँ पे पेबल स्टोन से मिलेंगे, तो पेवमेंट मिलती है, स्टोन होंगे, ठीक है ना। सैंडी में क्या थे, सैंड्स के पार्टिकल थे, थार हो गया जो है ना, और सऊदी अरेबिया में जो आप डेजर्ट देखते हो सारे सैंडी डेजर्ट है, और जहां पे स्टोन्स मिलेंगे उनको बोलते हैं रेग, सैंडी को बोलते हैं अर्ग, ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो है, ठीक है। फिर लास्ट है रॉकी, तो रॉकी कौन सा डेजर्ट है आपका, जिसको बोलते हैं सारा डेजर्ट, द मेजोरिटी ऑफ द सारा डेजर्ट इज द रॉकी। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, पूरा डेजर्ट सारा सैंडी नहीं है, वेस्टर्न साइड वाला सैंडी है, बाकी लार्जली इट इज अ रॉकी डेजर्ट। तो ये स्टेटमेंट आ सकती है कि सारा इज अ सैंडी डेजर्ट, पूरा कंप्लीटली होल सारा, या मेजरली इट इज सैंड, मेजरली भी नहीं है, मेजरली रॉकी डेजर्ट है, उसको बोलते हैं हमादा, ठीक है। और ये फोटो देख लो इसकी, हमादा में क्या था, रॉक्स, तो रॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पता है अर्ग, ठीक है, जिसमें सैंड हो गया, जिसमें आपने थार देख लिया, सऊदी अरेबिया के डेजर्ट हो गए, रॉक हमादा में क्या डालोगे, सारा डाल दोगे मोस्टली, ठीक है। ये रैग, जब छोटे छोटे ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट थे, तो यहाँ पे स्टोन थे, इसको बोलते हैं रैग, ठीक है। कोड क्या है, तो याद हो जाएंगे सारे, कोड है ये, इंजीनियर सैम ने रेड स्टोन से हमें रोका, ठीक है। तो इंजीनियर सैम ने, सैम इंजीनियर का नाम क्या, सैम, इंजीनियर सैम ने हमें रेड लाइट से रोकते ना, रेड सिग्नल से, रेड स्टोन से हमें रोका, ठीक है। तो इंजीनियर अर्ग, सैम सैंड, तो अर्ग वाला हो गया सैम, सैंड वाला,
अर्ग वाला सैंडी डेजर्ट हो गया। इंजीनियर सैम ने किससे रोका, रेड सिग्नल या रेड स्टोन, तो रेड स्टोन, ठीक है ठीक है। तो रेग क्या हो गया, आरईजी स्टोनी हो गया, रेड स्टोन से हमें रोका, हमसे हमादा रोक से रोकी, अब नहीं बोलोगे। इंजीनियर सैम ने रोका सिग्नल से, रेड रेड लाइट से रोकते, रेड स्टोन से हमें रोका। तो इंजीनियर ईआर अर्ग सैंडी, इंजीनियर सैम ने रेड सिग्नल से, रेड स्टोन, रेड से रेग से स्टोनी हमें हमादा रोका रोकी, हमादा रोकी, ठीक है, रेग स्टोनी हमादा रोकी, इंजीनियर सैम अर्ग सैंडी, खत्म। चलो रेनफॉल ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर एनुअली, बहुत बल इससे भी कम होता है, 25 सेंटीमीटर मान लो, कई जना उससे भी कम, 50 से 25 सेंटीमीटर बहुत कम रेनफॉल होती है। हॉट डेजर्ट क्लाइमेट फैक्टर एसोसिएटेड विद द डेजर्ट फॉर्मेशन, मैं आपको बताई चुका हूँ, मोस्टली कहाँ मिलेंगे आपके, 20-30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द मिड लैटिट्यूड बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के कारण होता है यहाँ पे, क्योंकि एयर क्या करती है, सिंक करती है, ठीक है, सब वही लिख रहा है, प्रेसिपिटेशन कंट्रोल होगा। विंड पैटर्न कैसा है, ऑफ शोर है, ड्राई विंड्स होती है, प्रेशर ऑफ द कोल्ड रीजन, ठीक है, रेन शेडो इफेक्ट होता है कई जगह पे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन कैन कॉज लीस्ट प्रेसिपिटेशन ऑन द लीवर्ड साइड, जैसे थार डेजर्ट अरावली के बैक साइड में आ गया, तो बारिश होनी होती है तो विंडवर्ड साइड होती है, मॉनसून इस साइड से आता है ना, ईस्टर्न साइड से, तो कई जगह पे डेजर्ट बनता है लीवर्ड साइड की प्रेजेंस के कारण, माउंटेन के लीवर्ड साइड में होने से, एग्जाम्पल सारा डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, क्योंकि सारा डेजर्ट किस तरह भी एटलस माउंटेन्स है, बारिश इधर होकर सारी इस तरह जाती है एटलस माउंटेन पे, उस तरफ लीवर्ड में पड़ जाता है सारा डेजर्ट, तो लीवर्ड ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ना कि माउंटेन के लीवर्ड साइड में जब आते हैं तब भी डेजर्ट बनते हैं। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, गोबी डेजर्ट का रीजन क्या है, कॉन्टिनेंटलिटी, कि इतना अंदर जाके है कॉन्टिनेंट में, वहां से जो भी एक तो सब मिड लैटिट्यूड में हो गया, एयर शिंक कर रही है, दूसरा क्या है, रेन जो है मोस्टली मॉइस्चर उन्होंने चाइना की साइड कर दिया, तो कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट भी क्या करता है, डेजर्ट बनाता है क्योंकि बारिश कम होती है वहां पे। रेनफॉल अटाकामा इज प्रैक्टिकली नो रेनफॉल एट ऑल, रेन नॉर्मली अकर्स एज अ बॉयलेंट, कभी आएगी तो एकदम से आएगी थंडर स्टॉर्म की तरह, बहुत धूल मिट्टी उड़ेगी, एकदम से कभी आएगी रेनफॉल डेजर्ट में आएगी, होगी जिससे क्या होता है एकदम से रेनफॉल आई, प्रिपेयर होता नहीं रीजन, वहां पे स्ट्रीम्स होती नहीं है, तो पानी इन्फिल्ट्रेट भी नहीं करता, सीधा क्या होता है फ्लैश फ्लड्स, तो डेजर्ट में जब आता है पानी तो वहां पे क्या होता है फ्लैश फ्लड्स आती है, थोड़े दिन पहले राजस्थान में भी आई थी ना, तो डेजर्ट्स में क्या होता है आपका फ्लैश फ्लड्स आते हैं। अभी एक और मैंने फ्लैश फ्लड्स का एग्जाम पढ़ाया था पिछले, नॉर्थ अफ्रीकन कौन सी कंट्री में आया था यार, टूनिशिया में, किसने था लास्ट ईयर आई थी फ्लड, अगर देखना मैंने करवाया था करंट अफेयर में, ठीक है, तो वहां भी फ्लैश फ्लड, तो पता नहीं लिबिया में आई थी कहीं, अगर देखना शायद लिबिया में आई थी, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डिंग द अल्जीरिया इन लिबिया 57.77 डिग्री, द रीजन, चलो देख लेना एक बार, रीजन फॉर द हाई टेम्परेचर आर ऑब्वियस, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्यों रहेगा, क्योंकि स्काई जो रहता है वो क्लियर रहता है, क्लाउडलेस रहता है, ठीक है, इंटेंस इंसोलेशन, ड्राई एयर एंड रैपिड रेट ऑफ वेपोरेशन। अब देखो डेजर्ट की एक और खासियत क्या है, यहाँ पे हाई डायर्नल रेंज होगा, दिन में बहुत टेम्परेचर हाई रहेगा और रात को बहुत ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एक तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, ठीक है, कोस्टल के पास तो है नहीं, तो लैंड है वो ठंडी भी जल्दी होती है, गर्मी जल्दी होती है, फिर क्लियर स्काई है तो रेडिएशन रात को बहुत एग्जिट कर जाती है, तो लैंड क्या ठंडी हो जाती है, इंसोलेशन दिन में, क्लियर स्काई है इंसोलेशन आएगा दिन में, तो यहाँ पे डायर्नल रेंज दिन में और रात पूरे 24 घंटे की जो रेंज होती है टेम्परेचर की बहुत हाई होती है डेजर्ट इकोसिस्टम में, याद रखना है डायर्नल रेंज इज वेरी हाई, कोस्टल रीजन में डायर्नल रेंज ज्यादा नहीं होती, लगभग अगर 20-22 दिन में है तो रात को 18-19 मतलब 16-17 ज्यादा रेंज आएगी, यहाँ पे दिन में पहुंच जाएगा 40-45, रात को कम हो जाएगा 15-10 भी आ जाएगा, और विंटर में तो माइनस में जाते हैं टेम्परेचर यहाँ पे, तो यहाँ पे डायर्नल रेंज बहुत ज्यादा है, याद रखना। दिस इज बिकॉज द डेजर्ट्स टिपिकली हैव लो ह्यूमिडिटी, क्योंकि मॉइस्चर वॉइस्चर होता है, पानी होता है तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहाँ पे है ही नहीं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी तो पानी जहाँ पे कम हो जाएगा वहाँ पे स्पेसिफिक होगी नहीं, तो कोई एब्जॉर्ब सारा लैंड ही करती है एब्जॉर्ब, लैंड ही रेडिएट करेगी, तो जल्दी गर्म होगी जल्दी ठंडी हो जाएगी। लिटिल क्लाउड कवर विच अलाउज द रैपिड हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड रैपिड कूलिंग ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स द डेजर्ट सोइल एंड रॉक्स विच देन रेडिएट बैक हीट इनटू द एयर, एज अ रिजल्ट टेम्परेचर इन द डेजर्ट कैन राइज रैपिडली ड्यूरिंग द डे ऑफन रीचिंग टू 40-55 डिग्री सेंटीग्रेड इन हायर इन द सम एरियाज, तो दिन में तो क्या होगा जो भी सैंड होगी रॉक एब्जॉर्ब करेगा हीट को, फिर उसको रेडिएट करेगा सारा गर्म कर देगा, रात को वो ठंडा होएगा पूरा। एट नाइट द लैक ऑफ क्लाउड कवर एंड द मॉइस्चर इन द एयर अलाउ हीट टू एस्केप इनटू द स्पेस, तो सारी स्पेस में हीट एस्केप हो जाएगी, कॉजिंग द टेम्परेचर टू ड्रॉप रैपिडली, इन सम डेजर्ट टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू नियर फ्रीजिंग पॉइंट और इवन बिलो द जीरो डिग्री, ये बताया ना
टेम्परेचर मेजर फैक्टर नहीं है, रेनफॉल मेजर फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा डेजर्ट बनेगा नहीं बनेगा। टेम्परेचर तो बहुत वेरी कर जाते हैं हमें, लोग कई बार माइनस में रहते हैं। कभी देखना चूरू में सर्दी में, राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे भी बहुत 2 डिग्री 1 डिग्री कई बार बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जाते हैं। तो डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा, डायरल रेंज बहुत ज्यादा है डेजर्टिक। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर रिटार्ड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डेजर्ट सॉइल्स आर वेरी डेफिशिएंट इन ह्यूमस। तो ह्यूमस तो बनता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि रेनफॉल ही ना, टेम्परेचर तो आई है, इक्वेटोरियल में दोनों था ह्यूमस बन रहा था, लेकिन ह्यूमस बन भी रहा के फायदा उसको वॉश हो जाता है रेनफॉल के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स थी वहाँ पे, यहाँ पे ह्यूमस नहीं बन पाता, टेम्परेचर है पर रेनफॉल नहीं है, क्योंकि ह्यूमस बनने के लिए रेनफॉल भी चाहिए टेम्परेचर भी चाहिए। तो दे आर पुअर इन द ह्यूमस डेजर्ट सॉइल। मोस्ट डेजर्ट श्रब्स हैव, अब ये देखो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा हूँ, ठीक है उसका। अब देखो इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखनी है मेन की, जो डेजर्ट्स के जो प्लांट्स होते हैं। तो आप डेजर्ट्स के प्लांट्स को देखना, तो कैसे मिलेंगे आपको डेजर्ट के प्लांट, पहली बात तो आपकी टैप बिल्कुल रूट्स नीचे, डीप रूट्स होगी, पहला वाला हो गया। ऊपर कैसे मिलेंगे, या तो कांटे होंगे या छोटी छोटी लीव्स होंगी बस, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, बड़ी लीव्स पर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कम करके छोटी छोटी लीव्स होंगी या फिर कांटे होंगे बस, तभी काट। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे मजा आ रहा है उनको कांटे पैदा करने में, वो एक एनिमल्स की और प्लांट्स की एडेप्टेशन होती है टुवर्ड्स द क्लाइमेट। जब एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि जो यूरोपियन से उनकी नाक पतली रहती है ना, क्योंकि हीट लॉस कम करना है उनको, ये रीजन होता है। तो हर एक जगह के अफ्रीकन्स जो रीजन है वहां पे ब्लैक्स होते हैं, डार्क मेलानिन कंटेंट, तो एडप्ट जो ह्यूमन की एडेप्टेशन होती है क्लाइमेट की, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, अपने आप ही लीव छोटी होगी, कांटे बन गए, बिकॉज दे हैव टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन लॉस, ये तो मर जाएंगे सारे। ठीक है, दूसरा क्या है, दे हैव द सकलेंट लीव्स, ऐसे मोटी जैसे एलोवेरा है, तो उसके अंदर देखा है आपका, उसका जो स्टेम है और लीव सकुलेंट होता है, अंदर पानी भरा होता है ताकि उसके अंदर मॉइस्चर है। सेकंड ये वर्ड याद रखना आपको, नीचे होगा नहीं, सकुलेंट लीव, ठीक है, सकुलेंट होंगी, वैक्स भी होता है, ऊपर वैक्सिंग भी होती है ताकि आपके ट्रांसपिरेशन पानी वेपरेशन ना हो। ठीक है, तो एक ये हो गया, लीव छोटी स्पाइन्स काटे हो गए, सकुलेंट लीव्स हो गया, डीप रूट्स हो गया, ठीक है, वैक्सी हो गया, लेदरी हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, थिन लीव्स, है ना, ये सब इसके हैं, लॉन्ग रूट्स, ये कीवर्ड है। थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव, सम डेजर्ट प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड थॉर्न्स इन प्लेस ऑफ लीव्स, थॉर्न्स सर्व मल्टीपल पर्पसेस। पहली बात तो क्या होगा, इंक्लूडिंग डिटरिंग हर्बीवोरस एंड रिड्यूसिंग वाटर, वाटर लॉस भी कम होगा, लीफ में वाटर लॉस ज्यादा होता है। दूसरा, हर्बीवोरस होंगे वो खा नहीं पाएंगे उनको। ठीक है, ये कह रहा था मैं, सकुलेंट होते हैं प्लांट्स, प्लांट्स विद द पार्ट्स दैट आर थिकेंड, इनके कुछ पार्ट्स थोड़े थिक हो जाते हैं, एलोवेरा देखो थिक होते हैं ना, फ्लैशी एंड एनगोर्ड, यूजुअली टू रिटेन वाटर इन द एरिड क्लाइमेट, तो उसके अंदर पानी होता है और सॉइल कंडीशन, एग्जाम्पल एलोवेरा। ऐसी वेजिटेशन क्या बोलते हैं हम, जेरोफाइटिक। दिस इंक्लूड थॉर्नी ब्रशिश बुशिश कैक्टी लॉन्ग रूटेड वायरी ग्रासेस डेट पाम्स। ठीक है, अदर इंक्लूड्स जो क्रॉप्स अगर यहाँ पे उगती तो मेज होगी, बारले केन शुगर फ्रूट्स वेजिटेबल। ठीक है, देखो केन शुगर इसलिए कह दिया होगा, वैसे उगता नहीं, पर क्या कहाँ हो गया केन शुगर डेजर्ट में, जहाँ पे पानी मिल जाएगा, तो ये उस तरीके से लिखा हुआ है जैसे इंदिरा गांधी कैनाल बनाई थी वहां पे। ठीक है, तो यमुनानगर में शुगर केन उगाने लग गए। तो डेजर्ट सॉइल वैसे तो फर्टाइल होती है, लेकिन जहां पे उसको पानी चाहिए बस, तो जहां पानी हो जाएगा वहां पे इवन कॉटन भी उगा लेते लोग। ठीक है, और वहां पे इवन ये शुगर केन उगा, उस सेंस में लिखा हुआ है कि कल्टीवेशन अगर डेजर्ट है पानी आ जाएगा उनको, तो इंदिरा गांधी कैनाल का एग्जाम पर्टिकुलर इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अदर क्रॉप्स इंक्लूड, तो मेनली तो क्रॉप्स ही होते हैं, मेज बारले बाजरा। ठीक है, कुछ फ्रूट्स हो जाते हैं, पर अगर पानी अवेलेबल करते तो शुगर केन मिल सकती है। डेजर्ट फौना क्या है, डेजर्ट फॉक्स कैमल स्कॉर्पियन, ठीक है, लिजर्ड एंटीलोप। अगला हमारा जो बायोम है दैट इज द मेडिटेरेनियन बायोम। इसकी क्या खासियत है, एक वर्ड विंटर, विंटर रेनफॉल, बस ये वर्ड याद रखना, कीवर्ड पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पे विंटर में होगी रेनफॉल, भाई रेनफॉल तो हर जगह हो रही, कई जगह हो रही है, पर यहाँ पे खासियत क्या है, विंटर में होती है रेनफॉल। रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्यों होती है विंटर में रेनफॉल, ये क्या है, थोड़ा सा गलत हो गया, Yeah.
दोबारा देखते हैं। देखो होता क्या है, विंटर के टाइम पे क्या होगा, सन कहां पे रहेगा आपका, सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में आपका, जैसे मान लो अराउंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के अराउंड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब आपका सन है तो जो इक्वेटोरियल बेल्ट्स है वो क्या होंगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये रीजन जो आता है ना लगभग आपका, ये रीजन होता है आपका सन के अराउंड होता है आपकी ईस्टरली के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। और जो ये वाला रीजन है ये हो जाता है आपका वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में। तो जो ग्रेन्स यहां से जाएंगे ओशन से, तो दे बियर द वॉटर, मॉइस्चर टेक द मॉइस्चर एंड रिलीज एयर। तो मेन क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट के कारण क्या हो रहा है आपका, जो मेडिटेरेनियन रीजन है इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑन शोर, पानी से आ रही ऑन शोर वेस्टर्ली विंड्स, तो इसलिए यहाँ पे होते हैं विंटर में रेनफॉल। और जब गर्मी होगी तो सन कहाँ पे आता है आपका, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कैप्रिकॉर्न यहाँ के अराउंड, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी बेल्ट। अब जब बेल्ट ऊपर शिफ्ट हो गई है, ठीक है, तो भले ही क्या रहेगा इसमें, इसमें तो जब बेल्ट यहां से ऊपर हो गई शिफ्ट, तो अब इधर से कौन सी विंड्स आएंगी, ईस्टरली। अब ये ईस्टरली विंड्स कहां से आ रही है, कॉन्टिनेंट से, तो पानी रहता नहीं है, तो समर में क्या रहता है यहां पे, ड्राई रहते हैं, और विंटर में रहती है रेनफॉल, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स हो रहे हैं। आ रहे हैं, करवाया था क्लाइमेटोलॉजी में, बस ठीक है, इतना याद रखूंगा। तो ये, और दूसरी बात मैंने बताई थी मेडिटेरेनियन सी के अराउंड ही नहीं होता मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इवन ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर जो भी लैटिट्यूड में आ रहा है, तो यहाँ पे भी रहेगा आपका, ठीक है, कैलिफोर्निया, ठीक है, इधर आपका चिले में भी रहेगा, एंड देन द साउथ वेस्ट पोर्शन ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट पोर्शन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। ये रीजन हो गया आपके मेडिटेरेनियन बायोम के। अब सारी बातें वही है, 30-45 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, शिफ्टिंग ऑफ विंड पैल, विंटर बेल्ट्स, चिले, सदर्न और सारा लिंग एक बार शुरू में बता दिया, वही लिखा हुआ था, ठीक है। ये देख लो, इसमें कुछ एक एक बातें अच्छी मिल जाती है आपको, क्लियर स्काईज एंड हाई टेम्परेचर, हॉट ड्राई समर्स एंड कूल विंटर्स। विंटर्स कैसी है आपकी, वेट कूल, ठीक है, सॉरी वेट विंटर्स है आपकी। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन 35-90 बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ द वॉटर बॉडीज, द क्लाइमेट इज नॉट एक्सट्रीम। ये बात है, क्योंकि मेडिटेरेनियन आसपास के क्या है, पानी वहां पे क्या है आपका, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वॉटर, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट भी होता है यहाँ पे। अब तो कुछ चीजें कर लोगे ना, वहाँ पे लाइन आएगी तो भाई स्टेपी में, डेजर्ट में भी हो सकता है एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट है। जो क्लाइमेट कोस्टल के रीजन के पास है वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं मिलेगी आपको। इतनी बार हम चीजें कर रहे हैं तो बैठ जाती है दिमाग में, ठीक है, ठीक है। अब बताओ वो गौरव, बताओ स्टोनी डेजर्ट को क्या बोलते हैं, स्टोनी डेजर्ट हमारा रेग, रेड स्टोन याद आना चाहिए। और सैंडी डेजर्ट को क्या बोलते हैं, हाँ, रॉकी डेजर्ट को, बस ठीक है, अब हो गया ना याद एक बार में। रेनफॉल ठीक है, देखो ड्राई समर, ड्राई वार्म समर विद द ऑफशोर ट्रेड विंड्स विच पोजेस रिस्क ऑफ द वाइल्ड फायर्स एज सीन इन द कंट्रीज लाइक। अब मैंने आपको बताया था ऊपर जब गर्मी थी तो क्या था, वहां पे ईस्टरली आ रही थी, ऑफशोर हो गई थी, अब ऑनशोर नहीं है क्योंकि वेस्टर्ली ऑनशोर थी ये, तो आपको ये भी पता, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेस्टर्ली दे आर ऑनशोर क्योंकि शोर से जा रही है, वो ऑफशोर है, ठीक है ना, ऑफशोर है, ड्राई है, तो क्या होगी वहां पे फॉरेस्ट फायर होगी। तो फॉरेस्ट फायर मेडिटेरेनियन में कब होती है, समर्स के अंदर, बस ये बात। रेनफॉल कब होगी, वेस्टर्न टर्न्स व्हेन द वेस्टर्ली टर्न्स इक्वेटर वर्ड्स इन द विंटर, द मेडिटेरेनियन रीजन एक्सपीरियंस द मेजोरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, स्मॉल ट्रीज विद ब्रॉड लीव्स हैव वाइडली स्पेस्ड ब्रांचेस एंड दे आर नेवर वेरी टॉल, तो बहुत वाइडली होते हैं, खुली खुली ब्रांचेस होंगी तो शेड ज्यादा नहीं होती इन ट्रीज की, ये ध्यान रखना, दे हैव वेरी वाइडली स्पेस्ड ब्रांचेस। वन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी एरिया इज दैट द एब्सेंस ऑफ शेड, तो बहुत कंजेस्टेड नहीं होती ब्रांचेस, खुली खुली होती तो शेड नहीं होती ट्रीज ज्यादा, ठीक है। प्लांट्स कॉन्स्टेंटली बैटल हीट, ड्राई एंड हाई वेपोरेशन एंड प्रोटेक्टेड ड्रॉट, तो दे आर ड्रॉट टॉलरेंट, ड्रॉट मल्टीन एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो कई जगह पे अगर जहां पे बारिश की कंडीशन ज्यादा होती है वहां पे मल्टीन एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं, ठीक है। दीज आर ओपन वुडलैंड्स विद एवरग्रीन ऑक्स,
कौन सा ट्री यहाँ पे ओक, दे कैन ओनली बी फाउंड इन द एरिया विद फेवरेबल क्लाइमेटिक, सब में नहीं जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है। द ट्रीज आर नॉर्मली लो इवन स्टंटेड विद मैसिव ट्रंक्स, स्मॉल लेदरी लीव्स एंड वाइड स्पेसिंग वाइड स्प्रेडिंग रूट सिस्टम इन सर्च ऑफ वाटर, तो बड़ी बड़ी रूट्स होंगी इन सर्च ऑफ वाटर। ऑस्ट्रेलिया में यूकलिप्टस फॉरेस्ट रिप्लेस द एवरग्रीन ओक, तो यहाँ पे हमारे ओक को रिप्लेस किया पाइन ने मतलब हिमालयाज में। अगर ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम्पल देना आपको स्पीशीज कंपोजिशन का चेंज का कभी, तो ये दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूकलिप्टस ने रिप्लेस किया है वहां पे ओक को, ठीक है, एवरग्रीन ओक को। ग्रास कंडीशन डू नॉट सूट द ग्रास बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेन्स कम्स इन द कूल सीजन व्हेन द ग्रोथ इज वेरी स्लो। तो यहाँ पे देखो अब आरएन डिस्टिंक्शन, स्टेपी में आप ग्रासेस ज्यादा करोगे, यहाँ पे मैटर भाई ट्रीज होते हैं उनकी ज्यादा शेड भी नहीं होती, खुली खुली ब्रांचेस होती हैं, पर ग्रासेस होती है यहाँ पे क्योंकि गर्मी में तो बारिश हो नहीं रही, यहाँ पे सर्दी में बारिश हो रही है, उस टाइम की ग्रोथ होती नहीं ग्रास की, तो ग्रासेस कम होती है। तो टेम्परेचर या फिर प्रेसिपिटेशन दे आर इन्फ्लुएंसिंग द वेजिटेशन। तो अगर घास नहीं होगी तो क्या होगा, एनिमल रियरिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ विच देर इज एनिमल रियरिंग इज नॉट फ्रीक्वेंट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी नहीं है तो फिर कल्चर भी ऐसा नहीं होगा डेवलप, क्योंकि पेस्टोरल रूम का कल्चर अलग होता है। अगेन द क्लाइमेट द सॉयल द वेजिटेशन द प्लांट दे आर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज फर्दर डिटरमाइनिंग द कल्चर। सोच के देखो इतने अलग अलग जगह कंपाइल भी कर लेंगे और क्वेश्चन आ भी गया पेपर वन के अंदर कि क्लाइमेट एंड या बायोम्स दे डिटरमाइन द कल्चर ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो लिख दोगे आप अलग अलग जगह से कुछ फैक्टर्स लिखोगे, फिर अलग अलग एग्जाम्पल दिखाओगे आप, यहाँ पे सर देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्चर्ड फार्मिंग होती है, ठीक है, विटीकल्चर वाइन कलर, ठीक है, वाइन ग्रेप्स की कल्टिवेशन, ठीक है। द मेडिटेरेनियन रीजन लैंड्स आर नोन एज द वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड लैंड्स, वाइड रेंज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं सच एज ऑरेंजेस लेमन्स एंड ग्रेप फ्रूट। तो यहाँ पे सिट्रस होंगे फ्रूट्स, ठीक है, ग्रेप्स कल्टिवेशन होगी, ऑरेंजेस होंगे, ऑलिव्स होंगे, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है वाइन के, वो एक बार याद कर लेना, ठीक है ना। शैंपेन कहाँ कुछ और बोलते हैं, कहाँ पे कुछ और, चार पाँच है वहाँ पे वाइन के। Of all the cultivated vegetation in the Mediterranean, the olive tree is undoubtedly the most typical. तो यहाँ की जो typical अलग तो यहाँ मैक्स हो गया olive, ठीक है, क्योंकि भाई citrus fruit और कई जगह भी होते हैं, पर typical जो vegetation है Mediterranean that is the olive. Chestnut, walnuts, hazelnuts and almonds is wheat, barley. Transhumans and sheep rearing भी practice होती है यहाँ पे। Transhumans पता है ना, एक सीजन में कुछ लोग यहाँ रहते हैं फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं तो अगले सीजन में, जैसे यहाँ पे गद्दी और बकरवाल है, सर्दी में they come to the जम्मू एरिया है ना, डाउन वैली में, ठीक है, फिर जब गर्मी होती है दे मूव टू द हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसीजनल माइग्रेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग नोन एज ट्रांसहुमेंस, वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। ये याद करना है अपने को, ठीक है, कि मेडिटेरेनियन रीजन में भी डिफरेंट वेजिटेशन है, ठीक है, उसको भी याद कर लेंगे। तो जैसे मैकिस, फिम्बोस, चपराल, मटरोल, ये चारों याद रखने अपने को, बस ये करना है कि कौन सी कहाँ पे होगी, लगभग सेम ही रहेगी, कि मेट्रोल कहाँ पे है, मैक्विस कहाँ पे है, फिनबोस कहाँ पे है और चपराल कहाँ पे है, ठीक है। मैक्विस अ टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट कंसिस्ट ऑफ डेंस एवरग्रीन श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज, इट इज फाउंड इन द मेडिटेरेनियन सी कोस्टल रीजन, टिपिकल इन द फ्रांस इटली, जब कर लोगे तो इसको भी कोड से करेंगे, ठीक है, एम से एम। तो मेडिटेरेनियन रीजन के अराउंड क्या है आपका, आपका मैक्विस, तो फ्रांस, इटली, स्पेन, वो सारी क्या है मेडिटेरेनियन रीजन के राउंड है। फन करना चाहिए सोच समझ के, सो साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका में, पर फन करना चाहिए सोच समझ के, ठीक है ना। तो फन को करो सो से साउथ, फन करो सोच समझ के सो, तो साउथ अफ्रीका आएगा फिन बॉस से, ठीक है। सी से चपराल, तो सी से सी कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया वाले को बोलोगे आप, ठीक है, चपराल। और मेट्रोल का है आपके चिले में, तो चिल नहीं करना, चिल मत करो कोड के लिए, कोड के लिए चिल मत करो अभी पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो चिल मेट्रोल मत करो। एम एम से जो दूसरा एम बच गया मेडिटेरेनियन मैकेस हो गया, चपराल सी से चिले कर दोगे, ठीक है। फन का नहीं करना था, फन सोच समझ के करना था, साउथ अफ्रीका हो गया, तो चारों वेजिटेशन होगी, चारों याद है। फन फिम्बोस का है, फिनबोस, ठीक है, मेट्रोल चिल नहीं करना, ठीक है, ठीक है, मैकिस एम एम मेडिटेरेनियन, ठीक है, और चपराल बहुत बढ़िया चीज याद है, ये लिख दिया मैंने, कर लेना इसको। अगला बायोम है टाइगा,
तो देख रहे हो, यहाँ पे हमने इक्वेटोरियल वाले कर लिया, उसके बाद फिर सवाना कर लिया, टेम्परेट कर लिया, ये सॉरी ग्रासलैंड वाला कर लिया, अब ऊपर पहुंच गए टाइगा, उसके ऊपर क्या बचेगा, टुंड्रा, खत्म। ऑल्सो नोन एज बोरियल क्लाइमेट और द टाइगर क्लाइमेट और द साइबेरियन क्लाइमेट, इट स्ट्रेचेज अलोंग द कंटिन्यूअस बेल्ट है, देखो यहां से नॉर्थ अमेरिका पूरा और ऊपर सिंगल, मतलब काफी ट्रीज, ये ग्रास लैंड नहीं होगा यहाँ पे, ट्रीज होंगे टाइगर में, बोरियल फॉरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। ग्रास लैंड तो इसके नीचे था स्टेपी, और इधर क्या था प्रेरी, तो ग्रास लैंड से ऊपर वाला एरिया आ गया अपना, जहां पे क्या मिलेगा आपका बोरियल क्लाइमेट या फिर टाइगर क्लाइमेट। इट स्ट्रेचेज अलोंग द कंटिन्यूअस बेल्ट अक्रॉस सेंट्रल कैनेडा, सम पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेवियन। हाँ भाई, स्कैंडिनेविया कौन सा एरिया है? हाँ ठीक है, दिस रीजन इज द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, यहाँ पे दिखाया था ना उसने मैंने आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे समझ गए सब। इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द ग्रेट स्पेस एक्सटेंशन, तो जो टाइगर रीजन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर तो लैंड ही नहीं उस एरिया में उस लैटिट्यूड पे, तो इज फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एब्सेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द नैरोनेस ऑफ द हाई लैटिट्यूड्स, लैंड कम है हाई लैटिट्यूड पे, वहां पे टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होता जाएगा है ना, पर यहाँ पे रेनफॉल है सॉरी। समर्स आर ब्रीफ एंड वार्म रीचिंग 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज विंटर्स आर लॉन्ग एंड ब्रूटली कोल्ड, 30-45 माइनस डिग्री पहुंच जाता है टेम्परेचर। ऑल ओवर द रशिया नियरली ऑल रिवर्स आर फ्रोजन इन नॉर्मल ईयर, वोल्गा इज आइस कवर्ड फॉर अबाउट 150 डेज, तो वोल्गा रिवर ये सब क्या होते हैं, आइस फ्रोज होते हैं। परमा फ्रॉस्ट आर जनरली एबसेंट, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि टाइगर रीजन में क्या होता है, परमा फ्रॉस्ट कंडीशन नहीं होती है, टुंड्रा में मिलेगी आपको, बस ये याद रखना है। परमा फ्रॉस्ट मतलब कि जो सॉइल है कंप्लीटली फ्रॉस्ट फ्रोजन है, देखो होता गया है। परमा फ्रॉस्ट आर जनरली एबसेंट, स्नो इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये आपका टाइगा और ये है टुंड्रा, तो बस ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। टाइगा में क्या आपका परमाफ्रोस्ट नहीं है और यहाँ पे टुंड्रा में आपका परमाफ्रोस्ट है। परमाफ्रोस्ट क्या होता है, जैसे ये लैंड है ठीक है, तो इसके जो नीचे की पूरी सॉइल है ये क्या होगी, पूरी फ्रोजन होगी ठीक है, ये ऊपर पूरा क्या है फ्रोजन, तो पूरा कंप्लीट फ्रोजन नहीं होता टाइगा में, टुंड्रा में होता है, वहां पे सेव ही लगेंगे रास्ते में, टाइगा में भी होता होगा, टाइगा में नहीं होता है ठीक है ना। परमाफ्रोस्ट आर जनरली एब्सेंट एज स्नो इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्रोटेक्ट्स द ग्राउंड फ्रॉम द सीवियर कोल्ड अबाउ, तो ऊपर क्योंकि यहाँ पे स्नो होती है ठीक है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो अगेन ठंड नीचे जा ही नहीं पाती, तो परमाफ्रोस्ट रीजन नहीं होता टाइगा में, याद रखना। और रेनफॉल कैसी होती है, फ्रंटल डिस्टर्बेंस कभी हुए होते हैं ठीक है, समर में थोड़ी ज्यादा होगी, बाकी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है रेनफॉल यहाँ पे। नेचुरल वेजिटेशन, द प्रीडोमिनेंस ऑफ दिस बायोम इज द एवरग्रीन कोनीफेरस फॉरेस्ट, मैंने कहा फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, एवरग्रीन कोनीफेरस फॉरेस्ट, द एग्जांपल द कोनीफर्स, द टाइगा इन साइबेरिया इज द लार्जेस्ट सिंगल बैंड ऑफ द कोनीफेरस फॉरेस्ट, सबसे बड़ा काम है साइबेरिया में। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका की बेल्ट भी है, इन द प्रोडक्शन में किसमें हेल्प करते हैं, वुड पल्प में, यूएसए इज द लार्जेस्ट लीडर इन द वुड पल्प। देर आर मेजर स्पीशीज ऑफ द इन द कोनीफेरस फॉरेस्ट, पिन, पाइन, फर, स्प्रूस और लार्च। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आइसोलेशन होने के कारण ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, पर लंबरिंग एक्टिविटीज और बाकी चीजें ठीक है, लॉगिंग लंबरिंग ही होगा सिंस, और कई जगह पे क्या होता है फर बियरिंग एनिमल से उनको पकड़ा जाता है, तो उनकी स्किन का फर का हो, ये सब प्रॉब्लम्स क्या है, फॉरेस्ट फायर, ऑयल स्पिल ठीक है, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ प्लांटेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, तो अलास्का में भी एक लाइन लीक होगी दीवार ठीक है, तो ऑयल स्पिल पाइपलाइन इन द वेस्टर्न कैनेडियन प्रोविंस हैज लीक 2 लाख लीटर्स ऑफ ऑयल इन द एबोरिजिनल, और उससे क्या हुआ एबोरिजिनल कम्युनिटी को भी इफेक्ट हुआ, तो मैंने पहले भी बताया था जब भी पेड़ कटेगा या कुछ होएगा तो वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है उनको इफेक्ट पड़ता है। टाइगा एनिमल्स आर बींग किल्ड एंड कॉट फॉर देयर फर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से भी वहां पर नुकसान हो रहा है, तो ये हम बता रहे क्या, इससे और ऊपर हम लैटिट्यूड में चले गए, दैट इज द टुंड्रा ठीक है, टाइगर से ऊपर टुंड्रा, तो यहाँ पे जो लैंड होगी दैट इज द परमाफ्रोस्ट, तो परमाफ्रोस्ट कहाँ पे होती है, टुंड्रा में, टाइगर में नहीं होती है। टेम्परेचर इट इज कैरेक्टराइज बाय वेरी लो मीन टेम्परेचर ठीक है, इन मिड विंटर टेम्परेचर आर एज लो एज -42 -40 -50 ठीक है। फ्रॉस्ट अकर्स एज टाइम एनी टाइम एंड एट टाइम ऑफ ब्लिजर्ड, तो ब्लिजर्ड्स पता है ना बहुत ठंडे तूफान होते हैं, रीचिंग अ वेलोसिटी ऑफ 130 माइल्स एन आवर फ्रीक्वेंट, द बायोम इज शॉर्ट ग्रोइंग सीजन बहुत फॉलोड बाय हार्श कंडीशन दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द रीजन नीड स्पेशल एडेप्टेशन टू सर्वाइव, तो ये तो और
जैसे बोरियल और जो टाइगा था वहां तो फॉरेस्ट होते थे, यहाँ पे नहीं होते कुछ फॉरेस्ट होंगे। यहाँ तो छोटे छोटे मिलेंगे आपको लाइचेंस, मॉसेस, ऐसे कुछ छोटे छोटे, ठीक है। द एनिमल्स टेंड टू हैव थिकर एंड वार्मर फेदर एंड फर, ये याद रखना, ठीक है ना। तो दे हैव थिकर एंड वार्मर फेदर फर, मेनी ऑफ देम हैव द लार्ज बॉडीज, ये एडेप्टेशन है यहाँ पे। बॉडी लार्ज रहेगी, कान छोटे रहेंगे, सरफेस के बिल्कुल पास रहेंगे। पोलर बियर देखो, उसके पेट के उसमें ज्यादा गैप नहीं होता सरफेस में, ताकि हीट कंजर्व रहे। गर्मियों जहां पे गर्मी होती है डेजर्ट, वहां पे जो एनिमल रहेंगे वो ऊंचे रहेंगे, दूर रहेंगे। कैमल को देखो, ये एडेप्टेशन है सारी, ताकि हीट से दूर रहे थोड़ा, वो हीट को कंजर्व करते हैं। इनके कान वान छोटे रहेंगे, खरगोश के कान बड़े हैं, ठीक है, हीट फटाफट रेडिएट करो। यहाँ पे पोलर बियर के कान छोटे रहेंगे, तो ये एडेप्टेशन है। मेनी ऑफ देम हैव लार्जर बॉडीज एंड शॉर्टर आर्म्स, लेग्स एंड टेल्स व्हिच हेल्प देम रिटेन देयर हीट बेटर एंड प्रिवेंट द हीट लॉस। मेनी ऑफ द बर्ड्स ऑफ द टुंड्रा आर टू कोट्स ऑफ, कई फेदर होती है ठंड से बचाने के लिए उनको। मेनी ऑफ द एनिमल्स ऑफ टुंड्रा हैव फीट दैट आर लाइन विद फर, ठीक है। सम ऑफ द एनिमल्स ऑफ द टुंड्रा विल हाइबरनेट, कुछ हाइबरनेट करते हैं, है ना, फॉर विंटर, एंड विल अदर्स विल बरो लैम्बिंग शुरू, ठीक है। तो ठंड के टाइम पे बाहर निकलते नहीं, सो जाते हैं आराम से अपना, दे हाइबरनेट। और जो प्लांट्स डेजर्ट, एनिमल डेजर्ट में रहते हो, क्या करते हैं उस टर्म को, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हाइबरनेशन, जो ठंडे एरिया में एनिमल्स करते हैं, मल गया अपना रेस्ट करते हैं, सर्दियों में बाहर निकलते हैं। तो ऐसे गर्मी में डेजर्ट में भी होता है कि जो एनिमल्स है वो गर्मियों में बाहर नहीं निकलते, ठीक है ना, उस टर्म को क्या बोलते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स ऑफ द टुंड्रा दे विल हाइबरनेट, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। सुना एस्टिवेशन तो? एस्टिवेशन देख, मेरे को तो ये याद रहा है एस्टिवेशन नहीं थी। डोरमेंसी होते इंसेक्ट्स में, फीड में इन द हॉट पीरियड, हाँ ठीक है, फिश में भी दिखा रखा है लेकिन उनमें भी होते हैं। तो हॉट पीरियड के टाइम पे जो करते हैं ना, दैट इज एस्टिवेशन, एस्टिवेशन नाम, ठीक है। तो टर्म्स वहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, हाइबरनेशन का होता है ठंडे एरिया में एनिमल्स करते हैं, ठीक है, और जो डोरमेंसी फॉर्म में करते हैं दैट इज द एस्टिवेशन। तो टर्म्स पता होनी थी जो आपको, हाँ ठीक है, ब्रूमेशन कर लो उसको रेप्टाइल्स के अंदर। तो ये टर्म्स अलग अलग एनवायरमेंट में करेंगे, कवर इधर को याद आ गया यहाँ पे, इसमें बता दिया हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ठीक है, ओके थैंक, ठीक है, ये हो गया आपका। फाउना, ब्राउन बियर, पोलर बियर, ये देख लो, कैरिबू, मॉसेस, वुल्वरीन, लाइंग्स, आर्कटिक फॉक्स, रेड फॉक्स, ये सब होते हैं आपके फाउना। पेंगुइन्स भी होते हैं दैट लिव इन द एंटार्क्टिका, बताया था मैंने, पोलर बियर लिव्स इन द नॉर्थ पोल, आर्कटिक, एंटार्क्टिका में को रहती है पेंगुइन्स, दे नेवर मीट। डिस्ट्रीब्यूशन, इट फॉर्म्स इन द टू डिस्टिंक्ट कोल्ड एंड ड्राई रीजन, आर्कटिक टुंड्रा। अब ये मैं जो बता रहा था ना आपको, जो ठंडा क्लाइमेट है या टुंड्रा हो गया, दो जगह मिल सकता है, या तो आर्कटिक रीजन में बिल्कुल ऊपर पहुंच गए आप, या फिर एल्पाइन रीजन में जहाँ पे हाइट में एल्टीट्यूड में, तो एल्टीट्यूड वाइज वेरी करेगा और लैटीट्यूड वाइज भी। तो हाई लैटीट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड दोनों में मिल सकता है टुंड्रा, ठीक है। तो हाई लैटीट्यूड की बात करें तो अलास्का, कैनेडा, रशिया, ये सब हाई लैटीट्यूड, आइसलैंड ऊपर वाले। हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो हिमालय हो गए जैसे, ठीक है ना। अल्पाइन टुंड्रा, ये अल्पाइन वाला, इज फाउंड एट द हाई एल्टीट्यूड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स वेयर द नाइटली लो टेम्परेचर इज बिलो जीरो। प्रेसिपिटेशन मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो या स्लीट, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन, देर आर नो ट्रीज फाउंड इन द टुंड्रा, लाइचेंस और मॉसेस ये मिलेंगे, ट्रीज मिलते हैं, रेनडियर मॉस हो गया एंड टफ ग्रासेस, बेरी बियरिंग बुशेज होंगी, ठीक है, आर्कटिक फ्लावर्स फ्लावर्स होंगे, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी जो भी लिमिटेड है अराउंड द कोस्ट होगी, बाकी तो क्योंकि अंदर फ्रोजन है पूरा, ठीक है। सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं, एस्किमोज होते हैं एंड दे लिव इन द इग्लूज। तो जो, ठीक है, देयर फूड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फिश, सील्स एंड पोलर बियर्स। मिनरल क्या मिलता है यहाँ पे, पेट्रोलियम, गोल्ड, है ना। अब आयरन डिपोजिट मिल रहा है लैब्राडोर में। न्यू पोर्ट्स इन द आर्कटिक सी बोर्ड, अब क्लाइमेट चेंज के कारण, मेल्टिंग ऑफ आइस के कारण नए नए पोर्ट आ रहे हैं आर्कटिक रीजन में, तो उससे क्या हो रहा है, टिम्बर विम्बर का ट्रांसपोर्ट इजी हो रहा है टू द यूरोपियन कंट्रीज। प्रॉब्लम्स क्या है, एयर पोल्यूशन, ठीक है, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अब ये डिफरेंस देख लेते हैं हम, कि हमने बार बार कह रहे हैं कि आर्कटिक जो टुंड्रा है और जो एल्पाइन टुंड्रा है उनमें डिफरेंस क्या है। तो पहला है बेसिस, किस बेसिस पे है,
टुंड्रा आर्कटिक्स टुंड्रा जो आर्कटिक टुंड्रा इट इज ओनली लिमिटेड टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि भाई सदर्न हेमिस्फीयर तो उस पर लैंड ही नहीं ना, हम नीचे आके तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जो अल्पाइन टुंड्रा है वो कहीं भी मिल सकता है, बस उसकी हाइट मिल जाए उसको, ठीक है। तो दे कैन फाउंड एनीवेयर वेयर देयर आर हाई एल्टीट्यूड ऑन द अर्थ। सेकंड पैरामीटर क्या आपका, पहला हो गया बेसिस हो गया, ठीक है, सॉरी लोकेशन हो गया, दूसरा हाँ बताओ, टुंड्रा में बायोम में नहीं आएगा फिर उपाधि, तो बायोम की बात करते हैं, बिल्कुल तो है ही नहीं, तो डेजर्ट है पूरा, बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। और अब क्या है बेसिस का, लोकेशन कर लिया हमने, लोकेशन क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका टेम्परेचर, तो कूलर समर्स हैज 3 to 16 degrees, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, नो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग सीजन, ऑल्दो विंटर्स आर कोल्ड, मोर ओवर क्लाइमेट कंडीशन कोल्ड कुड ड्रास्टिकली चेंज विद इन द डेज। तो यहाँ पे थोड़ी जो एल्पाइन वाले में कम है एक्सट्रीम्स, वहां पे थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, जो आपके उसमें आर्टिक वाले में। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लो है, ऊपर तो बिल्कुल ही होती है आर्टिक वाले में, एल्पाइन वाले में थोड़ी प्रेसिपिटेशन कंपेरेटिवली ज्यादा है, इससे प्रेसिपिटेशन हायर इन कंपेरिजन टू द आर्टिक। सॉइल आर्कटिक टुंड्रा हैज फ्रोजन सब लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड एज परमाफ्रोस्ट, अल्पाइन टुंड्रा हैज स्नो कवर्ड ग्राउंड बट परमाफ्रोस्ट इज एब्सेंट। तो जहां पे स्नो कवर्ड ग्राउंड आ जाएगा ना, जैसे टाइगा में था, तो जहां पे स्नो आ जाती फिर वो हीट को जाने नहीं देती, मतलब ठंड है तो ठंड को अंदर जाने देगी, स्नो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वहां पे क्या होगा परमाफ्रोस्ट नहीं होता। तो अल्पाइन वाले में परमाफ्रोस्ट नहीं होगा टुंड्रा में, आर्कटिक वाले में होगा परमाफ्रोस्ट, क्योंकि वहां पे स्नो कवर नहीं है, ये ना। आर्कटिक टुंड्रा हैज फ्रोजन सब लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड एज परमाफ्रोस्ट परमानेंटली वेदर द ग्राउंड इज कवर्ड इन स्नो और नॉट। तो हो चाहे ना हो, स्नो तब भी हो चाहे ना, पर यहाँ परमानेंटली आपका परमाफ्रोस्ट रहता है आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन वाला नहीं रहता है। तो पहला क्या था, लोकेशन, फिर हमने टेम्परेचर देखा, ठीक है, फिर हमने प्रेसिपिटेशन देखा, वो ज्यादा किसमें था आपका आर्कटिक अल्पाइन में ज्यादा था। फिर हमने क्या देखा, फोर्थ वाला पार्ट आपका परमाफ्रोस्ट, परमाफ्रोस्ट अल्पाइन में है, आर्कटिक में है, अल्पाइन में नहीं है, ठीक है। फिर अब लास्ट, अब अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें, तो यहाँ पे क्या है आपकी वाइल्ड लाइफ, आर्कटिक टुंड्रा इज कैरेक्टर वाइल्ड लाइफ एडेप्टेड टू द रीजन, जैसे पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक सील्स, ठीक है। अल्पाइन टुंड्रा की जो वाइल्ड लाइफ वो डिपेंड करेगी वो किस लोकेशन पे है, भाई अगर किलिमंजारो केनिया में है, हिमालयाज में है, तो हमारे जो माउंटेन जहाँ पे हाइट कहाँ बढ़ रही है, तो वहाँ की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कैसी वाइल्ड लाइफ मिलेगी, क्योंकि वो कहीं अल्पाइन टुंड्रा इज नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन, तो वाइल्ड लाइफ डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। और आर्कटिक वाला टुंड्रा तो वहीं पे फिक्स है, तो वहां पे क्या क्या मिलेगा, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक सील्स, ये दोनों के डिफरेंस। नेक्स्ट बायोम आपका माउंटेन बायोम, तो बात करें अगर माउंटेन बायोम की, तो डिफरेंट माउंटेन्स आपके रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, इधर हिमालयाज हो गया, ठीक है ना। एज अ होल 24% ऑफ द अर्थ लैंडमास इज माउंटेनियस। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, हार्श एनवायरमेंट होता है हायर एल्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है, कंडीशन जनरली हार्श होती है, ट्रीलेस अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी आपको हायर एल्टीट्यूड पे, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पे, सॉरी लोअर स्लोप्स इन, और जो लोअर स्लोप है वहां पे ट्री मिल जाते हैं, जैसे हाइट पे जाएंगे वहां पे कम है। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लो, हिमालयाज हो गया, कोकस माउंटेन, जो जो माउंटेन सब वो है ना। ये क्लाइमेट कैसा है, माउंटेन एनवायरमेंट हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स फ्रॉम द सराउंडिंग लोलैंड एंड हेंस वेजिटेशन डिफर। तो जो सराउंडिंग लोलैंड है उससे तो अलग ही क्लाइमेट है, बिकॉज हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, और जो एक साइड होती है जहां पे रेन एयर राइज कर रही है और बारिश होगी, दैट इज द विंडवर्ड साइड, तो वहां पे अलग वेजिटेशन मिलेगी। फिर दूसरी साइड क्या होगा, डिसेंड करेगी एयर, ठीक है, तो दैट इज लीवर्ड साइड, तो वहां पे वेजिटेशन डिफरेंट होगी। तो विंडवर्ड साइड और रेन साइड हो या फिर लीवर्ड साइड, दोनों साइड पे अलग अलग वेजिटेशन और आपकी क्लाइमेट होगा, ठीक है। फ्लोरा कैसे होता है, पाइन्स, फर, स्प्रूस। फाउना में आपके जो भी आसपास के एनिमल होंगे, माउंटेन्स फाउना इज लेस डिस्टिंक्टिव देन द फ्लोरा ऑफ द सेम प्लेसेस एंड यूजुअली रिफ्लेक्ट द रीजनल फाउना। तो अगर मान लो तेंदुआ नीचे वहां पे आसपास घूम रहा है, तो ऊपर ही पहुंच जाएगा, तो आसपास का जो एरिया होगा ना वही फाउना मिलेगा वहां पे, जिस एरिया में माउंटेन है, ठीक है। एग्जाम्पल, लार्ज मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन एंड एशियन माउंटेन्स लैंड्स इंक्लूड डियर, बियर, वुल्फ। तो आसपास के जो लैंड के एनिमल्स हैं वही वहां पे मिलते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे है, अगर एनवायरमेंट में बात करें, तो माउंटेन्स आर जनरली लेस प्रेफरेबल फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन, प्लेन से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। मिनरल्स मिलते हैं, माइनिंग होती है, टूरिज्म है, और दिए क्या, माउंटेन्स स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दे एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्रीज। माउंटेन्स आर फ्रीक्वेंटली व्यूड एज इन जियोपॉलिटिक्स एज अ डिजायरेबल नेचुरल बाउंड्रीज बिटवीन द पॉलिटीज।
माउंटेन्स को सेक्रेड ग्रुप्स किया है ना, या सेक्रेड पोजिशन प्लेसेस भी है, जैसे ग्रीस के माउंटेन माउंट ओलंपस, ठीक है, विच इज हेल्ड एज द टू बी द होम ऑफ द गॉड्स। जापान के अंदर माउंट फ्यूजी हेल्ड टू बी सेक्रेड, तो इनको सेक्रेड की तरह ट्रीट करते हैं माउंटेन्स को। हिमालयन पीक ऑफ द नंदा देवी हो गया। प्रॉब्लम्स आपको बताइए, वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल बायोम है ऑफ द वर्ल्ड, वाटर मैनेजमेंट, डिफोरेस्टेशन, सोयल डिग्रेडेशन, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म बढ़ रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज, लैंड यूज चेंज कर दिया, क्लाइमेट चेंज के कारण होती है, बेसिक वही बातें सारी इसमें, ठीक है। लास्ट बायोम हमारा एक्वेटिक बायोम, ठीक है। तो एक्वेटिक में एक फ्रेश वाटर बायोम होगा, एक मरीन होगा, मजबूत से देखना। तो ये अलग अलग दिखा रखे मैंने कई जगह पे, लेक्स अंदर, ठीक है, फिर कुछ रिवर्स है, ये सारे एक्वेटिक बायोम के बाद फ्रेश वाटर हो गया ना, तो फिर आपका ऊपर हो गया, ठीक है, एस्चुरीज होंगी कई जगह पे, इंटर टाइडल जोन्स होंगे, कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स इंडिया में भी कोरल रीफ्स होंगे, सारे के आपके एक्वेटिक बायोम के पार्ट है। तो ये देख लेना कौन कौन से है, ओशनिक पेलाजिक, ठीक है, जो लेयर हमने की थी, एपिपेलाजिक, मेसोपेलाजिक, सब की ना याद है वो लेयर्स। अच्छा जी, सुनाओगे क्या फिर अभी? एपिपेलाजिक, उसके बाद क्या था, मेसोपेलाजिक, बैथोपेलाजिक, और बता दो, सारी बताओ शॉर्ट में। बताओ यार, कोड क्या है? अब बस हद है, हेड ऑफ याद आ गया ना, अब बस हद है वो है, तो कोड उससे, कोड से याद कर लोगे। अब मैंने बोला था ई से याद करना, अब ई से था एपिप्लाजिक, ठीक है ना, उसके बाद अब बैथोप्लाजिक, हेड लास्ट वाला हेडोप्लाजिक, ठीक है। एक बार उसको कोड को याद करना, कोड से सारे याद बनते थे ना, पांचों प्लाज, तो लेयर देखते याद आ रही चाहिए। एक्वेटिक बायोम इज द लार्जेस्ट ऑफ द बायोम, ठीक, कवरिंग अराउंड 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। द बायोम इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। लिखा हुआ तो मेरे रिपोर्ट देखे, अगर याद होगा पूरा ही कर देंगे, फिर वो याद भी करा दूंगा। फ्रेश वाटर बायोम, तो फ्रेश वाटर की बात करें तो आइस शीट के अंदर, आइस कैप्स के अंदर, ग्लेशियर्स के अंदर, आइसबर्ग्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, यहाँ पे मिलेगा आपका फ्रेश वाटर बायोम, ठीक है, रिवर्स में, ग्राउंड वाटर में। लेक बैकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड, कंटेनिंग 22-23% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। प्लांट्स और एल्गी आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रेश वाटर बायोम, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। फ्रेश वाटर की बात चल रही है, क्या वो एरिया में होगी, बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं, डीप हो जाता है, बहुत डीप है, मैं वही कह रहा हूँ, वो एरिया में होगी, ये बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं। तुम ये चीज देखो ना, ये ऐसे बोलना है, लेक बैकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ऐसा लिखा है, बाय वॉल्यूम, ये बहुत डीप है वॉल्यूम के हिसाब से, एग्जैक्ट पूरा पढ़ना है, वहां क्वेश्चन मत कर दियो गलत। मरीन बायोम, इट इज वन ऑफ दैट बायोम विच हेल्प्स इन द लाइफ प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग द टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट वेदर। अब देखो, एक तो फ्रेश वाटर किया था, उसमें दो तीन बातें, लेक्स वेक्स में हो गया, ठीक है ना, ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है। मरीन बायोम का क्या था आपका, कि जो ओशंस में है, जैसे कोरल हो गया, ये मरीन बायोम है, उसके साथ साथ इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है मरीन बायोम का ह्यूमन पे काफी पड़ता है, जैसे फिशिंग में हो गया, टेम्परेचर, मैंने बताया ओशनोग्राफी में कि जो लैंड के ऊपर टेम्परेचर है, रेनफॉल है, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है ओशन करंट्स के थ्रू, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रेन फॉर क्रॉप्स थ्रू एवेपोरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एयर थ्रू द वेव्स एंड करंट्स, एग्जाम्पल कोरल रीफ बायोम, ठीक है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट मेरे को बायोम कराना था, दैट इज द एस्चुरीन बायोम, जहाँ पे आपका सी वाटर और फ्रेश वाटर मिल रहा है, दैट इज द एस्चुरीन बायोम, उसको देखेंगे अपन, वो तो बेसिक कर लोगे आप, कोरल वो आपका फ्रेश वाटर मरीन बायोम, कोरल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अब एस्चुरीन बायोम देखते हैं, ये थोड़ा अलग है। और एक लास्ट में टर्म बताऊंगा, लेंटिक और लोटिक, वो क्या होते हैं पता ही होगा आपको, लेंटिक लोटिक, तो बस और देख लेंगे क्योंकि लेंटिक लोटिक से आया हुआ क्वेश्चन। तो एस्चुरीन बायोम क्या है, इट इज एन एरिया वेयर फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर मिक्सेस विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, तो जहां पे फ्रेश वाटर रिवर का सी के सॉल्ट वाटर से मिलता है वो बनती है एस्चुरी,
ठीक है, इट इज ट्रांजिशन जोन बिटवीन रिवर एनवायरमेंट एंड द मरीटाइम एनवायरमेंट। तो बेसिक समझ लो आप ऐसे, तो अगर ये आपका सी है ठीक है और ये रिवर आके इससे मिल रही है, तो यहां पे जो एनवायरमेंट बनेगा दैट इज द एस्चुरी एनवायरमेंट। तो ये ट्रांजिशन एनवायरमेंट होगा किसके बीच में, रिवर और सी के बीच में, जहां पे जो आपका मरीन का सैलिन वाटर मिल रहा है आपके फ्रेश वाटर के रिवर से, रिवर के दिस इज द एस्चुरी। ठीक है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एस्चुरी, कोस्टल प्लेन जो कोस्टल प्लेन में हो गए, ठीक है। दूसरा आपका टेक्टोनिकल एस्चुरी, अगर मान लो कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये लैंड नीचे चली गई और यहां से फिर मरीन वाटर आ गया, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण जो एस्चुरी बनती है उसको बोलते हैं हम टेक्टोनिकली एक्टिव। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी इफ द डिप्रेशन सिंक्स बिलो द सी लेवल ओशन वाटर मे रश इन एंड फिल द इट, तो ऐसे हो जाएगी टेक्टोनिक। तो पहली है कोस्टल प्लेन एस्चुरी, दूसरी टेक्टोनिक, थर्ड है बार बिल्ट, जो हमने स्पिट और बार किए थे, ये ग्लैंड फॉर्म किया था, तो उस बार के कारण जो एस्चुरी बन रही है। ठीक है, तो बार ऐसे फैल गया और यहाँ पे पानी आके मान लो फ्रेश वाटर भी आ रहा है, इधर से आपका सी वाटर है, तो बार के कारण जो पानी अगर इकट्ठा होकर एस्चुरी बना रहा है दैट इज द बार बिल्ट एस्चुरी। और दूसरा जो आपका है दैट इज नोन एज द फ्योर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में कराऊंगा फ्योर्ड्स। तो फ्योर्ड एस्चुरी कहां मिलेगी, जहां पे ग्लेशियर्स होते हैं, याद रखना। तो ग्लेशियर्स आए, ठीक है, उन्होंने डीप वैलीज बनाई, ठीक, जब वो ग्लेशियर वापस रिट्रीट करते हैं वापस, तो सी वाटर इंक्लूड करेगा अंदर, तो उसमें जहां पे जो एस्चुरी बनेगी दैट इज नोन द फ्योर्ड एस्चुरी, उसको डिटेल में देखते हैं। इसमें दो तीन टाइप की कोस्ट भी होती है, रिया कोस्ट और वो सब, उसकी जरूरत नहीं है, बस एस्चुरी देखो। फ्योर्ड्स, ठीक है, फ्योर्ड्स आर टिपिकली लॉन्ग नैरो वैलीज विद स्टीप साइड्स दैट आर क्रिएटेड बाय द एवलांचिंग ग्लेशियर, ये याद रखना है, दे आर लॉन्ग नैरो स्टीप वैलीज है दैट आर क्रिएटेड बाय द ग्लेशियर्स, ये एडवांसिंग ग्लेशियर, ये देखो ऐसी होती है। ठीक है, तो ग्लेशियर्स आए, अब पहले भी यहाँ पे ग्लेशियर होगा कभी ना कभी, ठीक है, अब वो मेल्ट हो गया तो यहाँ पे सी वाटर इंट्रूजन हो गया, तो यहाँ से ग्लेशियर का फ्रेश वाटर आ रहा है, यहाँ से मरीन वाटर आ रहा है, तो क्या बन गया एस्चुरी, ये होता है एस्चुरी ना, दिख रहा है यार, समझ में आ रहा है गौरव। द ग्लेशियर्स लीव डीप चैनल कार्व्ड इनटू द अर्थ विद अ शैलो नैरो सिल, एक बेडरॉक बना देते हैं वहां पे नियर द ओशियंस, व्हेन द ग्लेशियर रिट्रीट वापिस जाता है तो सी वाटर क्या करेगा, फ्लड्स द डीपली इनसाइज वैली क्रिएटिंग एस्चुरीज, फ्योर्ड्स टेंड टू हैव अ मॉडरेटली हाई इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द लैंड, ठीक है, इन कंपेरिजन वेरी लिटिल सी वाटर फ्लो इन टू द फ्योर्ड बिकॉज द सिल्स प्रिवेंट्स द डीपर सॉल्टी वाटर ऑफ द सी फ्रॉम द मिक्सिंग विद द डीप वाटर ऑफ द फ्योर्ड्स। देखो होता क्या, इसमें ये बात याद रखना, यहाँ पे एंड में आके जो लैंडफॉर्म बना बेडरॉक बना उसको बोलते हैं सिल, वो सिल क्या करता है लार्जली प्रिवेंट करता है सी वाटर को अंदर इंट्रूड करने से, आता है थोड़ा पर बहुत सारा नहीं आ पाता है, तो ये एक मिक्सचर, अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है सी वाटर भी नहीं आ पाता है, आता है पर सिल जो होता है दैट प्रिवेंट्स द एंट्रिंग ऑफ द सी वाटर इन द फ्योर्ड्स। द एक्सचेंज, हाँ अब देखो ऊपर से ही बहुत ज्यादा पानी नहीं आ रहा है, नीचे से भी तो जो पानी मिक्स हो गया दैट इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, और अगर सिल नहीं होती और पानी लगातार एक्सचेंज हो रहा होता तो वहां पे क्या होता है रिप्लेनिशमेंट होती रहता पानी का, पर वहां पे लगभग क्या होता है स्टैग्नेंट वाटर हो जाता है, तो ये कहना चाहिए दिस पुअर वाटर एक्सचेंज रिजल्ट इन द स्टैग्नेंट, ठीक है, तो स्टैग्नेंट वाटर होगा तो ऑक्सीजन लो हो जाएगी एंड दैट बिल्ड्स अपॉन द बॉटम ऑफ द फ्योर्ड, तो फ्योर्ड में जो एस्चुरी होगी तो बहुत ज्यादा वहां पे बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टैग्नेंट वाटर है, लो ऑक्सीजन है इस कारण। ठीक है, फ्योर्ड्स आर फाउंड इन द एरियाज दैट वर वंस कवर्ड विद द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर बे इन अलास्का एंड द जॉर्जिया बेसिन रीजन ऑफ द फॉरगेट साउंड्स इन द वाशिंगटन स्टेट्स आर द गुड एग्जांपल ऑफ द फ्योर्ड्स, फ्योर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड इन द कैनेडा चिले, जहां जहां पे ग्लेशियर होंगे, ठीक है ना, आपका न्यूजीलैंड ग्रीनलैंड नॉर्वे साइबेरिया एंड स्कॉटलैंड, इट इज होम टू यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल कम्युनिटी दैट हैव अडॉप्टेड टू द ब्रैकिश, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकिश वाटर है सैली, ठीक है, सलाइन वाटर भी आया और फ्रेश वाटर है, तो ब्रैकिश वाटर बन गया, तो ऐसी एनिमल्स जो कि उससे अडॉप्टेड है दे विल बी प्रेजेंट टूरिज्म और रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए। एक टर्म और मैंने कहा था एक्वेटिक बायोम में करेंगे लेंटिक और लोटिक, तो बताओ लोटिक वाले कौन से होते हैं, लेंटिक नहीं और लेंटिक क्या होते हैं, हाँ बस ये याद रखना है जो फ्लोइंग वाटर में प्रेजेंट होते हैं ना दैट इज फ्लोटिंग लोटिक, फ्लोटिंग लोटिक ऐसे आ रहा है फ्लोटिंग,
तो जो फ्लोइंग वाटर होते हैं दैट आर लोटिक, जो स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम होता है दैट इज द लेंटिक, भाई इतना हो जाएगा। द टर्म लेंटिक फ्रॉम द लैटिन लेंटिक्स फ्लोर मोशनलेस रेफर्स टू स्टैंडिंग वाटर सच एज लेक्स पॉन्ड्स लैक्वेस्ट्रीन और स्वैम्स और मार्सेस। तो जो स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम है दैट इज द लेंटिक, जो फ्लोटिंग है फ्लोटिंग लोटिक, एफ एल ओ आ गया फ्लोटिंग आ गया तो एल ओ आ गया लोटिक, फ्लोटिंग लोटिक। वाइल द लोटिक रेफर्स टू द रनिंग वाटर हैबिटेट सच एज रिवर्स एंड स्ट्रीम। तो लेंटिक और लोटिक ये उत्तर, ठीक है। एक टॉपिक और हमारा खत्म हो गया, दैट इज द बायोम्स। लास्ट टॉपिक है, फटाफट कर देंगे, फॉरेस्ट्री वाले, सोशल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री भी है। देखो कुछ बेसिक्स बात समझो, सोशल फॉरेस्ट्री जहां भी आपको बैरन लैंड मिली, जैसी लैंड मिली, जहां भी आपने लगा दिया दैट इज द, एक बिगर टर्म है दैट इज द सोशल फॉरेस्ट्री, सोसाइटी ने लगाया फॉरेस्ट को, कहीं पे भी लगा दिया। फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है, फार्म लैंड पे पूरे पे फॉरेस्ट फॉरेस्ट लगा दिए दैट इज द फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन एरिया में जो फॉरेस्ट लगा दिया अर्बन फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर हो रही थी बीच बीच में गई साइडों में लगा दिया एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। फार्म फॉरेस्ट में कंप्लीट फार्म पे लगाया, एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर मेन है, फार्म साइडों में लगाया पेड़ साइड में, ये डिफरेंस हो गया। सोशल फॉरेस्ट्री ब्रॉड टर्म है, चाहे आपने कम्युनिटी लैंड पे लगा दिया, कैनाल के साइड में लगा दिया, तो ये सारा किसमें आएगा, सोशल फॉरेस्ट्री। अर्बन एरिया में लगा दिया अर्बन फॉरेस्ट्री, वही है। फायदे सबके वही रहेंगे, इकोसिस्टम सर्विस होगा, फूड फ्यूल फोडर ये है ना, और क्या होगा, बस टिम्बर ये सब, ठीक है, ग्रीन कर देगा। अर्बन एरिया में बात कर देगा, अर्बन हीट आईलैंड को कम कर देगा वहां पे, उसके इफेक्ट्स को, वही सब बातें होंगी। In 1976, when environmentalism was gaining prominence, the term social forestry was first used by the National Commission on Agriculture, Government of India, which states that. तो अब यहाँ पे लिखना है, as per the National Commission on the Agriculture, social forestry क्या define किया उन्होंने, और जो social forestry is the management and development of forest with afforestation on barren land to achieve environmental benefits and rural development. दो component आ गए, क्योंकि human touch दिया इन्होंने rural development के through. और दूसरा किसको फायदा दिया है, एनवायरमेंट को। तो बैरन लैंड पे एफॉरेस्टेशन के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि उनको एनर्जी भी मिलेगी वहां से, ईंधन विंधन जो मिलता है, फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा अगर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगी, प्लस में क्या होगा, एनवायरमेंट बेनिफिट भी होगा, एयर प्यूरीफाई होगी है ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, तो दोनों बेनिफिट होगा सोशल फॉरेस्ट्री। तो देखो ब्रॉड टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री है ना, तो उसके अंदर रूरल फॉरेस्ट्री भी होती है, अर्बन भी होती है, फार्म फॉरेस्ट्री भी आती है, रूरल फॉरेस्ट में कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री। Unlike the conventional production forestry where the focus is on the wood, the trees produced, a social forestry approach focus on the people. ये याद रखना है यहाँ पे कि rural development करना है, लोगों का फायदा करना है, तो social forestry में main focus किसके होता है, people के ऊपर, and community involvement and the trees that provides the direct or indirect benefits locally. Aim क्या रहेगा आपका, कि जो main forest है उनसे pressure कम हो जाए, ताकि वो लोग उसको ना काटे और अलग उसको कर ले, ठीक है। और दूसरा एम क्या रहेगा, लोगों का अपलिफ्टमेंट, पीपल का बेनिफिट, ठीक है। ये सब आप देख लेना वेस्ट लैंड पे, पंचायत के थ्रू करते हैं तो अगेन डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, ग्रास रूट डेवलपमेंट होगी। और दूसरा क्या फायदा सोशल फॉरेस्ट्री का, जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है तो वो क्या चाहती है, कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर हो इंडिया में 33% हो जाएगा, तो जितने भी हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री है, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सब उसको टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगी, ये सब में डाल देना कॉमन लाइन है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है सोशल फॉरेस्ट्री के, डाइवर्सिफाइड नॉन फार्म ऑप्शंस, नॉन क्रॉप इनकम, उनके अलावा मान लो कोई फ्रूट्स का लगा दिया उसने तो एक्स्ट्रा इनकम होगी, नॉन फार्म इनकम बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी देना फायदा फार्मर को या रूरल पीपल को। एंश्योर बेटर लैंड यूज वेयर वेस्ट लैंड टर्न इनटू द फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, वेस्ट लैंड यूज हो गया, यूज होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, ठीक है। केस स्टडी अगर बात करें फॉरेस्ट्री की, तो वेस्ट बंगाल का एक एरिया है, वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द लोवेस्ट पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया इन द नेशन, 0.02 हेक्टेयर, ठीक है, पर कैपिटा जो फॉरेस्ट एरिया। वेस्ट बंगाल बिगेन 93,000 हेक्टेयर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव इन 1981 विद फंडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। द स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बिटवीन द विलेज पंचायत एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक लैंड टू द ट्राइबल्स एंड अदर लैंडलेस पुअर आर द टू फैक्टर्स इन द स्टेट्स रैपिड एडॉप्शन ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री। दिस कम्युनिटी इनिशिएटिव हैज लेड टू समवट लेंथी जेस्टेशन पीरियड सिमिलर टू अदर सक्सेसफुल कम्युनिटी प्रोग्राम। तो इसमें एक नेगेटिव थोड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत टाइम लग जाता है फॉरेस्ट डेवलप हुए, तो जेस्टेशन पीरियड थोड़ा आई है इनका, लेकिन बंगाल का एक सक्सेसफुल केस स्टडी दे सकते हो कि कैसे सोशल फॉरेस्ट्री से वहां पे ट्री ग्रोथ प्रमोट हुई है, ठीक है। शॉर्टकमिंग्स क्या है सोशल फॉरेस्ट्री की, ऑल्दो सोशल फॉरेस्ट्री एज अ कंसेप्ट वाज रिवोल्यूशनरी बट इन इंडिया इट वाज नॉट टू मच सक्सेस बिकॉज मेनी फार्मर्स ऑप्टेड फॉर डाइवर्टिंग एग्रीकल्चर लैंड टू द फॉरेस्ट्री।
तो पूरे एग्रीकल्चर लैंड पे लगाने लगे तो क्या होगा, इट कॉम्प्रोमाइज द एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट एंड फूड सिक्योरिटी। दूसरा क्या हुआ, बिकॉज ऑफ उनको थोड़ी पता है कौन सा पेड़ क्या लगाना है, तो जो मन में आया वो पेड़ लगा लिया, तो लोकल इकोलॉजिकल जो कंडीशन थी उसके हिसाब से प्लांटेशन नहीं हो पाई। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड द लैक ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्टिव, मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन कंसेंटेड टू द यूकेलिप्टस। हरियाणा में देखो मोस्टली क्या लगा दिया, यूकेलिप्टस लगा दिया प्लांटेशन के नाम पे, जबकि वहां की नहीं है स्पीशीज, वो तो वहां लगते हैं जहां वाटर लॉक कंडीशन, ठीक है ना, विच इज नॉट इकोलॉजिकली सुटेबल इन द इंडियन सेटिंग। तो यूकेलिप्टस हमने लगा दिया, ठीक है, एक वो विलायती की कराती है, ठीक है, उसको लगा दिया। अब देखो आपका सोशल फॉरेस्ट, ठीक है, ये आपको मेन से बनाना है डायग्राम, थोड़ा छोटा कर लेते हो। हाँ देखो इसको कि सोशल फॉरेस्ट्री से क्या क्या होगा, बस एक डायग्राम कर लो से सारे हो जाएंगे। पहले हम देखेंगे सोशल फॉरेस्ट्री कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, डिग्रेडेड लैंड पे लगा सकते हैं, कम्युनिटी लैंड पे लगा सकते हैं, रोड साइड लैंड पे लगा सकते हैं, कैनल साइड लैंड पे लगा सकते हैं, रेल साइड या अदर डिग्रेडेड फॉरेस्ट या फार्म लैंड। तो ये तो जगह होगी कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हो, रोड साइड लैंड साइड डिग्रेडेड लैंड, जहां लगाना लगाओ तो कहीं भी लगा लो सोशल फॉरेस्ट्री में। दूसरा देखो इसको फिर ब्रेक करो, चार इसके फायदे होंगे ऐसे, एक तो फार्म एनर्जी में, दूसरा फार्म कंजर्वेशन में, तीसरा डोमेस्टिक नीड को मीट करने में, चौथा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और पांचवा है अदर्स में। तो फार्म एनर्जी में जैसे आपका फोडर हो गया, ठीक है, एनर्जी में फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, फोडर हो गया, हीटिंग हो गया जलाने के लिए, ठीक है, आपका फ्यूल वुड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, तो ये तो एनर्जी का पार्ट हो गया। फार्म कंजर्वेशन में कैसे, जब पेड़ लगेंगे तो विंड इरोजन ये सब कम होएगा, वाटर इरोजन कम होएगा, ठीक है ना, पेस्ट कंट्रोल होएगा, और आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल, बर्ड्स एनवायरमेंट कंट्रोल, ठीक है। डोमेस्टिक नीड में कैसे, आपका आपका हीटिंग कुकिंग जो फ्यूल मिल जाता है, और क्या होगा आपका बेम्बू स्टिक विस्टिक ग्रास फ्रास वो यूज हो सकती है। फिर अगला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, नर्सरी डेवलपमेंट, ठीक है, अदर्स में इट रिड्यूस प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट। कुछ मैंने डिवाइड कर रखा है इसको कि फार्म में कुछ हेल्प करेगा, फार्म की एनर्जी में, फार्म के कंजर्वेशन में, डोमेस्टिक नीड्स में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और अदर्स में। और इससे फायदा क्या होगा फार्म वाले से, क्या होगा फुलफिल फार्म नीड्स, डोमेस्टिक नीड्स से क्या होगा फुलफिल फार्मर्स नीड्स, ये इसका इंपैक्ट हो गया। तो पहले कहाँ लगा सकते हैं, किन किन एरिया में बेनिफिट होगा और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस तरीके से फ्लो चार्ट है, ठीक है। और इन सबसे क्या होगा, अगर फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर कम हो रहा है तो इट विल फुलफिल द नेशन नीड, देश का फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द अर्बन फॉरेस्ट्री, तो अगर हम फॉरेस्ट्री कहां प्रमोट कर रहे हैं, इन एंड अराउंड द अर्बन एरिया, तो इट विल नोन एज अर्बन फॉरेस्ट्री। द वर्ल्ड इज, ठीक है, धीरे धीरे अर्बन हो रहा है, अर्बन ट्रीज एनहेंस द ब्यूटी एंड एनवायरमेंट क्वेश्चन ऑफ द सिटी एंड आर अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर कंट्रीब्यूटिंग टू द एस्थेटिक क्वालिटी। सब आप कर लेना भाई, ऑब्वियसली ट्रीज होंगे तो है ना, एक एस्थेटिक क्वालिटी अच्छा लगता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने लास्ट में लिख दिया, इट मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन हीट आईलैंड। जो अर्बन हीट आईलैंड का कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने क्लाइमेटोलॉजी में, तो पेड़ होंगे तो उसका भी क्या होगा इम्पैक्ट, मिटिगेशन होगा, ठीक है। अर्बन हीट आईलैंड में क्या होता है कि अर्बन एरियाज में जो टेम्परेचर होता है 3 से 4 डिग्री ज्यादा होता है कंपेयर टू द नियर बाय रूरल एरिया, दिस इज नोन एज अर्बन हीट आईलैंड। तो पेड़ वेड़ होते हैं तो ट्रांसपिरेशन होता है, शेड होती है, ये ना, तो उसके कारण क्या होता है, तो अर्बन हीट आईलैंड का इफेक्ट कम हो जाता है, ये मेन बात ये थी इसकी, ठीक है। उसके बाद एक टेक्निक आती है मियावाकी मेथड, अर्बन फॉरेस्ट्री का जापान से आए मेथड, ठीक है। एक ही जगह पे बहुत ही क्लोजली पैक्ड हम अलग अलग वेराइटी लगाते हैं ट्रीज की, ठीक है, और उसमें क्या होता है नेटिव स्पीशीज यूज करते हैं वहां की, ये आप बहुत क्लोज लगाते हैं और स्पीड जो होती है ग्रोथ की फॉरेस्ट की वो होती है फास्ट वहां पे, ये फर्क है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर जैपनीज बोटनिस्ट अकीरा मियावाकी। दिस मेथड इन्वॉल्व प्लांटिंग 2 or 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजिनियस नेटिव ट्रीज विद इन अ स्क्वायर मीटर, कम एक पास से एरिया में लगाएंगे, ठीक है ना। इन दिस मेथड ट्रीज बिकम सेल्फ सस्टेनिंग एंड दे ग्रो टू फुलफिल देयर फुल लेंथ विद इन 3 years। तो दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे सेल्फ एसिड स्पीशीज लगाते हैं कि आपको ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, खुद ही वो अपने आपको सेल्फ सस्टेनिंग होती है स्पीशीज, ठीक है। तो ये क्योंकि मियावाकी उनके दिमाग में यूपीएससी वाले का क्वेश्चन आ चुका है, तो उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक बतानी चाहिए। तो ऐसी होंगी स्पीशीज जो कि नेटिव होंगी, ऐसी होंगी स्पीशीज जो सेल्फ सस्टेनिंग होंगी और कम एरिया में लगाएंगे उसको, ठीक है, ज्यादा खुली खुली नहीं लगाते। द प्लांट्स यूज इन मियावाकी मेथड आर मोस्ट ऑलमोस्ट सेल्फ सस्टेनिंग एंड डोंट रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस लाइक मैन्योरिंग एंड वाटरिंग। द डेंस ग्रीन कवर ऑफ इंडिजिनियस ट्री प्लेज अ की रोल इन एब्जॉर्बिंग द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एरिया वेयर द गार्डन हैज बीन सेट अप। द प्लांट्स आल्सो हेल्प इन द रेगुलेटिंग सरफेस टेंपरेचर, इसके फायदे होंगे सारे, ठीक है। दिस मेथड नॉट ओनली कंजर्व द स्पेस बट द प्लांटेड सैपलिंग आल्सो सपोर्ट वंस अनदर ग्रोथ एंड ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेशन द ग्राउंड इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ वीट, ये सब उसके फायदे हैं।
सम ऑफ द कॉमन प्लांट्स कौन कौन से लगा सकते हैं, अंजन, आंवला, बेल, अर्जुन, गुंज, ठीक है। केस स्टडी अगर बात करें अर्बन फॉरेस्ट्री की तो तेलंगाना में केस स्टडी आप देख लेना इसकी, ठीक है। किस नाम से अंडर द प्रोजेक्ट, तेलंगु हरित हरम, ठीक। मेवा की और एग्जांपल कहा दोगे आप, मुंबई का देखो, दो केस स्टडी देना आपको मुंबई की भी, ठीक है। जहाँ पे जो आपके ब्रेन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन इंप्लीमेंटिंग द मेवाकी फॉरेस्ट अप्रोच इन वेरियस वैकेंट लैंड एरिया ऑफ द मुंबई। तो ये मेवाकी टेक्निक हम कहां कहां यूज कर रहे हैं इंडिया में, मुंबई और तेलंगाना में, तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, तो सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, फटाफट हो गया, दूसरा क्या होगा अर्बन फॉरेस्ट्री हो गया। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या है, एग्रीकल्चर लैंड में, जैसे लैंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स उग रही है या तो कुछ बीच में लगा दिए या साइड में लगा दिया, ठीक है, विंड इरोजन ना हो सब चीजें। इट इज डिफाइंड एज द लैंड यूज सिस्टम विच इंटीग्रेट्स ट्रीज एंड श्रब्स ऑन फार्म लैंड एंड रूरल लैंडस्केप टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी से डेफिनेशन लिए, इसलिए याद करने जरूरी है। डायमेंशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द लैंड यूज सिस्टम, ऐसे लैंड विच इंटीग्रेट्स ट्रीज एंड श्रब्स ऑन द फार्म लैंड एंड रूरल लैंडस्केप। तो ये क्या है, फार्म लैंड पे या रूरल लैंडस्केप पे ट्री और श्रब्स लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं, ये वर्ड चार याद याद करने, टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए लोगों की, प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी बढ़ेगी अलग अलग पेड़ लगाएंगे, और इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। तो क्या बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, डाइवर्सिटी बढ़े और सस्टेनेबिलिटी बढ़े इकोसिस्टम, चार चीज के लिए लगा रहे हम एग्रो फॉरेस्ट्री, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी। इट एक्ट्स एज अ विंड शेल्टर्स एंड एड इन द सोयल कंजर्व, तो चारों तरफ अगर पेड़ लगे होंगे तो शेल्टर बेल्ट की तरह काम करेंगे और सोयल इरोजन को कम करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया था अपने टाइम तैयारी करते तो दे दिया तुम्हें, ठीक है। अब होता क्या है, सब एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ लेते हैं हम, एक लेवल ऊपर जाते हैं उसमें क्या करते हैं, मैं बता रहा था कि यहाँ पे ये क्रॉप लगाएंगे और ये ट्री लगाएंगे इंडिया में, ऐसे मैं डायग्राम तुम्हें कहता हूँ बनाने को आंसर राइटिंग। तो क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों की, राजस्थान में बाजरा की जब कल्टीवेशन हो रही है तो एग्रो फॉरेस्ट्री में कौन सा पेड़ लगा सकते हो आप, केजरी ट्री, बस ये दिखा दो, क्या दिक्कत है, पता है आपको, बस आप आलस कर जाते हो रिप्रेजेंट करने में। साउथ में अगर कोकोनट राइस की कल्टीवेशन हो रही है तो उससे आप कौन सा ट्री लगाओगे, कोकोनट की ट्री लगा दो, यही तो एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हो नॉर्थ इंडिया में तो मेज की कल्टीवेशन हो रही है पहाड़ों में, अगर वहां पर तो उसका लगा दो साल ट्री, ठीक है। पंजाब में अगर कहीं भी आप लगा रहे हो मेज क्या लगा दो साल ट्री, ठीक है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो परिकिया टिमोर्निया है, ठीक है, कोई ट्री होगा उसको उसके साथ लगा दो आप अपना लोकल वीट वेराइटी, वीट भी लगाते हो आप, ठीक है, तो वीट के साथ आप ये हो जाएगा। आप आ जाओ यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में अगर बात करें तो वीट के साथ लगा दो मैंगो ट्री, इस तरीके से आप शो कर सकते हो, ठीक है। ट्रीज आर ग्रोन ऑन द फील्ड बाउंड्री एंड क्रॉप इन द सेंटर सो दैट दे एक्ट एज द शेल्टर बेल्ट। कई लोग और डायग्राम बना देंगे, मैं वो बनाएंगे बीच में क्रॉप्स दिखा देंगे ऐसे, कई बनाते हैं याद है क्या एग्रो फॉरेस्ट्री का, हमारे साथ थे कई बना देते थे कलाकार, वो ऐसे बनाएंगे देखिए, तो और नंबर बीच में दिखाएंगे क्रॉप्स। एक तो मैप हो गया, यहाँ पे दिखाएंगे ट्रीज ऐसे साइड में, नीचे लिख दो एग्रो फॉरेस्ट्री, ये और क्या करना है, छोटे छोटे चल रहे थे डायग्राम, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस अप्लाई करना उसी को, एग्जामिनर की तो एक अलग बात, आप एक लगातार पढ़ रहे हो, एक आपको मैप आ गया, एक छोटा डायग्राम आ गया, तो वहां पे मार्क्स बढ़ जाते हैं। जो मैं बोल रहा था कि साइडों में पेड़ लगाने, बीच में क्रॉप्स है, इसको क्रॉप्स लिख दो, इसको ट्रीज लिख दो, खत्म बात, बन गई अगर फॉरेस्ट्री, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे करना है काम। चलो थोड़ा और मैंने देख लिया है ना, अगर हरियाणा में बात करें तो पॉपुलर ट्रीज शुगर केन के साथ, ठीक है, वहां पे ग्राम और के साथ खेजड़ी ट्री, और ग्राउंडनट एंड मेज के कहां पे लगा सकते हैं, गुजरात में, ठीक है, राइस और श्रिम फार्मिंग केरला में उसका, ठीक है, राइस और पाम ट्री लगा सकते हैं तमिलनाडु में, मिलेट्स और टबैको, ठीक है, तो जूट और वीट के साथ आपके यहाँ पे हो सकता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल दोनों को मिला के एक सिंगल मैप बना लेना आप। अब बेनिफिट्स तो वही आएंगे, एनवायरमेंट के बेनिफिट्स होंगे, न्यूट्रिएंट, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएगा, प्रेशर कम होगा नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, फर्टिलाइजर, फूड, फ्यूल, ये सब चीजें, ठीक है, सोशल बेनिफिट्स होंगे, कम्युनिटी, हेल्दी इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है ना, न्यूट्रिशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का, कम्युनिटी स्टेबिलाईजेशन होगा,
माइग्रेशन नहीं होगी, वहीं पे लोग रह जाएंगे, सारी बातें, रूरल डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सारी वही बातें। अब मियावाकी की केस स्टडी दी थी तेलंगाना और मुंबई, ठीक है, एग्रोफोरेस्ट्री के दे दो इंडोनेशिया में सक्सेसफुल। तो ये मेंस के लिए दे रहा हूँ, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस हो गए नोट्स खत्म, इन्हीं को लिख के आना है, डायग्राम दे दिया केस में, और क्या चाहिए। ऊपर डेट एग्रोफोरेस्ट्री पॉलिसी की डेफिनेशन दे दी, इसमें तुम बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी की, प्रॉफिटेबिलिटी की, डाइवर्सिटी की, सस्टेनेबिलिटी की, ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है एग्रोफोरेस्ट्री बूट्स, लैंड प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, फार्मर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मोटिवेट करेगा फार्मर को, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए। एग्रोफोरेस्ट्री ऑल्सो रिड्यूस द पॉवर्टी। लास्ट टॉपिक है फार्म फॉरेस्ट्री। हिम्मत तो दिखा दी आपने बहुत, खत्म करते खत्म, मेरे को भी खत्म ही करना था आज, कितने दिन का सीटेंगे इसी को, ठीक है ना। फार्म फॉरेस्ट्री बच गया, फार्म फॉरेस्ट्री में बताओ क्या होगा, तुम ही बता दो फटाफट। है नहीं फार्म फॉरेस्ट्री में बस फार्म लगेंगे पूरे लैंड पे, और यही था। इन डेवलपिंग नेशंस द प्रैक्टिस ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट एरियाज टू मेक वे फॉर द एग्रीकल्चर लैंड इज प्रेवलेंट। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैज क्रिएटेड मोर देन 5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑन द फार्म लैंड्स। तो फार्म लैंड पे हमने क्या कर दिया, ट्री लगा दिए फॉर द सोशियो इकोनॉमिक गोल सच एज लंबर प्रोडक्शन और फॉर द वैरायटी ऑफ नॉन कमर्शियल यूजेस सच एज ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, सॉइल इरोजन, ये सब फायदे वही है सारे कॉमन, प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन एलिमेंट इन द सोयल एंड सो ऑन। फार्म फॉरेस्ट्री बेनिफिट्स, ठीक है, एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, सारे वही लिखे ना पुराने वाले, इकोनॉमिक बेनिफिट, एनवायरमेंट बेनिफिट, नेटिव स्पीशीज लगाएंगे, सारे कॉमन ही, सोशल बेनिफिट होंगे। यहाँ पे केस स्टडी दे दी हमने आपकी चेन्नई के राउंड, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरिया अंडर द एडाइकल प्रोजेक्ट इन विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट नियर द चेन्नई, इंप्लीमेंटेड इन 1994 विद द फंड्स फ्रॉम द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट कमिटमेंट टू द ग्रीनिंग कैन डू। इन 28 इयर्स द एरिया हैज बिकम डेंस मिनी फॉरेस्ट एंड इज नाउ होम टू फौना लाइक डियर, मूस एंड स्नेक्स। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एनविसेज दैट 1998 एंड ब्रिंग 1/3 ऑफ द, ठीक है, तो अगेन वो बता रहे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी कह ही रही है क्या, ठीक है, तो इसलिए वो एग्रोफोरेस्ट्री उसको भी सपोर्ट कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एग्रोफोरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, ये एक बार अपने को देखना है, ठीक है। तो क्या है आपका एग्रोफोरेस्ट्री, हियर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वहां पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, पेड़ तो हम साइड में लगाते हैं थोड़ा, ये मेन बात है ना, ठीक है, ऑफ द फार्मर्स एंड ऑल एक्टिविटी डन इन द फील्ड आर डायरेक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रॉप, द ट्रीज इन द फार्म हेल्प इन द बेटर ग्रोथ और प्रोवाइड अ इकोलॉजिकल सपोर्ट टू द प्रिंसिपल एग्री। तो मेन वहां पे एग्रोफोरेस्ट्री के अंदर काम क्या है, क्रॉप्स का है, जो बाकी ट्रीज लगा रहे हैं दैट इज टू सपोर्ट द क्रॉप्स उसके लिए। और फार्म फॉरेस्ट्री में क्या आएगा, मेन होगा आपका फॉरेस्ट का, ठीक है ना, मतलब ट्रीज का, क्रॉप तो लगा दी। द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इज सेकेंडरी टू द एग्री क्रॉप एंड द बेनिफिट्स ड्राइव्ड बाय द ट्री इज एडिशनल, ठीक है, जो मिल गया बेनिफिशियल वो होगा एडिशनल होगा बाय द ट्रीज, क्योंकि मेन फोकस इस पे है क्रॉप्स के ऊपर एग्रोफॉरेस्ट्री में। एग्जाम्पल ग्रोइंग टीक ट्रीज इन द बंड्स ऑफ फार्म्स, ठीक है, ग्लेरिया ट्री, ग्रीसीडिया ट्री टू सप्लीमेंट द ग्रीन मैन्योर एंड टू एक्ट एज द बायो फेंस। तो मेन अगर टीक के लगा दिया आपने या कोई ग्रीन मैन्योर की ट्री लगा, तो एडिशनल बेनिफिट है, मेन ध्यान किस पे है, क्रॉप्स के ऊपर है एग्रीफॉरेस्ट्री में। फार्म फॉरेस्ट्री में द प्राइमरी क्रॉप इन द फील्ड इज द ट्री, तो फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर जो प्राइमरी क्रॉप है वो है ट्री है, तो ट्री पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। द क्रॉप इज द पेरिनियल, ठीक है, एंड ऑल द एक्टिविटीज डन इन द फील्ड आर टू द बेनिफिट ऑफ द पेरिनियल क्रॉप, ठीक है, द क्रॉप इज पेरिनियल, पेरिनियल मतलब क्रॉप मतलब जो ट्री है ना वो पेरिनियल है, मेनली क्या आपका ट्री है, और जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके अराउंड तो ट्री की बेनिफिट के लिए करेंगे आप। इन बिटवीन द ट्रीज लाइंस फार्मर्स कैन ग्रो एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर गेटिंग ईयरली इनकम टू, चाहे तो वो ट्रीज के बीच में लाइन है वहां पे कुछ क्रॉप उगा सकता है टू गेट द एडिशनल बेनिफिट, लेकिन मेन काम किसका है, ट्री का है फार्म फॉरेस्ट्री में, ठीक है। ये PYQ है, सॉइल जेनेसिस, सॉइल प्रोफाइल हमने कर लिया है ना, एक बार देख लेना कोई दिक्कत है। ये तो मैं कह रहा था सवाना में बरइंग फायर ये सब क्या क्या लिमिट करती है, लीफ लिटर जहाँ पे होगा इक्वेटोरियल जो रीजन था आपका, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला ये सब, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेना। एक जो लास्ट में आपको कह रहा था, जो कोड में आपको बता रहा था ना, वो कोड था एपी मी, मैंने बोला था हैप्पी हैप्पी, वो लेयर्स वाला जो था ना वो कोड था हैप्पी मी, मतलब
ऊपर मैं ऊपर हैप्पी ऊपर हूं, ठीक है, पर जैसे जैसे मेरे को नीचे ले जाएंगे पानी के अंदर वैसे दबेगा, ठीक है, हैप्पी मी, ठीक है, बस अब हद है, बस अब हद। तो जब मैं पानी के ऊपर तैर रहा था तब मेरे को अच्छा लग रहा था, हैप्पी मी था, हैप्पी मैं खुश था उस टाइम ऊपर, जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तब कहूंगा बस अब हद है, अब और नीचे ले जाऊंगा मैं। तो जो लेयर आएगी पानी की सबसे ऊपर है, दैट इज हैप्पी, मतलब हैप्पी हैप्पी पिलाजिक, ठीक है। तो मैं ऊपर हैप्पी था, हैप्पी को करो हैप्पी, बस मी से आएगा मीजोप्लाजिक, मीजोप्लाजिक। ये लेयर के क्वेश्चन ऊपर, क्वेश्चन में कैसे लेयर डिवाइड होती है वर्टिकली, हैप्पी मी, ठीक है। अब और नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, बस अब हद है, तो बस से आएगा बैथो या बैथी प्लाजिक, ठीक है, बैथी हो गया, बस अब हद है, अबाइसो अबाइसो प्लाजिक, बस अब हद है, हद से क्या आएगा हेडल जोन, ठीक है, हेडो प्लाजिक, हेडो प्लाजिक। ये कोड मैं कह रहा था, याद किसी को नहीं आया, पर कोई नहीं, अब आ जाएगा। लेकिन ऊपर में हैप्पी था, हैप्पी मी, हैप्पी प्लाजिक, मी से मीजो प्लाजिक, लेकिन और मेरे को नीचे ले जाओगे तो मैं कहूंगा बस अब आ जाए, ठीक है, बैथी प्लाजिक, एबाइसो प्लाजिक, हेडो प्लाजिक, ये कोड, ठीक है।